गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी सीएफ फाइनल के पेपर थ्री एडवांस ऑडिटिंग एंड प्रोफेशनल एथिक्स की इस बैच में। न्यू सिलेबस आने के बाद ये हमारी फिफ्थ बैच है न्यू सिलेबस की, आफ्टर द न्यू कोर्स केम इनटू पिक्चर। एंड आज हम पहले दिन में क्या करेंगे, आई एम श्योर कि आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, जिसमें सबसे पहला सवाल होगा कि बैच खत्म कब होगी। बट डिस्पाइट द फैक्ट दैट व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी विल स्पेंड हाफ एन आवर और सो जस्ट टू गेट एन इंट्रोडक्शन अबाउट द बैच, जिसमें हम बातचीत करेंगे उन सारे मुद्दों की कि कितने समय में हमारी बैच कंप्लीट करेंगे एंड व्हाट इज गोइंग टू बी द सिस्टम ऑफ स्टडिंग एंड व्हाट काइंड ऑफ बुक्स यू विल बी गेटिंग एग्जाम के लिए, अपनी रिवीजन और टेस्ट वगैरह टाइप की चीजों के लिए किस तरह का सपोर्ट होगा, ऑल दैट स्टफ। ठीक है, वो सब अपन डिस्कस करते हैं। उससे पहले अपन थोड़ा सब्जेक्ट के बारे में समझते हैं। ऑडिट तो एज सच तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ऐसा माने या ना माने, ना माने तो बेहतर है सर। क्या सब्जेक्ट का नाम क्या होता था इंटरमीडिएट में हम जो पढ़ते थे उसका? ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस। तो शुरू यहीं से करते हैं, ऑडिट और अश्योरेंस में क्या फर्क है? What is the difference between audit and assurance? और सर सुबह सुबह सवाल मत पूछो, एक घंटे बाद पूछा करो, है ना। अभी तो हमारा सिस्टम ही बोर्ड नहीं हुआ है, वो भी पहले दिन। बताना चाहे मैं तो कुछ ज्यादा पूछा ही नहीं है, सब्जेक्ट के नाम के बारे में पूछा है। आप जवाब दे सकते हैं, कैमरे में आपका नाम और फोटो दोनों ही नहीं आ रहे हैं, गलत भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं आएगी जी। कुछ बताना चाहेंगे ऑडिट और अश्योरेंस में क्या फर्क है, क्या लगता है इन दोनों शब्दों में, इन दोनों टर्म्स में? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स? ओके, यानी आपका कहना है ऑडिट एक ओके ऑडिट वो रास्ता है जिसकी मंजिल अश्योरेंस है। ऐसा कर लो सर, ये थोड़ा शायराना हो गया। तो ऑडिट इज अ प्रोसेस एंड अश्योरेंस इज द आउटकम ऑफ इट। ओके, और कुछ? इनकी तो पहली बैच है तो ये अभी नहीं बताएंगे, है ना, बोले शुरुआत ही हुई है अभी जी। पीछे ओके तो दोस्तों एक चीज समझो, सबसे पहले व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज, छोड़ो इसको, अपन टर्मिनोलॉजी पे नहीं जाते, अपन तो जनरली समझते हैं ऑडिट के बारे में। मैं इसे दूसरी तरह से पूछता हूं। सपोज आपने किसी पर्टिकुलर एंटिटी का ऑडिट किया, ठीक है, और बाद में मालूम पड़ा कि आपने जिसका ऑडिट किया था उसके प्रॉफिट्स ही गलत थे, सेल्स इन्फ्लेटेड थी, प्रॉफिट्स बढ़े हुए थे और ये बहुत ही अपेरेंटली दिख रहा था, पर आप नहीं डिटेक्ट कर पाए, कि आपको लगता है एज एन ऑडिटर आप जिम्मेदार माने जाएंगे? यस, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर गड़बड़ हैं तो डेफिनेटली ऑडिटर वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, राइट। सपोज फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि आप जिस एंटिटी का ऑडिट कर रहे हैं, आपने देखा कि उस एंटिटी में देयर वर सम प्रॉब्लम्स विद इंटरनल कंट्रोल्स, यानी कंपनी के कंट्रोल्स बहुत ज्यादा अच्छे नहीं थे, जिस कारण से कंपनी को नुकसान हुआ है, लेकिन उसके फाइनेंशियल सही है, ऐसा हो सकता है क्या? क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या पॉसिबल है? यानी कि हमने ये देखा कि वी वर ऑडिटिंग अ पर्टिकुलर कंपनी और हमने देखा कि वहां पे से एक कैफे का ऑडिट कर रहे थे हम, और हमने ऑडिट कर दिया, सब कुछ ठीक हो गया, और बाद में मालूम पड़ा कि कैफे का जो कैशियर था वो बड़ा बदमाश था, लोगों से पैसे लेता था, बिना बिल बनाए उनको फूड मटेरियल सप्लाई कर देता था और पैसे जेब में रख के घर चले जाता था, क्या इसके लिए ऑडिटर को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? Is this something which you as an auditor can be held responsible for? In fact, are you responsible to check this thing? क्या आपको ये चीज चेक करने की जरूरत है? Yes. Internal controls क्या हमारे स्कोप में आएंगे चेक करने के लिए? Are we responsible to check internal controls? तो इसका मतलब अगर बैंक लोन दे रही है और बैंक ने बेइंतहा लोन ऐसे लोगों को बढ़ दिया है जिनकी कैपेसिटी नहीं है रीपे करने की, तो क्या ऑडिटर को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है कि उसने पॉइंट आउट नहीं किया कि आपने क्यों ऐसे लोगों को लोन दे दिया? बिल्कुल
बैंक के केस में है, क्यों? बैंक का तो मेन बिजनेस है तो हमारा फोकस होना चाहिए, तो कैफे का भी सेल्स तो मेन ऑपरेशन हो गया। भाई अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि हमारे कैफे में गड़बड़ हो रही है, वेजिटेरियन बोल के नॉन वेज सर्व किया जा रहा है और ऑडिटर ने भी खा लिया और जेनी आदमी था एकदम धर्म भ्रष्ट हो गया उसका भी, उसे पता नहीं था, उसने रिपोर्ट नहीं किया, तो समझ में आता है ये तो हमारी जिम्मेदारी में नहीं आएगा। इट्स ऑल्सो एन इंटरनल कंट्रोल इश्यू। एक्सपायरी डेट के प्रोडक्ट हमारे कैफे में यूज किए जाते हैं क्योंकि सस्ते में मिल जाते हैं, दिस इज ऑल्सो क्वालिटी इश्यू, बट ऑडिटर इसके लिए जिम्मेदार नहीं, बट फाइनेंशियल मैटर। लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स, लॉज एंड रेगुलेशन की बात करते हैं। हमारे कैफे में जिसका हमने ऑडिट किया था वहां पे एक छोटू था, वेरी छोटू, एंड ही वॉज वर्किंग देयर, और ऑडिटर ने देखा कि ऑडिटर को रिपोर्ट करने की जरूरत है, चाइल्ड लेबर, 14 साल से कम का था छोटू। हमने पूछा भी छोटू उम्र कितनी है तेरी, उसने बोला 2 साल पहले 10 थी, बेचारे को गिनती नहीं आती 10 के बाद। आप बताइए क्या हम जिम्मेदार हैं इसे रिपोर्ट करने के लिए? देखा है हमने, इज इट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिपोर्ट? जी वेरी गुड, नॉन कंप्लायंस किसी भी लॉ रेगुलेशन का अगर है तो ऑडिटर को रिपोर्ट करना चाहिए। क्या कोई भी लॉ में चाइल्ड लेबर जैसा लॉ भी आएगा? क्या ऑडिटर जिम्मेदार है ये सब चेक करने के लिए? यस, क्या चेक करते हो तुम लोग? बातें कर रहे हो बड़ी बड़ी, कभी तुमने ऑडिट में देखा है छोटू काम तो नहीं कर रहे हैं? है ही नहीं सर छोटू हमारे यहाँ, हमारे तो क्या है, हम तो ऑडिट के लिए क्लाइंट की लोकेशन भी नहीं आते, किताबें आ जाती है तो कहां से देखेंगे। मिनिमम वेजेस होती है। पीएफ एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि आप एक कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं जिसमें 250 वर्कर्स है और वो पीएफ में रजिस्टर्ड ही नहीं है, इसलिए वो पीएफ के कॉन्ट्रीब्यूशन भी नहीं दे रहे प्रोविडेंट फंड के, ऑडिटर ने इसे रिपोर्ट नहीं किया, इज द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? क्या ऑडिटर को चेक करना चाहिए था कि भाई इतने एम्प्लॉइज हैं तो पीएफ क्यों नहीं कट रहा है? एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि आप एक ज्वेलरी शॉप को ऑडिट कर रहे हैं और आपने देखा कि वो कंपनी प्योर गोल्ड की कह के मिलावट वाली ज्वेलरी बेच रही है, यानी कह रही है कि वो सोने की है लेकिन एक्चुअल में उसमें पीतल मिला हुआ है, कंपनी का कहना है दुनिया ही पीतल दी है। एनीवेज, तो क्या ऑडिटर को ये चीज रिपोर्ट करना चाहिए अगर उसे डिटेक्ट हो गई है? तो ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में क्या लिखेगा? बैलेंस शीट पीएनएल सब सही है, बस सोना खरा नहीं है। आप रिपोर्ट कैसे करेंगे? क्योंकि इससे आपके फाइनेंशियल्स पे तो कोई इफेक्ट आ नहीं रहा है, आपका क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन तो गड़बड़ हुआ नहीं होगा क्योंकि वो तो ऐसे भी कॉस्ट पे वैल्यू हुआ होगा और उसकी कॉस्ट तो बहुत कम है, मार्केट वैल्यू ज्यादा है क्योंकि कॉस्ट तो पीतल की है। यानी आप समझ रहे हैं? सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, द फर्स्ट थिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड इज, दोस्तों सीए फाइनल में जब आप ऑडिट पढ़ रहे हो, अब ये पूरा ऑडिट सीए फाइनल का इंटरमीडिएट और आईपीसीसी के कंपैरिजन में कैसे अलग है? वहां पे आपके एग्जाम में जितने क्वेश्चंस आते थे वो आते थे थ्योरेटिकल, जिसका मतलब है कि आपने, से फॉर एग्जाम्पल मैंने चाइल्ड लेबर की बात की, इंटर आईपीसीसी में सवाल आएगा तो ये आएगा कि बताइए एज एन ऑडिटर आपकी लॉज एंड रेगुलेशन को चेक करने के लिए क्या जिम्मेदारी है, व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर चेकिंग और रिपोर्टिंग ऑन नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन। वही सवाल अगर फाइनल में आएगा, और आ चुका है ये चाइल्ड लेबर वाला क्वेश्चन, एग्जाम का क्वेश्चन पूछा मैंने, सेम क्वेश्चन आएगा तो वो ऐसे ही आएगा कि आपने ड्यूरिंग अ कोर्स ऑफ ऑडिट देखा है कि देयर इज अ चाइल्ड लेबर हैपनिंग, आर यू रिस्पॉन्सिबल टू रिपोर्ट ऑन दीज मैटर्स? इसका मतलब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, यू डोंट गेट थियोरेटिकल क्वेश्चन एटलीस्ट इन योर सीए फाइनल्स। ये पूरा कैसा हो गया है वो आपका टॉपिक केस स्टडी बेस्ड, विच मेक्स थिंग्स मोरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो, क्योंकि ये एप्लीकेशन बेस्ड है। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चीजों को समझना पड़ेगा टू दैट पर्टिकुलर एक्सटेंट कि इससे कोई भी पॉसिबल तरह का सवाल हमारे सामने आ जाए तो वी शुड बी एबल टू आंसर। यानी सबसे पहली चीज आप ये समझ लीजिए कि आपके सिलेबस अब कैसे हैं, कि अगर आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ रहे हैं तो आपको ये नहीं सोचना है कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में मॉड्यूल में या किताबों में क्या क्या लिखा हुआ है,
आपको ये सोचना है कि रियल लाइफ सिचुएशन में इससे रिलेटेड क्या क्या चीजें हो सकती हैं, एंड यू शुड हैव आंसर टू ऑल दोस थिंग्स। वो बात अलग है कि अगर अपन देखें नॉर्मली तो अपना इंस्टीट्यूट का पेपर मोर ऑर लेस क्या होता है, मॉड्यूल से आता है, ऐसी एक मानसिकता बनी हुई है। हालांकि अपन उस बारे में भी बातचीत करेंगे, बिकॉज न्यू कोर्स में पर्टिकुलरली अगर आप बात करोगे इस अटेम्प्ट के स्टूडेंट से जिन्होंने नवम्बर 19 की एग्जाम दी है, तो उन बेचारों ने सबने कहा है कि मई 19 के कंपेरिजन में इस बार के पेपर थोड़े से डिफिकल्ट और डिफरेंट थे। आई एम नॉट सेइंग ओवरऑल पेपर वर डिफिकल्ट, बट मई 19 के कंपेरिजन में, बिकॉज मई 19 में ऑलमोस्ट सारे के सारे क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने मॉड्यूल से पूछे थे। लेकिन नवंबर 19 में अगर आप देखेंगे तो ऑडिट में देर वर क्वेश्चंस व्हिच वर नॉट फ्रॉम द मॉड्यूल्स, एफआर में देर वर कपल ऑफ क्वेश्चंस जो नए थे, जो कहीं मॉड्यूल में नहीं है, आरटीपी में नहीं है, एमटीपी में नहीं है। सेकेंड ग्रुप में अगर आप देखें खासतौर पर कॉस्ट और डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में लॉट ऑफ क्वेश्चंस वर कमिंग फ्रॉम नॉन मॉड्यूल एरियाज। इनफैक्ट इंस्टीट्यूट इज ऑल्सो अंडर गोइंग अ प्रोसेस वेर आर देर आर क्रिएटिंग अ क्वेश्चन बैंक। आपने सुना होगा ओल्ड कोर्स में एक प्रैक्टिस मैनुअल जैसी चीज होती थी, सो दे आर ऑल्सो डेवलपिंग, बट वो क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस मैनुअल जैसी डेवलप नहीं कर रहे। उन्हें लग रहा है जहां जहां जिन जिन चैप्टर्स में थोड़ी सी क्वेश्चन की कमी है वहां पे वो थोड़े थोड़े क्वेश्चन और बढ़ाएंगे। इनफैक्ट आपने देखा होगा इंस्टीट्यूट ने अभी स्टडी मटीरियल भी आपके मई 20 के रिवाइज करके पब्लिश किया, तो ऑब्वियसली मई 21 में जो स्टडी मटीरियल आएगा उसमें कुछ और क्वेश्चन होंगे इन कंपेरिजन टू 20। बट मई 20 में भी अगर आप देखोगे तो रिविजन इज ओनली विथ रिस्पेक्ट टू वॉट, कुछ क्वेश्चन एड किए, वेरी फ्यू क्वेश्चन। उसमें भी प्रैक्टिकल चैप्टर्स में ऐसा ज्यादा हुआ है। ऑडिट में अगर आप देखोगे तो यू विल हार्डली फाइंड मेजर डिफरेंसेस विद दैट। ठीक है, तो सबसे पहले अपनी अप्रोच समझे, अब आप लोग कॉपी निकाल लीजिए एंड देयर इज समथिंग व्हिच आई लाइक टू यू एक्चुअली हैव टू नोट डाउन। अभी अपन लेट्स स्पेंड सम टाइम एंड अंडरस्टैंड कि अपना पूरा ऑडिट का सिलेबस कैसे चलता है, कोर्स क्या है, ठीक है, कैसे पढ़ेंगे अपन चीजों को। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी विल फर्स्ट टॉक अबाउट द होल कोर्स। ये ऑडिट का आपका पूरा सिलेबस कैसा आया, आप ये बोल सकते हो दोस्तों कि ऑडिट प्राइमरली कैन बी डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स। ठीक है, सबसे पहला पार्ट है आपका, जिसे आप चाहें तो एक चैप्टर कह सकते हैं, एक पार्ट कह सकते हैं, एक सेक्शन कह सकते हैं। ये जो मैं पार्ट्स डिवाइड कर रहा हूँ ये कैसे डिवाइड कर रहा हूँ, तो आप लोगों ने देखा होगा इंस्टीट्यूट आजकल एग्जाम वेटेज भी देता है मार्क्स के, कि अलग अलग चैप्टर के आपके कितने मार्क्स है। मोर ऑर लेस दिस इज बेस्ड ऑन दैट एंड दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द टेक्निक। ऑडिट की एक बड़ी बात यह है फ्रेंड्स कि डिस्पाइट द फैक्ट इट इज वन सब्जेक्ट, बट बिकॉज इट हैज सो मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स, वॉट इज हैपनिंग इज डिस्पाइट बींग वन सब्जेक्ट it requires different techniques to study that same subject. And why I'm saying this is, जैसे आप लोगों ने APCC intermediate में audit पढ़ा होगा, right? कंपनी audit तो बड़ा interesting है, क्यों? क्योंकि वहां पे law है, तो समझने में भी आसान होता है, interesting भी होता है, उसके ऊपर questions भी बड़े tricky type के बन सकते हैं और handle करने में मजा भी आता है। वहीं पे आप standards on auditing में जाओगे तो वहां पे आपको थोड़ा theory content ज्यादा लगने लगेगा, और फिर जब आप वाउचिंग वेरिफिकेशन या ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर गवर्नमेंट ऑडिट टाइप की चीजों पे जाओगे तो वहां पे तो फिर पूरा कंठस्थ करने वाली बात हो जाती है कि आपको बार बार पढ़ के बस याद करना। इसका मतलब आपका देखा जाए तो एक ही पर्टिकुलर सब्जेक्ट है जिसमें कहीं लॉ है, कहीं स्टैंडर्ड्स है और कहीं थियोरेटिकल पोर्शन है। इन तीनों को पढ़ने के तरीके अलग अलग है, और उसी लॉजिक से हमने क्या किया है, अपन ने भी ये पूरे पर्टिकुलर सिलेबस को अकॉर्डिंगली डिवाइड कर दिया। तो इफ वी टॉक अबाउट ऑडिट, फर्स्ट पार्ट इज कोड ऑफ एथिक्स, देन यू कैन से वी हैव कंपनी ऑडिट, इसके बाद अपन बोल सकते हैं ऐसे स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, एंड देन आई कैन से देर आर सम स्पेशल टॉपिक्स, जिसे आप चाहो तो कह सकते हो स्पेशलाइज्ड ऑडिट्स। आईपीसीसी में जैसे आपका एक चैप्टर होता था स्पेशल ऑडिट का, जिसमें ऑडिट ऑफ होटल, हॉस्पिटल, इस तरह की कुछ कुछ चीजों का आप ऑडिट करते थे। यहां पे आप होटल, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, मल्टीप्लेक्स की जगह थोड़ी बड़ी चीजों का ऑडिट करोगे, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, एनबीएफसी, इन्वेस्टिगेशन ऑडिट, ड्यू डेलिजेंस, दीज काइंड ऑफ वर्क। तो ये सारे आपके बोल सकते हो कि दीज आर ऑल स्पेशल टॉपिक्स। आप ऑल इन ऑल ऑडिट को इन चार पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। सबसे पहला आपका टॉपिक है कोड ऑफ एथिक्स। अब आप बताओ कोड ऑफ एथिक्स यानी क्या, इसे प्रोफेशनल एथिक्स भी कहते हैं, नाम से क्या समझ में आ रहा है, क्या होगा इसमें, क्या लगता है?
एथिक्स, एक सीए के एथिक्स होना चाहिए क्या? कैसे एथिक्स? क्वालिटी होना चाहिए, इंडिपेंडेंस होना चाहिए, काम अच्छे से करे। इनफैक्ट एक बात बताइए, क्या आप अपने सीए बनने के बाद आप अपने डैड के कंपनी का ऑडिट कर सकते हो? ना, क्यों? इंडिपेंडेंस इश्यू आ जाएगा, ये कौन मना करेगा आपको करने के लिए? कोड ऑफ एथिक्स में इस तरह के प्रोविजंस होंगे। आईसीआई का ऑडिट कौन करता है? सीएनडी जी। क्या आईसीआई एक सरकारी संस्थान है? हाँ सर, कामकाज देख के तो ऐसे ही लग रहा है, कामकाज से नहीं बताना है। इज आईसीआई गवर्नमेंट एंटिटी और एन ऑटोनॉमस बॉडी? ऑटोनॉमस है, इंडिपेंडेंट है। गवर्नमेंट एंटिटी होती तो फिर यहां भी रिजर्वेशन होता है ना, परसेंटेज वगैरह में, एडमिशन में भी जुगाड़ चल जाती, पास होने में भी चल जाती। तो इट इज एन ऑटोनॉमस बॉडी, इट इज मैनेज्ड इंडिपेंडेंटली, इट इज नॉट फंडेड बाय द गवर्नमेंट, एंड सीएनडीजी का परव्यू इसमें नहीं आता है। तो ऑडिट कौन करेगा? तो सीए ही बचा सर, सीएनडीजी नहीं करेगा तो क्या इंडिपेंडेंस इश्यू नहीं आएगा वहां पे? नहीं, क्या दिक्कत है? आप बताइए, ऑडिट कौन कर रहा है? सीए कर रहा है, सीए मेंबर है, सीए मेंबर मेंबर या आईसीआई का ऑडिट कर रहा है? सोचो, अगर आपने आईसीआई के अगेंस्ट में क्वालिफाइड रिपोर्ट दे दी, आपकी तो डिग्री गई। यानी इट इज नॉट सो डायरेक्ट कि अपन ने सिंपली कह दिया कि यार अगर मैं मेंबर हूं या अगर मेरा इंटरेस्ट है तो मैं ऑडिट कर सकता हूं। देर आर मोर डिटेल्स इन टू इट, राइट? इस तरह की चीजें आपको एथिक्स में देखने को मिलेंगी। तो एथिक्स में अपन क्या पढ़ेंगे? एथिकल रिक्वायरमेंट्स। एथिक्स होना चाहिए ना भाई, सबके होते हैं क्या? एवरी प्रोफेशन हैज एन एथिक। एक डॉक्टर का एथिक है, राइट? लॉयर के एथिक्स हैं। क्या एथिक्स है लॉयर के? अच्छी सर्विस दे, सच को इंसाफ दिलाए, सही बोल रहे हैं क्या? इस सच को इंसाफ दिलाए, अगर ये इनके एथिक्स है तो फिर केस एक ही का लड़ना चाहिए आपको, कसाब का तो केस ही नहीं लड़ा जाएगा। तो दे हैव देयर ओन सेट ऑफ एथिक्स कि भैया हमें कोई एथिक्स फॉलो नहीं करना है क्योंकि ये तो धंधा ही बंद हो जाएगा। तो लॉयर हैज डिफरेंट सेट ऑफ एथिक्स, उनका भी कोड ऑफ एथिक्स है, बार काउंसिल उनकी भी प्रिस्क्राइब करते हैं एथिक्स। और उनके एथिक्स क्या कहते हैं बताए? उनके एथिक्स ये नहीं कहते सच का साथ देना है, वो बोलते हैं सच क्या है ये तो कोर्ट डिसाइड करेगा। यू हैव टू वर्क इन द इंटरेस्ट ऑफ योर क्लाइंट, दैट इज देयर एथिक्स। लेकिन हमारा सीए का एथिक्स ये नहीं कहता कि हमें क्लाइंट के इंटरेस्ट में काम करना है, वो कहता है कि आपको क्या करना है, बेसिकली यू आर नॉट वर्किंग इन द इंटरेस्ट ऑफ द क्लाइंट, यू आर वर्किंग फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर्स, एंड दैट इज वाई यू डोंट हैव टू वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ द मैनेजमेंट बट फॉर द बेनिफिट ऑफ स्टेक होल्डर्स। तो ये बेसिक एथिक्स के डिफरेंस के कारण आप देखो एथिक्स में, इसके कारण से लॉयर और सीए में एक बहुत बड़ा फर्क है। लॉयर टेक्निकली अगर अपने क्लाइंट के कोई फ्रॉड्स के लिए लॉयर का अपॉइंट किया है तो उसके पास पूरा राइट है कि वो उसके फ्रॉड्स को बचा सकता है, लेकिन एक सीए ऐसा नहीं कर सकता बिकॉज एथिक्स आर डिफरेंट। क्या एथिक्स में सिर्फ प्रोफेशनल एथिक्स ही कवर होंगे यहां पे या पर्सनल एथिक्स भी कवर होंगे? एक सीए ने पहले के रहते हुए दूसरी शादी कर ली, पहली वाले ने आईसीआई को कंप्लेन कर दी, कैसा सीए बनाया तुमने, क्या आईसीआई एक्शन ले सकता है इसके अगेंस्ट? कोई एक सीए सपोज समझिए कि अभी अपने इंदौर में ही मैच हो रहा था, तो कोई सीए एकदम स्टेडियम से कूद के ग्राउंड पे चले गया, सबसे हाथ वाथ मिला के आ गया, पीछे टी शर्ट में भी लिखा था आई एम अ चार्टेड अकाउंटेंट। अब इससे बहुत 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 धज्जियां उड़ी है सीए इंस्टीट्यूट की, हर जगह चला है कि आज का सीए कैसा है, देखो क्या कर रहा है। आप बताएंगे इंस्टीट्यूट एक्शन ले पाएगा इसके अगेंस्ट? तो ये सब अपन कोड ऑफ एथिक्स में पढ़ेंगे, और कोड ऑफ एथिक्स एक्चुअल में इस तरह के गिल्ट के लिए भी चाहे तो एक्शन ले सकता है, लेगा या नहीं वो दूसरी बात है, पर उसके पास पावर है। यानी आप एक बार सीए बन गए तो फिर आपका पूरा का पूरा बिहेवियर इंस्टीट्यूट के द्वारा गवर्न किया जा सकता है। अभी भी सोच लो बनना है नहीं बनना है। अरे सर, एनीवेज, तो कोड ऑफ एथिक्स इज दैट पर्टिकुलर थिंग। नॉर्मली हमारा सीक्वेंस जो होता है कोड ऑफ एथिक्स का, दैट इज फर्स्ट, लेकिन इस बैच में वी विल बेसिकली टेक इट एट द एंड। द रीजन फॉर दिस इज दैट कोड ऑफ एथिक्स इज अंडर रिविजन। इनफैक्ट कोड ऑफ एथिक्स 2009 में पब्लिश हुआ था,
उसके बाद में अलग अलग समय पर इंस्टीट्यूट ने क्या किया, कोड ऑफ एथिक्स में जहां जहां उनको जरूरत लगी उन्होंने उसके लिए अलग से गाइडलाइंस देना शुरू करे. नाउ व्हाट दे हैव डन इज 2019 में दे हैव डन अ रिवीजन, और इस रिवीजन में व्हाट दे हैव डन इज कि जहां जहां अलग अलग जगह उन्होंने गाइडलाइन नोटिफिकेशन अमेंडमेंट्स के थ्रू चीजें दी थी उन सबको कंसोलिडेट करके एक रिवाइज एथिक्स बना दिया. यानी आप प्रैक्टिकली जो रिवाइज एथिक्स पढ़ोगे और जो पुराना एथिक्स पढ़ोगे तो उसमें आपको कोई बहुत मेजर डिफरेंसेस नहीं मिलेंगे, बट ये अब अपने आप में थोड़ा सा ज्यादा सिस्टमैटिक और वेल डिफाइन कर दिया गया. हाउएवर जो हमारा कोड ऑफ एथिक्स होता है, एक बात बताओ जनरली, अभी अपन थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, बैकग्राउंड अपन सेट करते हैं अपना इंस्टीट्यूट. एक बात बताएं, हमारा ये जो कोड ऑफ एथिक्स है या जो एथिकल रिक्वायरमेंट है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन इंडिया की, क्या ये इंडियन रिक्वायरमेंट्स है या इंटरनेशनल नॉर्म्स के अनुसार है? इनफैक्ट व्हाई आई एम आस्किंग यू इज, इंडेस सुना होगा आप लोगों ने, इंडेस किसके अनुसार बने? IFRS के ऊपर बेस्ड है पूरे. यू मे नॉट नो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, आप लोग पढ़ते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग हमारे जितने भी हैं इंडिया में हम जो फॉलो करते हैं, दे आर ऑल मेड इन लाइन विथ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. इनफैक्ट SA 200 एंड ISA 200 इज द सेम, नंबर भी सेम है, कंटेंट भी सेम है, देर आर वेरी वेरी माइनर चेंजेस बिकॉज इंडिया इज ऑल्सो वॉट अ पार्ट ऑफ द ग्लोबल कम्युनिटी. तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग एंड अश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड IAASB जो इंटरनेशनली स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग इश्यू करता है, उसका ICAI भी एक मेंबर है, इंडिया भी मेंबर है. सिमिलरली IFAC इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स एंड IASB इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का ICAI मेंबर है. तो हमने माना है ऐसा कि ग्लोबलाइजेशन के चलते आने वाले समय में एक समय ऐसा आएगा जब इंडिया का CA बाहर जाके भी ऑडिट कर पाएगा, हालांकि वो दिन बहुत दूर है अभी, बट ऐसी सोच है कि ऐसा करना अलाउ किया जाए, और ये सिर्फ तब हो पाएगा जब सबके स्टैंडर्ड्स एक जैसे हों. तो इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूं, क्या एथिकल रिक्वायरमेंट भी इंटरनेशनली एक जैसी है, या ये जो हमारा इंडिया का कोड ऑफ एथिक्स है ये ICAI इंडिया स्पेसिफिक है? बोले सर पता तो है नहीं, ऐसे ही गेस कर सकते. हाँ करो, ग्लोबल जैसा होना चाहिए. अब दिक्कत ये हो गई दोस्तों कि हमें बनाना तो ग्लोबल जैसा था. क्यों बनाना था ग्लोबल जैसा? द रीजन फॉर दैट इज क्योंकि आप इंटरनेशनल बॉडी के पार्ट हो, और अगर आप चाहते हो कि इंडिया का CA बाहर जाके काम करे तो उसको फॉलो करना पड़ेगा. बट प्रॉब्लम क्या है, ग्लोबली जो कोड ऑफ एथिक्स बनाया गया है वो प्रिंसिपल बेस्ड है. प्रिंसिपल बेस्ड का मतलब क्या होता है, आपको ये कह दिया कि भाई आपको इंडिपेंडेंट रहना है. आई बात समझ में? ये प्रिंसिपल है. इंडिया में प्रिंसिपल काम नहीं करते, क्योंकि आपने इंडिया में CA को बोल दिया इंडिपेंडेंट रहना है तो बोलेगा मैं तो पापा की कंपनी का ऑडिट करूंगा तो भी इंडिपेंडेंटली करूंगा. आ रही है बात में? यहां पे हमें क्या करना पड़ता है, रूल्स प्रिस्क्राइब करना पड़ता है. मैंने CA को बोला मार्केटिंग नहीं करना, CA मार्केटिंग कर सकता है क्या? देखा है क्या कभी तुमने CA के होर्डिंग लगे हुए, वैलेंटाइन धमाका तुम्हारे साथ, उसका रिटर्न फ्री होता है क्या? ऐसा कभी नहीं होगा. वी के नॉट डू मार्केटिंग, हमारा एथिक्स मना करता है. पर अगर मैंने सिर्फ एक प्रिंसिपल बना दिया CA शुड नॉट एडवर्टाइज, तो CA नायाब तरीके ढूंढेगा एडवर्टाइज करने के, कि भैया सारे आर्टिकल्स के हाथ में टैटू छपवा दिया फर्म के नाम का. बोले कहीं भी जाएगा तो मार्केटिंग तो करेगा, टी शर्ट कंपल्सरी कर दी, बोले यही पहन के घूमना है तुझे, तो तरीके निकाले. तो यहां पर क्या होता है, इंडिया में रूल्स बनाना पड़ते हैं, प्रिंसिपल से काम नहीं होता. यहां पे आपको एक एक चीज बोलना पड़ेगी कि आप अपनी फर्म का नाम कहीं पर भी डिस्प्ले नहीं कर सकते एक्सेप्ट फर्म के एड्रेस पे. आप मार्केटिंग में XYZ इस तरह की कोई चीजें नहीं कर सकते, पर्चे नहीं बांट सकते, मेल नहीं कर सकते, व्हाट्सएप से आप मार्केटिंग नहीं कर सकते, SMS से नहीं कर सकते. यहां क्या चाहिए भारत में हमको, रूल्स, राइट? तो इंडिया में हमने क्या किया, हमारे कोड ऑफ एथिक्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया. पार्ट ए में हमने जो इंटरनेशनल कोड है उसके ऊपर बेस्ड इंडिया का कोड बना दिया, विच इज सिमिलर टू द इंटरनेशनल कोड, और पार्ट बी को कहा ICAI कोड ऑफ एथिक्स, जिसमें हमने सारे रूल्स दे दिए. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ज्यादा रेलेवेंट लगता है आपको, पार्ट बी, क्योंकि पार्ट ए मैंडेटरी नहीं है, इट इज रिकमेंडेटरी फॉर मेंबर्स ऑल्सो, पार्ट बी इज मैंडेटरी. एंड वॉट इज पार्ट बी, ICAI कोड. तो जो चेंजेस हो रहे हैं अभी कोड ऑफ एथिक्स में, वो मेजर चेंज किस में हुआ है, पार्ट ए में हुआ है. बिकॉज इसका जो रीजन है वो ये है कि 2018 में इंटरनेशनल जो कोड ऑफ एथिक्स है वो चेंज हुआ है,
तो उस इंटरनेशनल कोड ऑफ एथिक्स के चेंज के कारण इंडिया ने भी हमारे क्या किया, कोड ऑफ एथिक्स को चेंज किया। तो 2018 में वो चेंज हुआ, तो हमने 2019 में पार्ट ए ऑलरेडी चेंज कर दिया है। पर अब हमने बोला पार्ट ए चेंज कर ही रहे हैं तो पार्ट बी को भी कंसोलिडेट कर देते हैं, और इधर उधर जो अलग अलग जगह अमेंडमेंट्स थे उन सबको लाके एक नया कोड ऑफ एथिक्स बना देते हैं विद एवरीथिंग टेकन टुगेदर। इज दिस क्लियर? तो उस एंगल से पार्ट ए इज ऑलरेडी रिवाइज्ड, इट हैज बीन मेड एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। पार्ट बी अभी एक्सपोजर ड्राफ्ट आया उसका, आप समझते हो एक्सपोजर ड्राफ्ट। कोई भी बदलाव से पहले क्या होता है, एक बार इंस्टीट्यूट मेंबर्स और बाकी पब्लिक के कमेंट के लिए जो उनका ड्राफ्ट होता है जो उनकी तरफ से फाइनल है, बट आपको उसके ऊपर कमेंट्स देना है, और उन कमेंट्स के आधार पे फिर अगर कोई मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ी तो मॉडिफिकेशन होंगे, अदरवाइज वो एज इट इज लागू हो जाएगा। तो वो एक्सपोजर ड्राफ्ट ऑलरेडी इंस्टीट्यूट पब्लिश कर चुका है अभी कुछ 2-4 दिन पहले, एंड बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर एक्सपोजर ड्राफ्ट इफ यू सी देयर आर नो मेजर चेंजेस व्हिच हैव हैपेंड इन द पार्ट बी। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो प्राइमरली किसके आते हैं, पार्ट बी। इनफैक्ट ओल्ड कोर्स में तो पार्ट ए कोर्स में भी नहीं था, न्यू में उन्होंने ब्रीफली उसको कोर्स में इंट्रोड्यूस किया जस्ट टू गेट यू ऑन ओवरऑल नॉलेज इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनली क्या चलता है। ये मैंने आपको एडिशनली इसलिए समझाया सो दैट यू गेट एन आइडिया इन टर्म्स ऑफ व्हाट इज द अमेंडमेंट व्हिच इज हैपनिंग। वी आर वेरी श्योर दैट दिस विल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर द न्यू कोड ऑफ एथिक्स, विल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर May 2020। इट विल डेफिनेटली बी एप्लीकेबल फॉर May 2021। It may or may not be applicable for November 2020. We've already asked the institute ki isko aap kab se lagu karenge, but they are also not very sure, kyunki abhi jo part B hai uska exposure draft hai, wo abhi finalize nahi hua hai. So they are not sure about November 20 mein kya karenge, but ye baat tay hai kyunki naya part 1 April 2020 se lagne wala hai. Iska matlab ye tay hai ki May 2021 se definitely naya code of ethics applicable hoga. ये वो अमेंडमेंट है जो दिखने में ज्यादा बड़ा दिखता है, पर अगर आप इसके अंदर जाएंगे तो इसमें कोई बहुत बड़े बदलाव नहीं है। और डिस्पाइट द फैक्ट दिस टाइम वी आर गोइंग टू टेक दिस एट द एंड ऑफ द बैच। कोड ऑफ एथिक्स यूजुअली हम सबसे पहले लेते थे, इसके दो रीजन थे, एक तो ये टॉपिक कनेक्टेड नहीं है किसी भी दूसरे टॉपिक से, तो स्टूडेंट शुरू में जे फॉर एग्जाम्पल कोई किसी की लेट ज्वाइनिंग हुई या कुछ भी हुआ तो फिर आगे के टॉपिक्स में इसका कोई कनेक्शन नहीं आता है। सेकेंड, ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट एक स्टैंड अलोन टॉपिक है जिसका एग्जाम में भी ठीक ठाक वेटेज होता है, दैट मीन्स यू कैन से इट हैज अ वेटेज ऑफ ऑलमोस्ट 15 मार्क्स, राइट। इंस्टीट्यूट के अगर आप एग्जाम की वेटेज में इसका परसेंटेज देखोगे तो देसे 10-15%, तो नॉर्मली इसके 14-15 मार्क के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो यूजली हम पहले करते थे, इस बार हम आखिरी में करेंगे। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? ठीक है, देन वी कम टू कंपनी ऑडिट। कंपनी ऑडिट में क्या है, तो जो आपने आईपीसीसी में पढ़ा है वो क्या था, दैट वॉज कंपनी ऑडिटर, जिसमें आप सिर्फ क्या पढ़ते थे, करेक्ट, एब्सोल्युटली। अपॉइंटमेंट कौन करता अपॉइंटमेंट, चलो फटाफट बात ही कर लेते, 2 मिनट स्पेंड करें इस पे, कौन करता अपॉइंटमेंट, वेरी गुड, शाबाश। अगर पहली बार कर रहे हैं अपन, फर्स्ट ऑडिटर है तो कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कितने दिन में, 30 दिन में, कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग बुला के करेंगे या बिना मीटिंग के बाय सर्कुलेशन भी कर सकते हैं, कितने दिन में करना है, 30 दिन, कब से, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी। तो अगर कंपनी 1 अप्रैल को इनकॉर्पोरेट हुई है तो कितने दिन में करना है, 1 महीना या 30 दिन, 1 महीना या 30 दिन, 30 दिन कब खत्म होंगे, 1 अप्रैल से, 30 अप्रैल या 1 महीना, 1 तारीख काउंट होगी या नहीं होगी, इज इट फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और ऑफ द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। बोर्ड ने नहीं किया तो कौन अपॉइंट करेगा, शेयर होल्डर, शेयर होल्डर किस में, मीटिंग में, ईजीएम बुलाएंगे, और कितने समय में शेयर होल्डर को अपॉइंट करना है, 60 डेज, 90 डेज, इतने समय में कुछ करना होगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने पहला ऑडिटर अपॉइंट कर दिया 30 दिन में, क्या शेयर होल्डर उसको बदल सकते हैं, क्या शुरू के 30 दिन में शेयर होल्डर ऑडिटर अपॉइंट कर सकता है, बोर्ड ने पावर रिलीज कर दिया कि शेयर होल्डर तुम ही अपॉइंट कर लो और 20वें दिन में उन्होंने ही अपॉइंट कर दिया, क्या ये चलेगा,
शेयर होल्डर अगर ऑडिटर अपॉइंट करेगा तो उसे रिकमेंड कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड ऑडिट कमिटी, यानी अल्टीमेटली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो प्रस्तावित ऑडिटर है वही अपॉइंट हो पाएगा। शेयर होल्डर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का प्रस्तावित ऑडिटर पसंद नहीं आया तो क्या होगा? चेंज कौन करेगा? ऑडिट कमेटी और बोर्ड वापस रिकमेंड करेगी। वो नहीं कर रही है रिकमेंड किसी और को, क्या शेयर होल्डर कुछ कर पाएंगे? डोंट टेक मी अदरवाइज, मैं तो सिर्फ बताना चाह रहा था कि फाइनल में अपन जब पढ़ेंगे तो आपको कुछ और मिल जाएगा। द पॉइंट ऑफ द मैटर इज कंपनी ऑडिट में हमें पहला पार्ट पढ़ना है कंपनी ऑडिटर का, जो अपन कहां पढ़ चुके हैं आईपीसीसी इंटरमीडिएट में, पर वहां जो पढ़ा और यहां जो पढ़ा दोनों में थोड़ा बहुत फर्क आ जाएगा। तो अब ये मत सोचना कि अपन यहाँ कंपनी ऑडिट पढ़ रहे हैं तो ये तो वही वाला इंटरमीडिएट वाला, ये तो अपन ऐसे ही निकाल देंगे, ठीक है? नहीं तो फिर निकालने में दो एक लग जाएंगे अपने अटेम्प्ट। द पॉइंट इज व्हेन वी स्टडी थिंग्स हियर, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू गेट इनटू, हमें वो थोड़ी सी बारीकी पे और ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। एंड देयर विल बी क्वेश्चंस लाइक दिस। एग्जाम में एक बार एक एमसीक्यू पूछा जा चुका है, वन पर्सन कंपनी में फर्स्ट ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? वन पर्सन कंपनी समझते? हेलो, क्या वन पर्सन कंपनी में भी फर्स्ट ऑडिटर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे? क्या वन पर्सन कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं? होते हैं? या सिंगल डायरेक्टर होता है? होता है, गुड, एक्चुअल में होते हैं। अपन बात करेंगे, ये सब डिस्कस करेंगे, नॉट टू वरी, ऑल क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, यहां पे जब मैंने आपको शुरू में बात बोली, अपन जब फाइनल में ऑडिट पढ़ रहे हैं तो आप ये नहीं सोच रहे हो कि फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट किया है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 30 दिन में किया, खत्म हो गया। आपको ये सोचना है फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट 30 दिन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर रहा है फ्रॉम द डेट या ऑफ द डेट, दोनों में कोई फर्क होता है क्या? फ्रॉम और ऑफ में पहला दिन काउंट होगा या नहीं होगा? छुट्टी आ गया तो क्या होगी? यू विल हैव टू थिंक लाइक दिस कि यार ये प्रोविजन किस पे लगेगा। गवर्नमेंट कंपनी के तो अलग नियम है हमें मालूम है, बट व्हाट अबाउट वन पर्सन कंपनी, व्हाट अबाउट बैंकिंग कंपनी? क्या बैंक्स में आरबीआई करेगा अपॉइंट या इसी तरह से ऑडिटर अपॉइंट होगा, क्योंकि आपके कोर्स में बैंक ऑडिट भी है? तो दीज आर द सेट ऑफ थिंग्स, दिस इज द वे वी विल हैव टू डेवलप आवर अप्रोच ऑफ स्टडिंग। और एक बार ये डेवलप हो जाएगी, शुरू में थोड़ा सा समय लगेगा अपने को चीजों में, बट एक बार ये डेवलप हो जाएगी अप्रोच, एज इन इस प्रोविजन के कहां कहां पे क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, देन ऑटोमेटिकली विल स्टार्ट स्टडिंग द होल सिलेबस लाइक दैट। ऐसा नहीं है हर पर्टिकुलर एरिया में आपको इस तरह से पढ़ना है, बट कोड ऑफ एथिक्स, कंपनी ऑडिट, ये क्योंकि लॉ बेस्ड प्रोविजन बेस्ड है, दैट इज वाई हियर यू हैव टू थिंक लाइक दिस। तो कंपनी ऑडिट यहां पे जो कवर होता है, ये कंपनी ऑडिट हमारी क्लास में दिस विल बी द फर्स्ट सीक्वेंस, क्योंकि यूजुअली हम इसको सेकंड कवर करते हैं, बट दिस टाइम बिकॉज वी आर डूइंग कोड ऑफ एथिक्स लास्ट, वी विल स्टार्ट विद कंपनी ऑडिट। कंपनी ऑडिट में यहां पे क्या क्या कवर करना है, एक तो कंपनी ऑडिटर, कंपनी ऑडिटर के बाद में कंपनी अकाउंट्स, फिर ऑडिट कमिटी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कुछ प्रोविजन है, देन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट सुना होगा आपने, सब्सिडीज वगैरह होते हैं उसका ऑडिट कैसे होता है, एंड लाइबिलिटीज ऑफ ऑडिटर, ऐसे कुछ टॉपिक्स है। कंपनी ऑडिटर हमारे पूरे डिस्कशन का एक पार्ट है छोटा सा। देर आर सो मेनी अदर थिंग्स विच वर नॉट देयर इन योर इंटरमीडिएट सिलेबस, बट इट आर देयर इन दिस पर्टिकुलर कोर्स। वहां हमारा ऑब्जेक्टिव ज्यादा समझना होता था, ऑडिटर को अपॉइंट कैसे किया जाता है, उसकी पावर्स क्या है, ड्यूटी क्या है, रिमूवल क्या होगा, पेनल्टी क्या लगेगी, राइट? यहां पे हमारे थोड़े से रियल लाइफ केसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। जैसे कि आप सपोज फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी का ऑडिट करने गए, आर यू रिस्पॉन्सिबल टू चेक द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी? बोलिए, क्या आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पढ़ना चाहिए? आपने देखा है कि कंपनी ने कोई ट्रांजैक्शन किया है विच इज नॉट एज पर द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, वुड यू रिपोर्ट? सपोज फॉर एग्जांपल एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग हुई और उस मीटिंग में कोई एक रिजोल्यूशन पास किया, राइट? पर उस मीटिंग का नोटिस सारे डायरेक्टर्स को भेजा ही नहीं गया था, जिस कारण से कुछ डायरेक्टर्स इनवाइट ही नहीं किए गए उस मीटिंग में, हेंस उनका वोट डला ही नहीं। क्या ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑडिटर को चेक करने की जरूरत है? यानी मेरे दो सवाल है। पहला, हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहता है कि कोई भी 1 करोड़ से ऊपर की परचेज है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अप्रूवल लगेगा, रूल बुक ही होती है ये। तो हमने देखा कि 1 करोड़ से ऊपर की कोई परचेज है उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अप्रूवल नहीं है, क्या एज एन ऑडिटर आपको इसे रिपोर्ट करना है?
यस, क्या रिपोर्ट करोगे? अनऑथराइज ट्रांजैक्शन है। तो मैं अब आपसे थोड़ा सवाल अपने आईपीसीसी वाला पूछता हूँ। आप ऑडिट करने गए, इनफैक्ट सबके ऑडिट चल ही रहे होंगे, और तुमने देखा कोई वाउचर पे साइन नहीं है, तो क्या करते हो? रिपोर्ट करते हैं या क्वेरी शीट में लिखते हैं? और वो क्वेरी शीट का क्या होता है? कुछ भी नहीं होता, फाड़ के फेंक दी जाती है। काहे की इंक्वायरी, बात करते हैं। सीए बोलता है, बोले हाँ, रेक्टिफाइड हाथों हाथ अप्रूवल हो जाता है। बहुत बढ़िया, साइन कर देते। अब तो हम ऐसा है कि अब तो थर्ड ईयर में आने के बाद आर्टिकल खुद ही साइन कर देते हैं। खैर, एक्सपीरियंस के साथ ऑडिट के मायने ही बदल जाते हैं, हम चेंज हो जाना। पहले हम ऐसी क्वेरी निकाल देते, हम निकालना ही बंद कर दिए। आता भी है तो हम हाथों हाथ बुलाते हैं, चिड़िया बिठा दिया। अब तो हम बहुत ही अलग तरह से वाउचिंग करते हैं। पहले एक एक वाउचर चेक करते थे, अब तो करना ही नहीं है। 100 वाउचर में खुद ही बीच में 2 वाउचर निकाल के फाड़ के फेंक देते, क्वेरी में लिख देते हैं वाउचर नॉट फाउंड। सीए को भी लगता है, बोले देखो कितनी बारीकी से चेक किया है, क्योंकि बाद में क्या है, वाउचर वैसा बन जाता है, खत्म। तब आप बताइए, सेम केस है कि कोई वाउचर साइन नहीं हुआ, यहां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अप्रूवल नहीं मिला, क्या ये रिपोर्ट होगा? रिपोर्ट होगा तो होगा क्या अल्टीमेटली, कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत हो रहे हैं, ऑथराइज नहीं है, ये कंट्रोल इश्यू है। पर परचेज तो ही है, माल आया भी है, स्टॉक में भी है, उसका टैक्स भी पे किया है, पेमेंट भी हुआ है क्रेडिटर को, ट्रांजैक्शन पूरा एग्जीक्यूट हुआ है, लेकिन ऑथराइजेशन नहीं है। इज इज समथिंग विच विल कम इन आवर स्कोप। इसे कहते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यू, कि हमारी कंपनी की गवर्नेंस प्रॉपर नहीं है, जिसका ऑल टुगेदर एक सेपरेट चैप्टर है, जिसमें हम डिस्कस करते हैं कि इस तरह की कौन सी चीजें हैं और किन किन एंटिटीज में हमें इन तरह की चीजें चेक करने की जरूरत होगी। नॉट इन ऑल एंटिटीज वी माइट हैव टू चेक दिस। ऑनेस्टली स्पीकिंग, द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कि अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अप्रूवल नहीं है तो हमारे लिए फ्रॉड होने का अंदेशा बढ़ जाएगा इसमें, और हमें ज्यादा बारीकी में जाके चीजें चेक करना पड़ेगी कि ऐसा क्यों किया गया है, कहीं इसमें कोई छुपा हुआ फ्रॉड तो नहीं है। लेकिन अगर फाइनली बैलेंस शीट पी एंड एल में कोई गड़बड़ नहीं है और ये सिर्फ अपने आप में एक लैप्स ऑफ कंट्रोल था, शायद इसे एज एन ऑडिटर आप रिपोर्ट भी ना कर पाओ। वील गेट इन टू मोर डिटेल्स इन टू दिस, बट आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? रियल लाइफ में आप कोई ऑडिट करने गए, कोई सिचुएशन आपके सामने आई, कैसे हैंडल करना है, आपको सारे जवाब मिल जाएंगे फाइनल का ऑडिट का सिलेबस कंप्लीट होने पर। चलिए, देन कमिंग ऑन टू स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। आई एम श्योर जो मैंने शुरू में आपको सब क्वेश्चन पूछे थे, इंटरनल कंट्रोल क्या चेक करना है, क्या नहीं करना है, ऑल दिस इज समथिंग विच इज ऑल पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड्स। ये आप पढ़ चुके हो इंटरमीडिएट लेवल पे, आईपीसीसी लेवल पे, सेम स्टैंडर्ड आपके कोर्स में यहाँ पर भी है। ऑब्वियसली यहाँ पे थोड़ा सा हमारा कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाएगा। एंड देन स्पेशल टॉपिक्स में यू प्राइमरली हैव व्हाट? सो स्टैंडर्ड्स में अगर हम बात करें सॉरी, तो पहले आपके कोर्स में 800, 2000, 3000, 4000 सीरीज भी होती थी स्टैंडर्ड्स की। कभी सुना आपने SRE, SAE, स्टैंडर्ड ऑन अदर अश्योरेंस एंगेजमेंट, रिव्यू एंगेजमेंट, रिलेटेड सर्विसेज, ये सब आप कोर्स से हटा दिए गए फाइनल के। यानी जो इंटरमीडिएट में थे सेम टू सेम वही यहाँ पर है। देयर आर समवेयर अराउंड 35 वॉट स्टैंडर्ड्स जो आपके कोर्स में होते हैं, जो अपने को यहाँ कवर करना होंगे, 200 to 700 सीरीज बस। एंड स्पेशल टॉपिक्स में अगर आप देखोगे तो बहुत सारे ऑडिट है, बैंक, इंश्योरेंस, टैक्स ऑडिट जो किए होंगे अभी आपने सीजन में, एंड देन यू हैव स्पेसिफिक एंटिटीज के ऑडिट्स हैं, जैसे कि NBFCs हो गए, फॉरेंसिक ऑडिट वगैरह सुना होगा आजकल काफी चल रहा है, बहुत सारे फ्रॉड्स आजकल बाहर निकलने लग गए ना। तो जैसे रिसेंट में कौन से फ्रॉड सुने आपने? PMC सुना होगा आपने, पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक में फ्रॉड हुआ, तो उसके लिए ग्रैंड थॉटन नाम सुना है क्या? GT नाम की आपकी जो ऑडिट फॉर्म है, विच इज रैंक्ड एज द बिग फाइव नॉट इन द बिग फोर, उसे अपॉइंट किया एज अ फॉरेंसिक ऑडिटर फॉर दैट। और वो क्या कर रही है, अब इन्वेस्टिगेशन कर करके पता कर रही है कि इसमें फ्रॉड जो हुआ है वो कैसे हुआ, किसने किया, कहाँ हुआ। तो प्राइमरली उसमें फ्रॉड किया हुआ उस कोऑपरेटिव बैंक में जो मैनेजमेंट कमिटी के पार्ट थे लोग, उन्होंने अपने रिलेटिव को क्या किए, लोन दे दिए और फिर उसके रीपेमेंट्स नहीं है। अब उन फ्रॉड में ग्रैंड थॉर्नटन ने फॉरेंसिक चेक किया है, तो फॉरेंसिक चेक से दे हैव आइडेंटिफाइड कि जिस कंपनी को या जो प्रमोटर की रिलेटेड पार्टी को, इनफैक्ट मैनेजमेंट कमिटी की रिलेटेड पार्टी को फ्रॉड किए हुए थे, उसमें दे हैव फाइंड दैट देर आर न्यू घोस्ट अकाउंट्स विच दे हैव फाउंड। घोस्ट अकाउंट एज इन बुक्स में ऐसे अकाउंट हैं जो अकाउंट खोले ही किसने, कंपनी ने, कंपनी के पास ही, कंपनी एज इन जो बोरोअर है, बोरोअर के पास बैंक के पूरे सिस्टम्स का कंट्रोल था,
उसी ने वहां से लॉग इन किया, उसी ने पासवर्ड डाले, उसी ने अकाउंट क्रिएट किया, उसी ने वहां पे लोन विड्रॉ किया और वहां से पैसे ट्रांसफर कर दिए। इस तरह का फ्रॉड उन्होंने डिटेक्ट किया है। ऑब्वियसली बात है, नॉर्मल ऑडिट के स्कोप में नहीं आएगा। दिस समथिंग विच इज बियॉन्ड द नॉर्मल ऑडिट, दिस इज फॉरेंसिक ऑडिट। इस तरह के ऑडिट्स आपके सिलेबस में होते हैं, इन्वेस्टिगेशन होता है, ड्यू डिलीजेंस। सुना होगा भी आपने, जब दो कंपनियां मर्ज होती हैं तो नॉर्मली वो ड्यू डिलीजेंस कराती है कि भाई बाद में कोई लफड़े तो नहीं हो जाएंगे। होता है ना, शादी करने से पहले ड्यू डिलीजेंस करोगे तो ये सब ठीक है या नहीं है, बैकग्राउंड चेक करोगे आप, वेरिफिकेशन करोगे कि कोई लाइबिलिटी तो नहीं आ जाएगी अपने सर पे। इस तरह के सारे ऑडिट, ये तरह का नहीं मतलब, बट फाइनेंशियल नेचर में आप ऐसा करेंगे तो दिस इज काइंड ऑफ यू नो वेरियस सेट्स ऑफ अदर ऑडिट्स व्हिच आर देयर। ये पूरा दोस्तों जो आपका लास्ट वाला टॉपिक है, आप इसको समझने के लिए ऐसा लिख सकते हो, कोड ऑफ एथिक्स इज बेसिकली व्हाट, दिस इज बेस्ड ऑन सर्टेन प्रोविजन बेस्ड टॉपिक है। कंपनी ऑडिट इज ऑल्सो प्रोविजन बेस्ड टॉपिक, एसेज आर ऑल्सो प्रोविजन बेस्ड। प्रोविजन बेस्ड समझ में, एक लॉ है, एक स्टैंडर्ड है जिसके थ्रू आपको चीजें पढ़ना है, तो देयर इज अ गाइडलाइन, उसके बेसिस पे आपको करना है। बट जो आपके स्पेशल टॉपिक्स हैं ये मोस्टली थ्योरी बेस्ड है। जैसे आप बैंक इंश्योरेंस छोड़ दें, एनबीएफसी छोड़ दें, जहां आरबीआई के नॉर्म्स हैं, टैक्स ऑडिट छोड़ दीजिए जहां पे इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजन हैं, बाकी सारे आपके क्या हैं, थ्योरी बेस्ड है। लेकिन जैसे बैंक इंश्योरेंस टैक्सेस प्रोविजन बेस्ड और स्पेसिफिक एंटिटी के ये जो है ये दीज आर प्राइमरली थ्योरी बेस्ड। अब इनका एग्जाम में वेटेज क्या होता है, कंपनी ऑडिट विल हैव अ वेटेज ऑफ एनीवेयर बिटवीन 15 to 20%, स्टैंडर्ड्स हैव अ वेटेज ऑफ 25 to 30%, अदर टॉपिक्स विल हैव अ वेटेज ऑफ 25 to 35%। ये जो मैंने आपको वेटेज दिया ये किसका वेटेज है, नाउ आई विल एक्सप्लेन यू दोस थिंग्स। अब इसको समझने के लिए, वेटेज को समझने के लिए अपन एग्जाम का पेपर पैटर्न समझते हैं ना। आपका पेपर कितने मार्क्स का आता है, है जी बोलो ना, करेक्ट। तो अभी अपना 100 मार्क का पेपर मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये क्या दो पार्ट है, तो यू हैव 30 मार्क्स ऑफ एमसीक्यूज एंड यू हैव 70 मार्क्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। अपन ना थोड़ा फर्स्ट क्लास में इन सब पे टाइम स्पेंड करेंगे ताकि आपको एक बार पहले पूरे सब्जेक्ट का ओवरव्यू मिल जाए और आपको एक कंट्रोल आए, ताकि अपनी अप्रोच बनेगी पढ़ने की कि किस पे कहां ध्यान कैसे देना है। तो आपका 100 मार्क का जो पेपर है वो एक्चुअल में डिवाइडेड है दो पार्ट में। पार्ट ए कहते हैं एमसीक्यू, एग्जाम में भी ये ऐसे ही आता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में जो एमसीक्यू है आपको वो ओएमआर शीट पे उसको सॉल्व करना है, पेपर भी चले जाता है इंस्टीट्यूट के पास और ओएमआर शीट भी चले जाती है, यानी बाहर ना एमसीक्यू पता पड़ते हमें क्या है, ना हमारे आंसर्स हमारे पास आते हैं। एमसीक्यू जो होते हैं फाइनल में वो 30 मार्क के टोटल कितने एमसीक्यूज आते हैं, तो इफ आई टॉक अबाउट द नंबर ऑफ क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चन इफ वी टॉक अबाउट यू गेट 20 क्वेश्चन, बट ये 20 क्वेश्चन आते कैसे हैं, तो आप ये कहिए कि आपके 10 क्वेश्चन होंगे जो 2 मार्क्स ईच होंगे एंड देयर विल बी 10 क्वेश्चंस व्हिच विल बी 1 मार्क्स ईच। इसका मतलब प्रैक्टिकली स्पीकिंग आपके टोटल कितने क्वेश्चंस आ गए, 20 क्वेश्चंस फॉर एमसीक्यूज। डिस्क्रिप्टिव में आपके जो क्वेश्चंस आते हैं वो टोटल आपके आते हैं क्वेश्चंस 14 मार्क का एक क्वेश्चन, यानी कितने क्वेश्चन आएंगे ऑल इन ऑल अगर आप देखोगे तो यू विल एक्चुअली गेट हाउ मेनी क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस। 14 मार्क्स के आपके 5 क्वेश्चन है और एक ऑप्शनल क्वेश्चन होता है, इसमें पहला क्वेश्चन कंपलसरी है, बाकी आपके पास 5 क्वेश्चन आते हैं पर आपको करना 4 होते हैं। एवरी क्वेश्चन हैज 3 पार्ट्स, यानी सब मिला जुला के आप बताओ टोटल कितने क्वेश्चन आ गए,
बेसिकली 70 मार्क के लिए वी गेट 18 क्वेश्चंस, आउट ऑफ विच 15 क्वेश्चंस आर टू बी अटेम्प्टेड. इसका मतलब एग्जाम में आप देखो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट आपसे कितने पूछ सकता है. तो एमसीक्यू में कोई इंटरनल चॉइस नहीं होती है, यू गेट 20 क्वेश्चंस. और डिस्क्रिप्टिव में बिकॉज यू हैव एन इंटरनल चॉइस यू गेट 18 क्वेश्चंस. और यहीं से आप एक चीज समझ जाना दोस्तों, अगर आपको ऑडिट में स्कोर करना है तो आपको पूरा ऑडिट पढ़ना पड़ेगा. क्यों बोला मैंने ऐसा? क्योंकि 18 क्वेश्चन का मतलब इंस्टीट्यूट आपसे 18 अलग अलग टॉपिक्स पूछ सकता है एमसीक्यू के अलावा, विच इज अ गुड नंबर ऑफ क्वेश्चन. और ऐसा होता भी है कि इंस्टीट्यूट वेराइटी ऑफ टॉपिक से सवाल पूछता है. अपन इस तरह से बात करें, इससे अच्छा मैं आपको एक बेहतर तरीका बताता हूं. ये अपना एनालिसिस है, ये देखिए आप. तो एवरी अटेम्प्ट यू नो व्हेन द क्वेश्चन कम्स अप ऑन द सेम डे आई शेयर एनालिसिस ऑन द यूट्यूब अबाउट द पेपर. द रीजन फॉर दैट इज कि आगे के अटेम्प्ट वाले स्टूडेंट्स एक बार क्या कर सकें, समझ सकें कि पेपर का इस बार पैटर्न क्या था और क्या इंस्टीट्यूट बदलाव कर रहा है, आगे क्या हो रहा है. अपन न्यू सिलेबस पे फोकस करते हैं. सबसे पहले आप देखो न्यू सिलेबस का पेपर कैसा था. देखने में अगर आप देखना चाहेंगे, इफ यू वॉन्ट टू सी द पेपर, दिस एग्जैक्टली इज द पेपर. ये आपका पेपर है जो दो पार्ट में आता है. ये जो हमारे पास है ये सेकेंड पार्ट है इसका. आप देखो सेकेंड पार्ट में इन्होंने क्या लिखा है. क्वेश्चन पेपर में कुल 6 सवाल है, पहला कंपलसरी है और आपको बचे हुए 5 में से 4 करने हैं. एवरी क्वेश्चन इफ यू सी विल हैव 3 पार्ट्स, ए बी एंड सी. इस बार इंस्टीट्यूट ने इसमें भी ये बढ़िया कर दिया कि ए बी सी में पहला और दूसरा क्वेश्चन 5 मार्क का और तीसरा वाला जो पार्ट है आपका वो 4 मार्क का फिक्स. सारे क्वेश्चन ऐसे हैं. अब आप ये वाली चीज देखो, आपके सामने रखी हुई है, इसको स्टडी करके मुझे बताओ इससे तुम्हें क्या समझ में आ रहा है. ये आपके 70 मार्क्स 70 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, 6 क्वेश्चंस का मैंने यहां पे आपको क्वेश्चन वाइज एनालिसिस दिया है कि कौन सा क्वेश्चन किस पर्टिकुलर टॉपिक या चैप्टर से आया है. अब ये देख के तुम एनालाइज करके मुझे बताओ व्हाट इज योर कंक्लूजन आउट ऑफ दिस. बताइए कौन सा. ये कंपलसरी है, ये सब मैं आपको मिलेगा. मैं बताऊंगा आपको जितनी चीज मैं आपको यहां दिखा रहा हूं, यू विल गेट एवरीथिंग. आप सिर्फ एनालाइज करिए इसको और बताइए क्या समझ में आया इससे. सब कवर्ड है, ओके. ये तो मैंने बोला था तो तुमने ऐसे ही बोल दिया. बोले सर ये बोल रहे थे और फिर ये दिखाया तो वही जवाब होगा. और कुछ हर क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में एक कंपनी क्वेश्चन कंपनी ऑडिट का है और एक मतलब समझ में आया. बहुत बढ़िया कंक्लूजन बनाया आपने, वेरी गुड. आप कुछ बोल रहे थे. करेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड. आप देखिए इसके कंक्लूजन्स, वेरी नाइस, ब्रिलियंट. सबसे पहली चीज कंपलसरी क्वेश्चन स्टैंडर्ड्स का आया. हालांकि अगर मैं आपको नीचे ओल्ड कोर्स का दिखाऊं, अब ओल्ड कोर्स में ऐसा आया तो हो सकता है न्यू में भी कभी आ जाए. ओल्ड में आप देखोगे तो कंपलसरी में एक उन्होंने टैक्स ऑडिट का क्वेश्चन डाल दिया क्योंकि ओल्ड और न्यू का सिलेबस मोर ऑर लेस सिमिलर ही है, 95% इज द सेम. बट ये होता है कि पहला क्वेश्चन नॉर्मली स्टैंडर्ड्स का आता है. दूसरी बात देखना, सबसे बड़ी बात यहां पे ये है कि किसी भी एक क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि एक ही टॉपिक के सारे सवाल पूछे. पहले इंस्टीट्यूट क्या करता था बताए, पहले फिक्स होता था 14 क्वेश्चन कोड ऑफ एथिक्स का है, मतलब 14 क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स होंगे वो सारे किससे रिलेटेड होंगे, एथिक्स से रिलेटेड.
अब ऐसा नहीं है, अब हर क्वेश्चन में वो क्या करते हैं अलग अलग सेक्शन से पढ़ते हैं। तो जो स्टूडेंट क्या करता है, छोड़ के जाएगा कोई पर्टिकुलर टॉपिक, उसने बोला यार स्पेशल टॉपिक्स में थियोरेटिकल टॉपिक छोड़ देता हूं मैं, आप समझिए उसके लिए ए। सबसे पहली चीज क्वेश्चन नंबर फोर, जैसे कि आप यहां पे देखोगे ये तो दिक्कत देगा ही देगा, ये छोड़िए इसके अलावा दूसरे हर जगह आपको कहीं ना कहीं हो सकता है उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन मिल जाए। इट्स अ मिक्स ऑफ एवरीथिंग, दैट इज व्हाई यू हैव टू फर्स्ट स्ट्रेटजी फॉर क्रैकिंग ऑडिट इज यू हैव टू स्टडी 100% सिलेबस, यू कैन नॉट लीव एनीथिंग। इसलिए ऑडिट में अगर आप सोचो कि यार मैं समय बचा के इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ के चले जाऊं, जो एक मानसिकता ओल्ड कोर्स में बनी थी पहले, क्योंकि मैंने बताया ओल्ड कोर्स में पहले क्या होता था, एक क्वेश्चन एक टॉपिक से रिलेटेड होता था। तो आपको हो सकता है कभी आपके सीनियर सजेस्ट भी करेगा यार ऑडिट में ये टॉपिक अच्छे से कर लेना, बाकी देख लेना, अब काम नहीं करेगा वो, आपको सारी चीजें कवर अच्छे से करना पड़ेगा। वन इज दैट। अब यहां पे मैं सिनॉप्सिस बताता हूं, देखो एथिक्स 14 मार्क्स आउट ऑफ 70 मार्क्स है, राइट। कंपनी ऑडिट आप देखोगे 20 मार्क्स आउट ऑफ 70 मार्क्स, स्पेशल टॉपिक्स 22 मार्क्स, एंड स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग प्लस रिस्क असेसमेंट इंटरनल कंट्रोल और ऑडिट प्रोग्राम, जो आपने कहा इंटरमीडिएट में भी ऐसे चैप्टर्स होते थे पहले, फाइनल में इसका वेटेज नहीं आता था। इस पर्टिकुलर डेम में इन्होंने इसके क्वेश्चन पूछे, पिछले डेम में भी एक क्वेश्चन पूछा था इन्होंने, दैट इज वाई इस बैच में हमने क्या किया है, ये जो पर्टिकुलर टॉपिक ग्रे में मैंने दिए आपको, इन ग्रे के टॉपिक्स के लिए वी हैव क्रिएटेड अ सेपरेट चैप्टर एंड सेपरेट नोट्स फॉर इट। ऐसे ये टॉपिक स्टैंडर्ड और ऑडिटिंग में आपने सुना होगा एक ऐसे 315 कभी याद हो आपको, ऐसे 315 एंड 330 जो बात करता था बेसिकली व्हाट, करेक्ट, रिस्क असेसमेंट, आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ रिस्क थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट एंड रिस्पॉन्स टू असेस रिस्क, ये प्रमैली उस चैप्टर के ऊपर बेस्ड है। बट अब ये स्पेसिफिकली इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है, मॉड्यूल में जो चैप्टर में दिया हुआ है उसके एज इट इज उठा के क्वेश्चन पूछ रहा है, दैट इज वाई इस बार इस पर्टिकुलर बैच में वी हैव इनकॉर्पोरेटेड अ कंप्लीट सेपरेट चैप्टर ऑन रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल्स, जिसको हम अलग से और कवर करेंगे, कीपिंग इन माइंड यू नो इन टर्म्स ऑफ व्हाट चेंजेस हैव हैपेंड। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी, ठीक है। तो अच्छा, ये जो अपन डिस्कशन कर रहे हैं इसका पर्पस समझ में आ रहा है आपको, क्यों कर रहे हैं, आपको एक कॉन्टेक्स्ट समझ में आना चाहिए दोस्त, पेपर कैसा चलता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये मैंने आपको एक थोड़ा सा एग्जाम पेपर के बारे में बता दिया क्या होता है। इसमें एक चीज जो एमसीक्यू के बारे में नहीं बताई, एमसीक्यू क्या आते हैं, तो यू डोंट गेट द एमसीक्यूज आउटसाइड, बट क्या होता है एग्जाम के बाद में वी स्पीक टू द स्टूडेंट्स एंड वी आइडेंटिफाई, और हम उनसे नोट करा लेते हैं सारे एमसीक्यूज क्या क्या है। उसके बेसिस पे इफ आई गिव यू अ बैकग्राउंड, एमसीक्यू में सबसे ज्यादा एमसीक्यू अगर मैं बात करूं तो आते हैं स्पेशल टॉपिक्स और ऐसे इसके, उसके बाद आते हैं कंपनी ऑडिट, और सबसे कम होते हैं एथिक्स के। टू आर सरप्राइज, जब पहली बार एमसीक्यू आया था उससे पहले हमने जो असेसमेंट किया था, हमने कहा था कि सबसे ज्यादा ऐसे ऐसे आएंगे, एंड देन फिर उसके बाद कंपनी ऑडिट, फिर स्पेशल टॉपिक और फिर कोड ऑफ एथिक्स, जबकि स्पेशल टॉपिक से बहुत सारे एमसीक्यूज पूछे उन्होंने, क्योंकि ये थियोरेटिकल नेचर के हैं तो नॉर्मली अपने को लगेगा कि यार इससे एमसीक्यू कम बनेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने एमसीक्यू पूछे, और उसमें कहां से पूछे, जो जो प्रोविजन बेस्ड टॉपिक थे, जैसे बैंक, इंश्योरेंस, एनबीएफसी, टैक्स ऑडिट, इनके एमसीक्यू, जो प्रोविजन बेस्ड टॉपिक है, जो प्योर थियोरेटिकल है उसके इतने नहीं थे, राइट। तो इस एंगल से अब आपको एक आइडिया लग जाएगा कि अपना फोकस कहां पे कैसे होगा। अगला सवाल, अपन कैसे तैयारी करेंगे, तो हाउ विल वी स्टडी, तो व्हाट आई हैव डन इज, हम हमारे ऑडिट के पूरे सिलेबस को चार पार्ट में बांट रहे हैं, तो हमारा डिस्कशन भी चार पार्ट में होगा, यानी आपको किताबें भी चार मिलेगी। तो ऑडिट का अपना स्टडी प्लान कैसे होगा, देखिए, लेट अस से फॉर एग्जाम्पल टुडे यू आर रीडिंग इन द क्लास, ठीक है, यहां आज आपने क्लास शुरू करी, 40 लेक्चर्स में वी विल कंप्लीट आवर सिलेबस, इट कुड बी प्लस माइनस 2, 40 लेक्चर्स वी कंप्लीट द सिलेबस, आपकी क्लास कंप्लीट हो गई, वहां से फिर अब आपका अटेम्प्ट, ठीक है, और उसके बाद में फिर रिजल्ट, इसके बाद में बात नहीं करेंगे क्या हुआ। 40 लेक्चर्स में व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, मैंने सीक्वेंस आपको बता दिया है, सबसे पहले कंपनी ऑडिट, ऐसे स्पेशल टॉपिक्स और एथिक्स इस क्लास में, चार चीजों का मतलब क्या होगा, अपनी किताबें और सारी चीजें इन चार तरह से ही चलेंगी, यानी कि किताबें भी अपनी ये चार पार्ट्स में ही होती है,
ठीक है, आई विल शो यू द बुक्स एक्चुअली। अगर आप देखोगे तो जैसे ये दो बुक्स है जिसमें आपके तीन पार्ट कवर हो गए, एक में आपका कोड ऑफ एथिक्स आ गया, एक में कोड ऑफ एथिक्स एंड कंपनी ऑडिट, और एक स्टैंडर्ड्स के आ गए। एंड देन स्पेशल टॉपिक्स के लिए व्हाट वी डू इज वी यूज दीज पर्टिकुलर चार्ट्स इस तरह के। ये क्यों करते हैं, आई विल जस्ट गिव यू अ बेसिक आइडिया अबाउट इट। आप देखो थ्योरी टॉपिक में प्रॉब्लम क्या आएगी, आपको चीजें याद करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए व्हाट वी हैव डन इज बहुत सालों तक पढ़ाने के बाद और अलग अलग तरह के प्रयोग करने के बाद वी फाइनली फाउंड वन स्ट्रेटजी विच वर्क्स। इस तरह के आपके रंग बिरंगे चार्ट्स हैं। ये एक्चुअल में आप देखोगे ये बोलने के चार्ट्स हैं, पर ये चार्ट्स नहीं है। इनमें पूरा का पूरा कंटेंट है जो आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है ए टू जेड, सिर्फ हमने इसको ग्रामेटिकली शॉर्ट कर दिया है कि वहां पे एक पैराग्राफ है इतना बड़ा, उसका क्रक्स हमने निकाल के एक लाइन दो लाइन में लिख दिया है यूजिंग द मॉड्यूल लैंग्वेज बट सिंप्लीफाइंग इट सो दैट इट कैन बी सेल्फ अंडरस्टैंडेबल। इस तरह से आप देखोगे तो ये देखिए ये कंटेंट है, इतना सारा कंटेंट है इसमें, यानी ये बोलने के चार्ट्स हैं, बट ये एक्चुअल में पूरा कंटेंट है। इट इज जस्ट प्रेजेंटेड इन सच अ फैशन कि आप देख के इंटरेस्टिंग हो जाएगा और आपके लिए पढ़ना आसान हो जाएगा। प्लस एग्जाम में स्टूडेंट रिव्यू देता है कि सर क्वेश्चन आता है तो हमें याद आता है कि हाँ ये इस पेज में इस तरफ होता है ना, एक विजुअल मार्किंग आती है, कई बार क्लास के एग्जाम्पल याद आएंगे, नोट्स याद आएंगे, उससे ये चीजें वहां पे याद आती। और हमने क्या किया है, तब अपनी जो पढ़ने की तरकीब होती है दोस्तों वो समझना कैसी होती है। सारे के सारे टॉपिक में यू विल गेट बेसिकली नोट्स इन थ्री पार्ट्स। इसमें मैं कंपनी, एसे और एथिक्स, ये तीनों में आपके नोट्स जो होंगे वो तीन पार्ट में होंगे, जिसको हम लोग बोलने के लिए बोलते हैं लेयर वन, लेयर टू और लेयर थ्री। लेयर टू में आपके डिटेल नोट्स होते हैं, लेयर थ्री इज नथिंग बट क्वेश्चन बैंक। तो लेयर वन क्या होगा, रिवीजन चार्ट्स। नाउ लेट मी शो यू, जैसे जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, ये मैंने पुरानी बुक खोल दी अभी सिर्फ दिखाने के लिए आपको। से फॉर एग्जाम्पल अपन 700 सीरीज पे आ गए, जो भी स्टैंडर्ड है 700 701, तो ये अपनी सीरीज है, ठीक है। ये इस तरह के आपके नोट्स है, ये इसे हम कहते हैं डिटेल नोट्स। इसमें पूरा डिटेल कंटेंट है, आपको एग्जाम में इतना पढ़ना पड़ेगा तभी आप आंसर लिख पाओगे और मार्क्स ला पाओगे। इससे कम पढ़ के आप एग्जाम में मार्क्स स्कोर नहीं कर पाओगे, आपको लगेगा मैंने पेपर सॉल्व कर दिया बट यू विल नॉट गेट मार्क्स। ये इस तरह के डिटेल नोट्स हैं आपके, दिस इज लेयर टू। लेयर थ्री एग्जैक्टली क्या होती है, दैट इज द क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक में आपके इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, देन यू हैव ऑल द आंसर्स, सारे क्वेश्चन सॉल्व्ड है। आपकी लेयर थ्री में मैंने क्या किया है, स्टैंडर्ड्स के जितने क्वेश्चंस हैं पहले वो सारे क्वेश्चंस की समरी दी हुई है, समरी एज इन मतलब सारे क्वेश्चंस की लिस्ट दी हुई है। और आपकी किताब में इस बार साइड में दो कॉलम मिलेंगे आपको, वो कॉलम्स कैसे होंगे, यू हैव अ क्वेश्चन और उसके सामने यू विल हैव अ कॉलम जिसमें आपको लिखना है कि इसमें कौन सा स्टैंडर्ड लगेगा, और एक कॉलम होगा इसमें ब्रीफ कौन सा प्रोविजन लगेगा। ये क्यों किया है कोई बता सकता है, सारे क्वेश्चन लाइन से क्यों दे दिया। नॉर्मल तो ऐसा होता है ना, क्वेश्चन फिर आंसर, क्वेश्चन फिर आंसर, क्वेश्चन फिर आंसर, यहाँ पे सारे क्वेश्चन है पहले और फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर है, ऐसा क्यों। वेरी गुड, पहले अपन क्वेश्चन पढ़ के खुद सॉल्व कर सकते हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज, एग्जाम में सब मिला के आप देखो, अगर मैं बात करूं तो कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, 18। क्लास में क्या लगता है अपने को कितने क्वेश्चन करना होंगे, 18 क्वेश्चन एग्जाम में। अगर आप इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल उठा के देखेंगे, बस सब है हम देखिए, ये आपका इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, ये आपके लाइन से क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अब ये चार्ट क्या है मैं आपको थोड़ा समझाता हूं, आपको भी मालूम है एग्जाम में इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के क्वेश्चंस एज इट इज आते ही आते हैं, इसलिए उसे कवर करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने क्या किया, इंस्टीट्यूट का जो नया मॉड्यूल आया 2020 का,
इस बैच से पहले हमने उसके सारे क्वेश्चंस एक लाइन से ले लिए और उन सारे क्वेश्चंस के सामने मार्क कर दिया कि ये क्वेश्चन किस किस पर्टिकुलर एसे या टॉपिक से रिलेटेड है। ऐसा करके हमने इस तरह की एक समरी बना दी। अगर आप देखोगे तो ये टोटल सब मिला जुला के दीज आर सम 120 ऑड क्वेश्चंस होते हैं जो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में दिए हुए हैं। तो 18 क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं डिस्क्रिप्टिव। इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में देर आर 120 ऑड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस विच आर देयर। हम लोग क्लास में सॉल्व करेंगे सम अराउंड 600 क्वेश्चंस। ऑब्वियस ही बात है, क्यों? क्योंकि आप सिर्फ इंस्टीट्यूट के उन क्वेश्चंस पे डिपेंड नहीं कर सकते, आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए। अपने को वो नहीं पढ़ना है जो एग्जाम में आ चुका है, वो पढ़ के अपने को लग रहा है अभी तक के सारे पेपर सॉल्व हो रहे हैं। इसमें आपका पेपर सॉल्व होना चाहिए, अपने को पुराने नहीं सॉल्व करना है। तो वी विल स्टडी 600 ऑड क्वेश्चन। 600 क्वेश्चन आखिरी में रिवाइज कोई नहीं कर सकता। इसलिए क्या किया है, शुरू में क्वेश्चन बैंक पूरी समरी दे दिया। इससे क्या होगा, आपको जब रिवाइज करना होगा ना, आप सीधे क्वेश्चन बैंक पे जाओगे और सारे क्वेश्चन एग्जाम से पहले आप पढ़ के रिवाइज कर सकते हो कि इसमें क्या आंसर आना चाहिए, कौन से स्टैंडर्ड और उसका कौन सा ब्रीफ में प्रोविजन। डिटेल में तो अपन उस समय नहीं पढ़ेंगे, पर अपने को सारे क्वेश्चन लगाना है। नॉर्मली एक बात बताओ, आप लोगों ने इंटरमीडिएट में पढ़ाई करी आईपीसीसी में, एग्जाम से पहले क्या करते थे आप, कितना कितना रिवाइज कितना करते थे? दिस इज व्हाट माय क्वेश्चन इज। सपोज आप पेपर देके आए, फॉर एग्जांपल आपने आपका पेपर दिया एडवांस अकाउंट्स का, फिर ऑडिट का पेपर है, तो रिवाइज क्या क्या किया आपने? मॉड्यूल के पीछे के सारे क्वेश्चंस किए, ये एग्जाम से एक दिन पहले। आरटीपी आपने क्या किया? नोट्स पढ़े क्लास के पूरे और क्वेश्चंस देख लिया। क्वेश्चंस सारे देखे? सारे नहीं हो पाते। इंपॉर्टेंट जो अपन मार्क करके रखते हैं वो अपन देख लेते हैं। ये मैं आपको रियल फीडबैक बता रहा हूं इस अटेम्प्ट से। बाद में वी स्पोक टू सम ऑफ द रैंकर्स जिनकी आईपीसीसी में रैंक थी और उन्होंने भी फाइनल की एग्जाम दी। मेजॉरिटी ऑफ देम गेव वन पर्टिकुलर थिंग विच वॉज कॉमन। उन्होंने बोला कि सर एग्जाम से पहले जितनी चीजें आपने पहले पढ़ी है वो सारी की सारी एक बार तो नजरों के सामने से निकालना ही पड़ती है। उसके दो कारण है, पहला फ्रेश रहती है तो एग्जाम में आता है तो क्विकली आंसर आता है, दूसरा अगर कोई चीज अपन नहीं एक दिन पहले निकालते हैं आंखों के सामने से और वो चीज सेम एग्जाम में आती है तो अंदर थोड़ी सी घबराहट हो जाती है, यार ये मैंने देखा नहीं था, जबकि मैं उसको बहुत अच्छे से पहले तैयार कर चुका हूं, बट लास्ट मोमेंट पे नहीं देखने के कारण वहां पे एक हल्का सा कॉन्फिडेंट डिप आता है। तो दैट इज व्हाई व्हाट हैपेंस इज इट इज इंपॉर्टेंट दैट एवरी सिंगल थिंग विच यू हैव स्टडीड हैज टू बी गॉन थ्रू बिफोर द एग्जाम्स। उस डिटेल में नहीं, पर आपको देखना सब पड़ेगा। क्या होता था, जब क्वेश्चन बैंक में शुरू में समरी नहीं होती थी तो प्रैक्टिकली हर क्वेश्चन बच्चा नहीं पढ़ सकता। हमने क्या किया, ये जो क्वेश्चन है हर क्वेश्चन बैंक में शुरू में ही समरी डाल दिया। तो एग्जाम से पहले आप वहां पे अपन मार्क करके रखेंगे एलडीआर लास्ट डे रिवीजन, वो वाले क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से देखने हैं, पर आप सारे क्वेश्चंस एक बार के लिए लगा पाओगे। दैट इज बेसिकली व्हाट द स्ट्रेटजी वी हैव डन। साथ ही इस बार क्या किया, इस पर्टिकुलर बैच में क्योंकि इंस्टीट्यूट के नया मटीरियल आ गया तो ये नए मटीरियल की हमने मैपिंग कर दी है। मैपिंग मतलब आई जस्ट शो यू वन, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कोड ऑफ एथिक्स है, ठीक है। तो कोड ऑफ एथिक्स में इंस्टीट्यूट के टोटल अगर आप देखो प्रोफेशनल एथिक्स के इतने सवाल है। ये सवाल किन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है ये दे दिया। आपकी जो किताब है उस किताब में वॉल्यूम वन में ये लेयर थ्री जो क्वेश्चन बैंक है, इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में कौन से पेज पे है और अपनी किताब में ये कौन से पेज पे सेम क्वेश्चन है। ये सिर्फ इसलिए ताकि आपको 100% कॉन्फिडेंस रहे और हमें भी ये इंश्योरिटी रहे कि इंस्टीट्यूट के मटेरियल का एक एक क्वेश्चन आपके मटेरियल में आ गया है। नहीं तो क्या होता है, स्टूडेंट बोलता है सर सर का मटेरियल तो मैं पढ़ लेता हूं, ठीक है। कई स्टूडेंट के दिमाग में रहता है सर मॉड्यूल तो मैं अलग से करूंगा ही करूंगा, और जो बिल्कुल सही है, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन आता मॉड्यूल से, बिल्कुल आते हैं, सारे नहीं आते अभी पर मेजॉरिटी आते हैं। तो आप अलग से मॉड्यूल जो समझदार स्टूडेंट होगा वो करेगा ही करेगा और करना भी चाहिए। ये हमने सिर्फ इसलिए बना दिया ताकि आपको कॉन्फिडेंस रहे कि 100% मॉड्यूल के क्वेश्चन अपनी किताब में कवर्ड है, सो दैट यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड और हम भी श्योर रहे कि यार अपन ने कुछ छोड़ा नहीं है यहाँ पे। तो वी हैव डन दिस मैपिंग और ये भी आपके साथ शेयर करेंगे ताकि मॉड्यूल का कहां पे अपना क्वेश्चन अपने मटेरियल में कहां पर है ये आपका कवर हो जाए, तो आपको दो चीजें नहीं पढ़ना पड़े। नहीं तो क्या होता है, एग्जाम से एक दिन पहले दो चीज पढ़ना प्रैक्टिकली असंभव है, वहां पे आप सिर्फ एक ही चीज पढ़ पाओ। तो आप यू समझ लो ये जो भी अपन अप्रोच फॉलो कर रहे हैं दोस्त, ये सारी अप्रोच के पीछे लॉजिक सिर्फ एक है कि
एग्जाम से एक दिन पहले आप सारी चीजें रिवाइज कर सको, इस उद्देश्य के साथ अपन ये सारी चीजें बना रहे हैं, ठीक है। तो व्हाट वी हैव डन इज सारी चीजों में आपको ये तीन लेयर मिलेंगी। क्लास अपन किससे पढ़ने वाले हैं, तो क्लास में हम पूरा डिस्कशन लेयर टू से करेंगे एंड लेयर थ्री डेली बेसिस पे सॉल्व करेंगे। मतलब क्या हुआ समझे, लेयर टू से सारी चीजें आज पढ़ ली, होमवर्क में आज जो पढ़ाया उसका क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, लेयर थ्री में ये क्वेश्चन करके आना है, वो आप ट्राई करके आओगे। अगले दिन अपन पहले वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, तो क्लास में पहले रिवीजन होगा, फिर वो सारे क्वेश्चंस होंगे और उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ेंगे। टोटल 40 लेक्चर्स में अगर मैं देखूं तो 120 आवर्स हो गए मेरी क्लास की। अगर मैं पुरानी क्लासेस का मैच करूं तो 120 आवर्स में से 40 आवर्स आई स्पेंड ऑन क्वेश्चंस। तो 35 टू 40 आवर्स आर ओनली ऑन क्वेश्चंस एंड सॉल्विंग द क्वेश्चन। क्योंकि अपना ये मानना है कि आपने चीजें समझ ली दोस्त, उससे काम नहीं होगा। समझना और क्वेश्चन सॉल्व करना दोनों अलग अलग चीज है, क्योंकि क्वेश्चन शब्दों में बयां किया जाता है और समझाया वर्बली जाता है। व्हेन आई राइट समथिंग एंड व्हेन आई एक्सप्लेन, इट हैज अ डिफरेंस। एक्सप्लेनेशन में मैं अपने भावों से, अपने समझाने के तरीके से चीजें ज्यादा इलैबोरेटली आपको समझा सकता हूं, बट वही चीज जब मैं लिख के देता हूं तो मेरी लिमिटेशन है वर्ड्स की। वो वर्ड्स से क्या वो पूछ रहा है और क्या चीज निकल के आना चाहिए, ये करने के लिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। तो आपसे सिर्फ एक एक्सपेक्टेशन है कि डेली क्लास के बाद में जो आज पढ़ा है उसको आपको रिवाइज करना है, ताकि अगले दिन के रिविजन में आप पार्टिसिपेट करो। जब जब आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिए जाएंगे वो सारे क्वेश्चन आपको करके आना है। अगर आप ये 40 डेज तक, 40 लेक्चर्स तक करते रहोगे तो आई कैन कमिट यू की ये पर्टिकुलर बैच खत्म होने के साथ में यू विल बी रेस्ट अश्योर्ड कि मुझे पूरा ऑडिट आता है, ठीक है। ये अपनी स्ट्रैटेजी हो गई। ये पूरी स्ट्रैटेजी सिर्फ एक जगह अलग हो जाएगी और वो है स्पेशल टॉपिक्स में, क्योंकि यहां पे थ्योरी बेस्ड प्रोविजन ज्यादा है। तो यहां पे लेयर 1, 2, 3 तीनों कंबाइंड है, क्योंकि इसमें कंटेंट इतना है कि आप तीन लेयर से नहीं पढ़ पाओगे। 1, 2, 3 कंबाइंड है, यानी चार्ट फॉर्म में डिटेल नोट्स है, तो समरी भी वहीं आ गई आपके एक तरह से देखने के लिए और डिटेल भी वहीं आ गई। और लेयर थ्री देखो हमने कैसे इनकॉर्पोरेट किए। लेयर थ्री के लिए व्हाट वी हैव डन देयर इज, आप देखोगे तो हमने हर पर्टिकुलर पेज के नीचे क्वेश्चंस दे दिए। समझ में आ गया, यानी आपने स्पेशल ऑडिट में द्रोण चार्ट का ये पेज पढ़ा, इस पेज से रिलेटेड एग्जाम में आपके स्टडी मटेरियल में या एमटीपी में, आरटीपी में जो जो क्वेश्चन आए वो नीचे यहीं पे दे दिए। कहीं हमें लगा कि क्वेश्चन ज्यादा है, नीचे नहीं आ रहे हैं, तो उसका पीछे हमने एक अलग से क्वेश्चन बैंक बना दिया और उस क्वेश्चन बैंक में अलग से फिर जो क्वेश्चंस देने थे वो क्वेश्चंस दे दिए। तो दिस इज द वे वी हैव काइंड ऑफ क्रिएटेड दिस होल पर्टिकुलर थिंग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग, बोलो दोस्तों। तो दिस इज द वे वी हैव टू डू व्हाट, ये देखिए जैसे एडिशनल क्वेश्चन है, नीचे नहीं आ पाए तो यहां पर अलग से दे दिया। यानी लेयर 1, 2, 3 तीनों कंबाइंड है आपके द्रोण चार्ट्स में, किसमें, स्पेशल ऑडिट्स में। इस तरह से वी आर गोइंग टू सॉल्व एवरी पर्टिकुलर थिंग। ये तरह से आपके क्या कंप्लीट हो जाएंगे, लेक्चर्स। लेक्चर्स के बाद अब आपको क्या करना है, तो बिफोर द अटेम्प्ट आई कैन से आई कैन डिवाइड दिस डिस्कशन। एक तो अटेम्प्ट से पहले का लास्ट डे हो गया और एक आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन लीव हो गई, विच आई कैन से इज द लास्ट 4 to 5 months इफ यू आर गिविंग बोथ द ग्रुप्स, सही है। यहां पे अब आप क्या करोगे, When you start studying audit here, what you will have to do is, सबसे पहले आप revision lecture देखना। So what we have done is, for every topic we'll give you revision lecture. Already YouTube पे available है अभी, company audit का, ethics का, standards का, ये तीनों के revision lecture है। आपको regular basis पे update करके हम देते जाएंगे। आप जब भी देख रहे हो उस समय जो लेटेस्ट अवेलेबल लेक्चर है आपके पास, तो फेस टू फेस स्टूडेंट है या लाइव या वर्चुअल कोई भी स्टूडेंट है, वील शेयर दिस विद यू थ्रू गूगल ड्राइव और यूट्यूब। आपको करना क्या है, कोड ऑफ एथिक्स आप पढ़ने बैठोगे ना, पहले आप 2 घंटे का कोड ऑफ एथिक्स का रिविजन सुनोगे, जिससे जितना क्लास में पढ़ा है सब एक बार आंखों के सामने से निकल जाएगा। फिर उसके बाद आप जब पढ़ना शुरू करोगे तो आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी रहेगा। क्योंकि मैं जब स्टूडेंट था तो मेरे साथ क्या हुआ, मैंने ऑडिट पढ़ा, उसके साल भर बाद मेरी 1.5 साल बाद 2 साल बाद एग्जाम है, तो जब पढ़ने बैठे तो अपने को लगा यार सब भूल गए, याद कुछ नहीं है। बस यहां पे अपन ने क्योंकि अपने हाथों से कुछ कुछ लिख रखा है इसलिए ऐसा लग रहा है कि यहां से निकले हैं कभी, बाकी याद अब कुछ भी नहीं है। बट आपने रिवीजन सुन लिया तो आपको सब रिकॉल हो जाएगा। ये बिल्कुल वैसी वाली बात है कि आप कोई लड़की से मिले, बहुत पसंद आई, और 2 साल तक उससे कोई आपका सामना ही नहीं हुआ, अब आप नाम भी याद कर रहे हो तो याद नहीं आ रहा है, पर दोस्त ने थोड़ा सा बता दिया कि हाँ यार आर से शुरू होता था, हमने बोला हाँ दिया याद आया, फिर तो पूरी कहानी सामने आ गई उसकी।
ये बिल्कुल वैसा है। तो यू विल फर्स्ट सी द रिविजन लेक्चर, और जो रिविजन लेक्चर्स में लेता हूं ना, वो सारे रिविजन लेक्चर क्या लेयर वन यूज करके लेते हैं। तो लेयर वन बेसिकली इज अ समरी ऑफ एवरीथिंग विच इज देयर इन लेयर टू। तो अपन लेयर वन के बेसिस पे फास्ट ट्रैक जो बैचेस होती है ना, उसमें हम लेयर वन के थ्रू पढ़ते हैं। आप लोग लेयर टू से पढ़ोगे, एग्जाम से पहले भी लेयर टू करोगे, लेयर वन सिर्फ आपको रिविजन के लिए यूज करना है, उसके अलावा नहीं। फिर आपको लगता है लेयर वन से मेरा सफिशियंटली एग्जाम से एक दिन पहले रिविजन हो जाएगा, यू कैन यूज दैट, दैट इज फॉर यू, विच इज चार्ट्स, नथिंग मोर। ठीक है, यहां पे पहले आप रिविजन लेक्चर देखोगे एंड देन यू विल स्टडी। एक चीज ध्यान रखना, आपको एक चीज तो बताएं कि यहां जब आप लास्ट टाइम स्टडी करोगे तो दो बार तो कम से कम कोर्स कवर करोगे ही करोगे, यानी कि एक पूरा डिटेल में और कम से कम एक रिविजन, कुछ लोग दो भी करते हैं। प्लीज एक चीज ध्यान रखना कि जब आप पढ़ रहे हो एग्जाम लीव में, आप कोई चीज याद करने की कोशिश मत करना। ये पहले दिन मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस दे रहा हूं, जो स्टूडेंट ऑडिट पढ़ते या कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ते समय पढ़ते पढ़ते चीजों को याद करने की कोशिश करता है, वो बहुत सारा समय गंवा देगा। आपको सिर्फ पढ़ना है, समझना है, ऐसा कि एक भी चीज ऐसी नहीं हो जो आपको समझ नहीं आती। फिर जब आप दूसरी बार पढ़ोगे, तीसरी बार पढ़ोगे, तब आपको लर्न करने के लिए दिमाग लगाना है। क्योंकि एक सिंपल सी चीज सर रखना, चीजें दिमाग में अगर अच्छे से बैठ गई हैं तो वो कहीं जाएंगी नहीं, बस उसको आपको क्या करना है, सरफेस पे लाना है, वो रिविजन से होता है। तो आप जब पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे सेक्शन 139, 140, 141 सारे याद हो जाए, या स्पेशल टॉपिक्स के पूरे पॉइंट याद हो जाए, एक एक पॉइंट समझ में आ गया आपको। लर्न करने वाली चीज आखिरी एक महीने में जब रिविजन करोगे ना, उस समय करना, हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दिस इज द वे यू विल हैव टू हैंडल योर स्टडीज बिफोर द एग्जाम्स। And then when you go for last day, what you have to do is 100% things which you have studied, you will have to revise. This is very clear. और अपन पूरा पढ़ेंगे पहले दिन से, ऐसा कि आप आखिरी दिन एक दिन पहले पूरा 100% syllabus revise कर सको। अब यहां पे प्रॉब्लम आपको सिर्फ एक चीज की आएगी, वो ये कि क्लास के बाद से लेके यहां तक जो अमेंडमेंट आएंगे वो हम कैसे चेक करेंगे, क्योंकि अब इंस्टीट्यूट में अमेंडमेंट अलग अलग तरह के आने लग गए। एक तो जो कंपनी लॉ में चेंजेस होते हैं उसके कारण, और दूसरा इंस्टीट्यूट ही नए क्वेश्चन डाल दिए, आरटीपी आ गई, एमटीपी आ गई, स्टडी मटेरियल चेंज हो गया, मेरा अटेम्प्ट 2021 में और चेंजेस कभी आ गए, क्या करूंगा मैं। तो वी हैव अ वेरी साइंटिफिक स्ट्रक्चर फॉर दिस। सबसे पहली चीज व्हाट वी डू इज, आई विल जस्ट शो यू दिस। इस बात से अब हमने अमेंडमेंट ट्रैकर शेयर करना शुरू कर दिया। ये क्या होता है, मैं थोड़ा ज्यादा समय ले रहा हूं, बट ये चीजें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग तो फेस टू फेस में हो तो इसलिए अपने को इतना इशू नहीं है, आप पूछ भी सकते हो। वीडियो वाले स्टूडेंट्स को पर्टिकुलरली समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप देखें यहां पे व्हाट वी डू इज, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखें आप, सीए फाइनल ऑडिट ओल्ड एंड न्यू रेगुलर बैच 4, इससे पहले वाली बैच जिसको 42 लेक्चर्स में कंप्लीट हुई थी, वो पर्टिकुलर बैच। ठीक है, If we see this particular thing, ये बैच के बाद में क्या क्या अमेंडमेंट हैं जो इन स्टूडेंट्स को देखना है, इस तरह की एक ट्रैकर शीट है जो आपको कहां शेयर होगी मैं बताता हूं। इसमें कुछ कुछ अमेंडमेंट्स आए बैच 4 के बाद। ये कौन से अमेंडमेंट्स थे जो बैच 4 कंप्लीट होने के बाद आए, प्लस आरटीपी नवंबर 2019 की, हर साल की आरटीपी, हर अटेम्प्ट की आरटीपी हम लोग सॉल्व करते हैं, इन दोनों के लिए ये आपका लिंक है। तो ये लेक्चर क्योंकि बहुत बड़ा नहीं था, हमने YouTube पे शेयर कर दिया। कोई चीज बड़ी होती है तो फिर आप देखें यहां पे, जैसे ऊपर इससे पहले की जो बैच थी हमारी, तो उसमें ज्यादा अमेंडमेंट्स थे, तो हमने Google Drive में उसके लिंक आपको शेयर कर दिया। इसके अलावा ICI ने 24 जून को जो कोर्स मॉडिफिकेशन किया, उसका एक वीडियो है जो मैं चाहता हूं कि एक बार स्टूडेंट वो भी देखे, तो ये यहां पे लिंक शेयर कर दिया। आया क्या समझ? इस तरह से आपको एक ट्रैकर मिलेगा जिसमें आपकी क्लास के बाद से लेके आपके अटेम्प्ट तक कौन कौन से अमेंडमेंट्स आपको देखना है वो सब वहां पे अपडेटेड रहेंगे, यानी आपको कुछ एक्स्ट्रा परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्लास के बाद जो चीज आपको एडिशनली करना है वो सब यहां पे रहेगी। यही नहीं, इसके नोट्स भी लगेंगे आपको, तो नोट्स का भी आपको यहां पे लिंक दे दिया जाएगा। तो वीडियो एंड नोट्स, ये लिंक आपको कब तक मिलेगा ये हम अपडेट करते जाएंगे इस पर्टिकुलर बैच में। तो आपका जब भी अटेम्प्ट है तब तक जितने इसमें अमेंडमेंट्स है वो आप यहां से देख लीजिए। यू हैव नो कंसर्न्स व्हाटसोएवर इन टर्म्स ऑफ एनी ऑफ दी अमेंडमेंट्स। ये शीट आपको कहां मिलेंगी, तो यू हैव एन एलएमएस फैसिलिटी विच इज व्हाट आई विल जस्ट क्विकली एक्सप्लेन, fast.edu.in आपकी वेबसाइट है। इसमें अगर आप जाएंगे, सो इन दिस पर्टिकुलर वेबसाइट देयर इज अ स्टूडेंट लॉगिन।
स्टूडेंट लॉगिन में आप जाओगे तो आपको एक स्कॉलर आईडी और एक पासवर्ड मिलेगा। अभी हम सारे स्टूडेंट्स के लिए ऑफ अ पर्टिकुलर बैच एक कॉमन यूजर आईडी और पासवर्ड यूज कर रहे हैं। अभी साइट इज अंडर अपडेशन, फिर आपके आपके पर्सनल आईडी पासवर्ड आपको मिल जाएंगे। ऐसे भी इसमें कुछ कंटेंट रहता है जो आप बेसिकली सिर्फ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, यहां पे जैसे ही आप एंटर करोगे आपको यहां पे यू विल बेसिकली गेट व्हाट डे वाइज पीडीएफ फाइल्स मिलेंगी, जिसे हम लोग बोर्ड नोट्स कहते हैं। तो इसमें आप आईडी पासवर्ड डाल के एलएमएस सेक्शन है उसमें बहुत सारी चीजें हैं, आप कहीं क्वेरी पूछ सकते हो, आपकी बैच की डिटेल्स वगैरह हैं। तो आप एलएमएस में जाओगे तो यू विल गेट अ डे वाइज पीडीएफ। ये जो चीज मैं आज आपको लिख रहा हूं यहां पे, इसकी पीडीएफ बन जाएगी और इसको हम क्या करेंगे सेम डे वहां पे अपलोड कर देंगे। तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। ये क्या है, क्लास में जो जो चीजें मैंने लिखी है, आपको कभी लगता है कॉपी में नोटिंग कहीं गड़बड़ हो गई या कभी किसी दिन आपकी क्लास छूट गई, तो यू वॉन्ट टू जस्ट बेसिकली वॉन्ट टू गेट अ डाउनलोड ऑफ दीज पीडीएफ फाइल्स। एक बार देख लिया आपको मालूम पड़ गया आज क्लास में क्या क्या हुआ, कल आप एटलीस्ट इन सीक्वेंस आ जाएंगे। तो एवरी थिंग विच आई राइट यूर विल बी शेयर्ड एज अ पीडीएफ फाइल प्लस अमेंडमेंट्स एंड अदर रिसोर्सेस। तो जो ये ट्रैकर मैंने आपको कहा, ये हम कहां पे अपडेट कर देंगे, एलएमएस में। तो आप वहां से डाउनलोड कर लो, ट्रैकर में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करो, सीधे यूट्यूब के वीडियो पे या गूगल ड्राइव के लिंक पे चले जाएगा, वहां से सारी चीजें मैनेज जाएंगी। यानी अब आपके लिए बहुत सिंपल है, अमेंडमेंट्स का आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अमेंडमेंट नॉर्मली हम क्या मानते हैं, अमेंडमेंट्स हमारी परिभाषा में क्या क्या होता है अमेंडमेंट्स में, इंस्टीट्यूट ने कोई भी मटीरियल में चेंज किया है, लॉ में कोई चेंज आया है, प्लस आरटीपी। एमटीपी हम अमेंडमेंट में कवर नहीं करते, अनलेस लगता है मुझे एमटीपी में कोई बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, तो हम एक एडिशनल क्वेश्चन बैंक बनाते हैं जो ऑडिट में तो अभी तक बनी नहीं कभी, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने कोई ऐसे क्वेश्चन अलग से दिए नहीं। एफआर में हम जरूर बनाते हैं। सो इन दैट पर्टिकुलर सेंस इफ यू सी, दिस इज द वे यू विल काइंड ऑफ हैंडल योर ऑल योर एलिमेंट्स एंड अमेंडमेंट्स लाइक ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो आई होप दिस काइंड ऑफ क्लैरिफाइज एवरीथिंग विद रिस्पेक्ट टू द बैच इन टर्म्स ऑफ कैसे क्या होगा, अपनी क्या चीजें, बेसिक आपके सारे डाउट्स इसके साथ क्लियर हो जाना चाहिए। एक आखिरी चीज टेस्ट सीरीज से रिलेटेड, फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बैच वी हैव ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड अ टेस्ट सीरीज। ये टेस्ट सीरीज दो फॉर्म में मिलेगी आपको, एक बैच के साथ और एक मैच के बाद, सेकेंड वुड बी एग्जाम से पहले। ठीक है, तो दीज आर टेस्ट सीरीज विच वी आर नाउ आई मेकिंग इट अवेलेबल फॉर एवरी स्टूडेंट, अपने जो क्लास के स्टूडेंट्स है वो भी, और दूसरे भी लेना चाहे तो ले सकते हैं। बैच के साथ वाली ऑब्वियसली अपने स्टूडेंट्स के लिए रेवेन्यू रहेगी। एग्जाम से पहले एवरी अटेम्प्ट से पहले वील लॉन्च अ टेस्ट सीरीज, जिसमें यू विल हैव डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ ऑप्शन और उसके बेसिस पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये टेस्ट अपन क्लास के साथ साथ कर लेंगे, ये आपको अलग से लेना पड़ेगा। ऑब्वियसली बात है कि देर विल बी अ सेपरेट पोर्टल फॉर दिस वेर यू कैन रजिस्टर, इफ यू आर अ फास्ट स्टूडेंट यू विल गेट सम बेनिफिट्स इन दैट, बट ये ऑल टुगेदर एक सेपरेट चीज रहेगी विच इज ऑप्शनल, इफ यू वॉन्ट टू टेक यू कैन टेक। दिस इज द वे वी आर ऑल्सो गोइंग टू हैंडल द टेस्ट, दिस इज प्योरली अप टू यू। अपने यहाँ पे कोई फोर्स ऐसा नहीं है टेस्ट आपको, आई विल मोटिवेट यू टू गिव द टेस्ट, बट इट इज प्योरली योर चॉइस वेदर यू वॉन्ट टू गिव इट और नॉट, इट प्योरली डिपेंड्स। आप तैयारी करके आओगे दोगे तो टेस्ट का मतलब भी है, चेक होने का मतलब भी है। आपको फोर्सफुली दिलवा दिया जाएगा, आप दोगे चेक करके फीडबैक भी मिलेगा, आपको भी मालूम है आपको मार्क्स नहीं आने वाले थे, कोई रियलिस्टिक बेनिफिट नहीं होने वाला। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो वाकई फील करते हैं कि यार टेस्ट होना चाहिए, ऐसे फील तो हर कोई करता है पर देता नहीं, तो आपको चाहिए तो ये बेनिफिट अवेलेबल। ठीक है, कोई और क्वेश्चन है क्वेरीज है आपकी तो पूछ सकते हैं। आई थिंक मैंने कॉम्प्रिहेंसिवली सारे मैटर्स कवर कर दिए हैं कि हम चीजों को कैसे हैंडल करने वाले। बस इसमें एक चीज ध्यान रखना, एक चीज जो मैं मिस कर गया, यू विल ऑल्सो गेट वन सेपरेट बुक विच विल बी ऑन एमसीक्यूज। नाउ व्हेन आई से एमसीक्यू, इसका मतलब क्या है, एमसीक्यू अब आपके दो तरह के आएंगे। अभी व्हाट आई हैव गॉट हियर इज एक्चुअली एन एमसीक्यू बुक, जो इसका वर्जन 2 है। आप लोगों को इस बैच में जो मिलेगा वो वर्जन 3 होगा। 2 और 3 में बेसिकली क्या फर्क है, इंस्टीट्यूट ने अपने स्टडी मटेरियल में कुछ नए एमसीक्यूज ऐड किए हैं, वो सब इसमें एडेड होंगे। प्लस कभी आपने सुना हो, कुछ समय पहले इंस्टीट्यूट एक नोटिफिकेशन लेके आया था कि एमसीक्यू जिन जिन पेपर में उसमें हम केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू पूछेंगे। व्हाट इज केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू? कुछ नहीं, एक क्वेश्चन होगा उसको आपको पढ़ना है और उसके बेसिस पे उसके ऊपर 3 से 4 एमसीक्यूज होंगे। समझे आप क्या बोला मैंने? यानी आपका वेटेज वही है, 30 एमसीक्यू और 70 विल बी फॉर डिस्क्रिप्टिव, बट 30 के एमसीक्यू में नाउ यू मे गेट वन क्वेश्चन विच इज अ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, बेस्ड ऑन दैट यू विल हैव 5 क्वेश्चंस और वो 5 मार्क का एक एमसीक्यू कहलाएगा।
अब आप बताओ ऐसे एमसीक्यू और दूसरे एमसीक्यू पढ़ने के लिए क्या पढ़ाई अलग अलग करना होगी आपको या प्रैक्टिस अलग अलग करना? इट जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। तो जो आपकी नई एमसीक्यू बुक आपको मिलेगी उसमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी इनकॉर्पोरेटेड होंगे ताकि आप उसकी भी थोड़ी प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, एमसीक्यूज हम क्लास में सॉल्व नहीं करते हैं सारे। लॉजिक ये रहेगा कि जैसे ही हमारा एक पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया, कंपनी ऑडिट फिनिश, फिर कंपनी ऑडिट के रिलेटेड सारे चैप्टर्स के एमसीक्यू, आई विल आस्क यू टू सॉल्व ऑन योर ओन। डेफिनेटली मैं एक सेशन लूंगा जिसमें कैसे एमसीक्यू अटेम्प्ट करना है, केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू क्या होते हैं, और कुछ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करके मैं बताऊंगा, अप्रोच दूंगा। बाकी वो आपको खुद सॉल्व करना है, क्योंकि क्लास में सिर्फ टाइम जाता है, उसमें कोई फायदा नहीं मिलता है वो सॉल्व करके, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स अपन कवर ऐसे करेंगे कि आप एमसीक्यू सॉल्व कर पाए। फिर आप सॉल्व कर लीजिए, इफ यू हैव एनी डाउट्स अपन ऑफलाइन उसको हैंडल कर लेंगे, बट नॉर्मली एमसीक्यू में प्रॉब्लम नहीं आता। ठीक है, चलिए तो अब अपन ये सब डिस्कस करने के बाद एक ब्रेक लेते हैं और फिर उसके बाद अपना पहला टॉपिक कंपनी ऑडिट कार्ड से शुरू कर देंगे। चलो, थैंक यू। चलिए तो शुरू करेंगे, और व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, सबसे पहले कौन सा टॉपिक कवर करना है आपको बताएं। कंपनी ऑडिट से शुरू करेंगे, लेकिन कंपनी ऑडिट समझने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक छोटी सी ऑडिट की डेफिनेशन एक बार रिव्यू करना पड़ेगी। ये डेफिनेशन हम इसलिए रिव्यू कर रहे हैं ताकि एक तो आपको ये भी याद आ जाए कि आईपीसीसी इंटरमीडिएट का आपको कितना याद है अगर कुछ है तो, और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंटली यहाँ पे हमारे कुछ ऐसे फंडामेंटल्स डेवलप हो गए दोस्तों जो बेस बनेंगे हमारे आगे के टॉपिक्स समझने के लिए। दैट इज व्हाई दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऑडिट की डेफिनेशन किसी को याद है तो बताओ। ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट वाली वो, हाँ, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। बहुत बढ़िया, ऑफ एनी एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और नेचर ऑफ बिजनेस। बहुत बढ़िया, टू फॉर्म एन एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयर ऑन। बहुत बढ़िया, ये वाली डेफिनेशन तो याद होगी सबको, शुरू शुरू में रहती है तो थोड़ा ताजा ताजा याद भी रहता है। एनीवेज, तो ये डेफिनेशन को अपने को थोड़ा सा इवैल्यूएट करना है सो दैट वी गेट अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एग्जैक्टली व्हाट एन ऑडिटर डस। ऑडिट इज द इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज और लीगल फॉर्म। व्हेन सच एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड विद अ व्यू ऑफ एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन देयरविद। ठीक है, अब इस डेफिनेशन को अगर अपन थोड़ा सा एनालाइज करें तो सबसे पहला सवाल, ऑडिटर क्या करता है? ऑडिट इज एन एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन। एग्जामिनेशन, दोनों में क्या फर्क है? एग्जामिन करना और इन्वेस्टिगेट करना, दोनों में क्या फर्क है? फ्रॉड पकड़ने के लिए कर रहे हैं। हो भी सकता है या नहीं भी है, अनसर्टेनिटी, बट इन्वेस्टिगेशन में पता है ही, घर वालों ने आपको रात को फोन लगाया रात के 11 बजे, कोई है बाहर से इंदौर के, आउट ऑफ इंदौर, ओके, ज्यादातर है, कहां से हैं आप? खंडवा। खंडवा से ये इंदौर शिफ्ट हुए, क्या नाम है आपका? आयुष। आयुष खंडवा से इंदौर शिफ्ट हुआ, और शुरू में तो बहुत याद आती थी इसको माँ की,
बाद में फोन वोन लगाने भी बंद हो गए, बहुत सेटल हो गया इंदौर, एकदम रास आ गया इनको। माने एक दिन रात को 11 बजे फोन लगाया, फोन बिजी आ रहा था, 11:30 बिजी, 12 बजे भाई का फोन उठा। मॉम ने पूछा बेटा किससे बात कर रहा था इतनी देर से, उसने बोला कुछ नहीं डाउट सॉल्व कर रहे थे, ऑडिट की बैच शुरू हुई है, कुछ क्वेश्चंस नहीं आ रहे। मॉम ने बोला सही, कुछ और बुरा तो नहीं, मतलब कोई गड़बड़ तो नहीं है, और कोई बात तो नहीं है, तबियत वबियत तो ठीक है। आयुष ने बोला अरे सब बढ़िया है मॉम, अभी नींद आ रही है, सुबह क्लास है, 7 बजे जाना अभी, रखो। मॉम यही चीज एक हफ्ते बाद दोबारा हुई, इस बार फोन डैड का था, आयुष को नहीं मालूम था, मम्मी के नंबर से आया था, उनको ही लगा 11, 11:30, 12, 12:15 तक बिजी आ रहा था, 12:30 आयुष ने लगाया। हमने बोला हाँ माता जी बोलो, सामने से आवाज आई है बाप बोल रहा हूं। आयुष घबरा गया, बोले पेरीपोना बाबू जी बोलो बताओ कैसे याद किया, किससे बात कर रहा था। नहीं नहीं बाबू जी वो कुछ डाउट शॉर्ट थे वो सॉल्व, किससे बात कर रहा था। आयुष ने था वो बंटी अपना दोस्त है उससे बात कर, नंबर दे। अरे पापा सो गया होगा, नंबर दे अभी के अभी। अब आप बताइए दोस्तों एग्जामिनेशन कौन कर रहा है। माता ने जो किया और बाबूजी ने जो किया उसमें एग्जामिनेशन किसने किया, माताजी ने, और बाबूजी क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन। ऑडिटर को किसके जैसा बनना है, माताजी जैसा, ऐसा ममतामयी ऑडिटर आपको लगता है कभी कोई गड़बड़ निकाल पाएगा। अगर आपने ऐसा ममतामयी ऑडिट किया तो कभी गड़बड़ नहीं निकलेगी। तो वेदर यू हैव टू एग्जामिन और इन्वेस्टिगेट, दोनों ये बढ़िया है। स्थिति को देखते हुए हमने पलट दिया जवाब और अब हमने बोला दोनों कर लो, कब एग्जामिन और कब इन्वेस्टिगेट बताए। ये सिचुएशन में सर इन्वेस्टिगेशन में, यानी क्या ऑडिटर इन्वेस्टिगेट भी कर सकता है, कब? बहुत बढ़िया, जब आपको लगे कि फ्रॉड के चांसेस है तब आप क्या कर दीजिए, इन्वेस्टिगेट। अदरवाइज आप क्या करिए, एग्जामिन। इस प्रोसेस को कहा जाता है प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, सुना होगा आपने ये शब्द। मैं आपके सामने एक रियल लाइफ केस रखता हूं, उससे अपन इसको समझते हैं, ठीक है। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं दोस्तों, एग्जाम में ये ना डेफिनेशन आएगी ना क्वेश्चन आएगा, बट आई बेसिकली बिलीव बिकॉज क्योंकि इंटरमीडिएट आईपीसीसी से आप आ रहे हैं, एवरीबडी कुड हैव अ डिफरेंट बैकग्राउंड एंड नॉट एवरीबडीज नॉलेज ऑफ ऑडिट मे बी इक्वली साउंड, प्लस हो सकता है अपन भूल भी गए। तो अपन ये मान के चल रहे हैं कि यार हमारा नॉलेज न्यूट्रल है, इनफैक्ट नहीं है, बहुत ज्यादा बेसिक था, इसलिए हमें बेस से चीजें लेना है। और हमारा जब तक फंडामेंटल क्लियरेंस नहीं आएगा ऑडिटर के स्कोप का, एक्सपेक्टेशन ऑडिटर से क्या होती है, हम सारे टॉपिक्स में सही कॉन्टेक्स्ट में चीजों को पढ़ नहीं पाएंगे। दैट इज वाई वी आर डिस्कसिंग दिस, सो दैट नाउ एवरीबडी एल्स एंड एवरीबडी कैन कम ऑन द सेम फुटिंग्स। सत्यम का केस सुना आपने, क्या सत्यम में ऑडिटर को दोषी ठहराया गया? यस। क्या हुआ था सत्यम में? शेल कंपनीज खोली गई थी, ओके, व्हाट एल्स? फंड पैसे इधर के उधर किए गए थे, ओके, टैक्स भी चुराया था, फर्जी बैंक अकाउंट खोले थे, क्यों? एम्प्लॉय को सैलरी एक्चुअल में नहीं थे पर खर्चा दिखाया जा रहा था, ओके, यानी अकाउंटिंग फ्रॉड था मिला जुला के। अब एक बात बताओ, आपने किसी एंटिटी का ऑडिट किया और बाद में वहां पे अकाउंटिंग फ्रॉड निकला, क्या आप जिम्मेदार हो गई या डिपेंड्स? ऐसे 240 लगेगा, करेक्ट। जो क्या कहता है, कब जिम्मेदार माना जाएगा ऑडिटर को या नहीं माना जाएगा, वेरी गुड। प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की, ऑडिटर की नहीं है फ्रॉड्स डिटेक्ट करना, तो ऑडिटर जिम्मेदार नहीं माना जाएगा, प्रोवाइडेड ऑडिटर ने अपना काम अच्छे से किया। और अच्छे का मतलब क्या होता है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म लगा के उसने अपना काम किया, यानी सूझबूझ से, समझदारी से, अगर उसने अपना एग्जामिनेशन किया ढंग से फिर भी फ्रॉड रह गया तो इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। अब ढंग से करने का मतलब क्या है, ये समझ रहे हैं, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म का मतलब समझ रहे हैं, ठीक है। सपोज मैं कहता हूं कि कई सारे अकाउंटिंग फ्रॉड्स में कई सारी जो गफले वहां पे हुए थे उनमें से एक बेसिक प्रॉब्लम क्या थी, सत्यम ने जो भी कुछ किया उसके पीछे बेसिक मोटिव क्या था,
प्रॉफिट्स बढ़ा के दिखाना, सेल्स बढ़ा के दिखाना। एक्चुअल में उसका मोटिव खर्चे ज्यादा दिखाना, पैसे बाहर निकालना, ये सब नहीं था। ये सब तो उसे मजबूरन करना पड़ा अपने मोटिव को अचीव करने के लिए। उसका मोटिव क्या था? उसका मानना था कि क्यों सत्यम की गिनती टॉप 3 आईटी फर्म्स ऑफ इंडिया में नहीं होती है, एंड वाई TCS, इन्फोसिस एंड विप्रो आर ओनली देयर, आई शुड गेट इन टू द टॉप 3 प्लेसेस। क्योंकि क्या होता है, गवर्नमेंट टेंडर्स वगैरह ये सब चीजों में क्या होता है, टॉप 3 को प्रेफरेंस दिया जाता है। तो सत्यम ने बोला कि आईटी सेक्टर उस समय क्या था, इट वॉज एक्चुअली देयर वॉज आईटी बबल बर्स्ट इन 2006-07, जिससे आईटी सेक्टर डाउनफॉल पर आया। तो सत्यम ने बोला कि यार इस समय बढ़िया मौका है, अगर मैं अपनी सेल्स प्रॉफिट ज्यादा दिखा दूं तो इन्वेस्टर मेरी कंपनी में पैसा लगाने लग जाएंगे, और अगर मुझे पैसे मिलेंगे तो मैं अपने एक्सपेंशन कर दूंगा ऑपरेशंस के, एंड आई विल रैंक अमंग्स द टॉप 3। तो उन्होंने क्या किया, अपनी सेल्स इन्फ्लेट करना शुरू करी, तो प्रॉफिट भी इन्फ्लेट होने लगे। प्रॉफिट बढ़े तो रिजर्व्स बढ़ने लगे, रिजर्व्स बढ़े तो आपको असेट साइड में भी कुछ बढ़ाना पड़ेगा। तो उसने असेट साइड में कई सारे फेक असेट्स क्रिएट किए, जिसमें उन्होंने कुछ फेक बैंक डिपॉजिट्स भी दिखाए। तो उदाहरण के तौर पे उन्होंने 3,000 करोड़ के बैंक डिपॉजिट्स, फिक्स डिपॉजिट्स दिखाए, जो एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, और ऑडिटर ने चेक भी कर दिया, और ऑडिटर ने कहा कि सब कुछ सही है। बाद में मालूम पड़ा 3,000 करोड़ का फिक्स डिपॉजिट था ही नहीं जो सत्यम ने बताया। तो पूछताछ हुई, तो सत्यम के ऑडिटर मिस्टर गोपाल कृष्णन, वन वन ऑफ द ऑडिट पार्टनर हु डिड द ऑडिट। मजे की बात यह है कि जब सत्यम का फ्रॉड 2009 में घोषित किया गया था, रामलिंगम राजू ने कन्फेस किया था फ्रॉड, उस दिन PwC जो ऑडिटर थे उनके, उनकी तरफ से उनका ऑडिट पार्टनर गोपाल कृष्णन साहब इंदौर में ही मौजूद थे, और इंदौर में उसी दिन जिस दिन यह अनाउंसमेंट हुआ था कि फ्रॉड हुआ है, उनका सेमिनार था इंदौर में, कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बड़ी भीड़ जमा हुई उनको सुनने के लिए कि समझते इन्होंने क्या कंप्लायंस किया। फिर फाइनली कैंसिल हो गया वो सेशन, बट फाइनली गोपाल कृष्णन साहब, ही वाज आल्सो द काउंसिल मेंबर ऑफ ICI एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, और इंस्टीट्यूट ने उनकी डिग्री छीन ली, उनको जेल की सजा भी हुई, जो भी है। अभी मुद्दे की बात यह है कि आप ये समझिए कि गोपाल कृष्णन साहब से ICI क्वेश्चन कर रहे हैं कि यार 3,000 करोड़ की FD और आपको मालूम ही नहीं पड़ा कि ये फेक है। अब गोपाल कृष्णन साहब का तर्क समझिए और बताइए क्या वो रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है आपके हिसाब से। उन्होंने तर्क दिया कि भाई ये जो फिक्स डिपॉजिट है ये हमने चेक किया था, हमने ओरिजिनल FD का सर्टिफिकेट भी देखा था, और उसकी कॉपी हमारे रिकॉर्ड्स में भी रखी हुई है। अब हमें क्या मालूम कि कंपनी ने फेक FD क्रिएट कर दी। वी डोंट नो दैट कंपनी हैज क्रिएटेड अ फेक फिक्स डिपॉजिट, व्हाट कैन वी डू अबाउट इट, राइट? आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। हाँ बताइए, क्या गोपाल कृष्णन साहब ने जो किया वो पर्याप्त है? नहीं, क्यों? बहुत बढ़िया, इतना बड़ा अमाउंट है तो आपको बैंक से कंफर्मेशन लेना चाहिए। मटेरियलिटी के आधार पे सिंगल एविडेंस विल नॉट बी सफिशिएंट। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म ये कहेगी कि आप इस पे एक अल्टरनेट एविडेंस और ले। तो गोपाल कृष्णन साहब ने बोला हाँ, हमने बैंक मैनेजर से कंफर्मेशन भी लिया था, ये देखिए हमारे पास उसका रिप्लाई लेटर भी है। हमने बकायदा कंफर्मेशन लिया था कि इतने की FD आपके पास है क्या, और उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ है। अब हमें क्या मालूम, बैंक मैनेजर भी मिला हुआ है। आई एम नॉट सपोज टू आइडेंटिफाई सच कनाइवेंस, ऐसी मिली भगत मैं कैसे पता करूं। आप बताइए क्या इसके बाद गोपाल कृष्णन साहब जिम्मेदार ठहराए जाना सही होंगे क्या? क्यों? अब मैं बैंक के मैनेजर से कंफर्मेशन ले रहा हूं और ओरिजिनल सर्टिफिकेट देख रहा हूं, अब इसके बाद मैं क्या करूं? अब मैं थोड़ी ना बैंक के CEO से बातचीत करूंगा, भाई मैंने ऐसे 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन के प्रॉपर प्रोसीजर्स फॉलो किए, मैंने प्रॉपर लेटर ड्राफ्ट किया, बैंक मैनेजर को एड्रेस किया, मैंने खुद ने उसे पोस्ट किया, उसका रिप्लाई डायरेक्ट मेरे पास आया, उसके लेटर हेड पर सील सिक्के के साथ आया, अब मैं और क्या करूं? तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, ऑनेस्टली स्पीकिंग यहां पे इन्वेस्टिगेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। ये ऐसा केस है कि आपको फोन लगाया सुबह और आपका फोन बिजी आ रहा था दिन के समय में, और फिर दोबारा फोन लगाया और आपसे बात हो गई, तो शायद बाऊजी भी होते तो शायद इन्वेस्टिगेट नहीं करते।
क्योंकि फ्रॉड का कोई अंदेशा अभी दिख नहीं रहा है। लेकिन हाँ, बार बार अगर आपको फोन लगा रहे हैं और हर बार बिजी आता है आपका फोन, तो इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा बनता है। तो यहां पे मुद्दा क्या बना, यहां पे एक्चुअल में आईसीआई ने बोला चलो ठीक है आपने दो एविडेंस ले लिए, एक्सेप्टेड, बट 12,000 करोड़ का ओवरड्राफ्ट था सत्यम का, उसके सामने 3,000 करोड़ की एफडी, एफडी पर ब्याज मिल रहा है 8%, ओवरड्राफ्ट पे ब्याज लग रहा है 9%। आईसीआई ने बोला क्या आपको ये इलॉजिकल नहीं लगा कि ओडी होने के बावजूद भी एफडी है? लॉजिकली कोई भी आदमी क्या करता, ओडी पे करेगा रादर देन एफडी करने की बजाय। तो उन्होंने कहा कि क्या आपको नहीं लगा ये गड़बड़ है, आपको पूछना चाहिए था। गोपाल कृष्णन साहब ने कहा हमें भी लगा, हमने पूछा भी कि यार हमें समझ नहीं आ रहा है कि आपकी ओडी और एफडी भी कैसे हो सकती है, आपको ओडी पे करना चाहिए। तो उन्होंने हमको बताया कि अगर हमने ओडी पे कर दी तो हम इस पैसे को यूज नहीं कर पाएंगे और हम यूएस में कोई एक पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स एक्वायर करने का प्लान करके बैठे, एंड दैट कंपनी इज इनटू मोबाइल सॉफ्टवेयर एंड वी वांट टू बाय दैट पर्टिकुलर कंपनी, और उस कंपनी की हालत अभी खराब है, उसके शेयर की प्राइस गिर रही है, हम सही मौके के लिए रुके हैं, जहां उसका प्राइस बॉटम पर आएगा हम उसका होस्टाइल टेक ओवर करेंगे, तब हमें फंड्स लगेंगे, और अगर हमने ओडी पे कर दी तो हमको बैंक ओडी से पैसा शेयर खरीदने के लिए विड्रॉ नहीं करने देगी। फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन वी हैव नॉट रीपेड द ओवरड्राफ्ट, ऐसा हमें मैनेजमेंट ने बताया। आईसीआई ने बोला और आपने मान लिया गोपाल कृष्णन साहब? उन्होंने बोला नहीं, देखिए हमारे पास बोर्ड का रिजोल्यूशन भी है जिसमें लिखा हुआ है दैट वी हैव डिसाइडेड दैट वी विल डू अ फिक्स्ड डिपॉजिट ऑफ दिस अमाउंट एंड वी विल नॉट यूज इट टू रीपे आर लोन्स एंड ओवरड्राफ्ट। अब अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तक ये चीज कन्फर्म करके दे रहे हैं तो अब हम कहां जिम्मेदार बचे, बताइए? क्या गोपाल कृष्णन साहब ने पर्याप्त चेकिंग करी और क्या करेगा? Even then he was held responsible because वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में ये रिजोल्यूशन पास हुआ था, उस मीटिंग में एक भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मौजूद नहीं था। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, अब आप कंपनी लॉ अगर पढ़ेंगे अभी तो अब आप समझेंगे, लिस्टेड कंपनीज में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना अनिवार्य होता है। तो उस मीटिंग में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एक भी शामिल नहीं था, और आईसीआई का यह कहना था कि यह रिजोल्यूशन पास हुआ, आपको चेक करना चाहिए था कि इस रिजोल्यूशन में क्यों एक भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मौजूद नहीं है। अगर आप इस चीज पे गौर फरमाते तो शायद आपको समझ में आता कि कहीं कुछ गड़बड़ है, और फिर हो सकता है कि आप ये भी देखते कि क्या सारे डायरेक्टर्स को बुलाया गया था या नहीं, और हो सकता है तब आपको पता पड़ता कि कंपनी ने अर्जेंटली ये मीटिंग बुलाकर किसी तरह से रिजोल्यूशन पास करके रख दिया है। अगर आप नोटिस तक जाते तो आपको मालूम पड़ता कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? यानी पहली चीज आपको क्या समझना है, दो वी डू एग्जामिनेशन बट इफ नीड बी वी मे ऑल्सो गेट इन टू इन्वेस्टिगेशन, जैसा आपने बोला। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। जब अपन स्टैंडर्ड पढ़ेंगे ना, ये टर्म आएगी, आपने सुनी भी है, एंड वील डिस्कस दिस ऑल्सो इन डिटेल, बट वाई एम टेलिंग यू इन द फर्स्ट मोमेंट इज ताकि आगे के चैप्टर्स में आपको एक बेसिक क्लैरिटी रहेगी ऑडिटर से क्या लेवल तक का स्कोप एक्सपेक्टेड। यानी दोस्तों एक चीज समझना, ऑनेस्टली स्पीकिंग, जितने आपने जवाब दिए क्या वो आप इसलिए दे पाए क्या क्योंकि आपने अभी तक ऑडिट पढ़ा है और आपको सीए वाला नॉलेज है? या वो तो कॉमन सेंस से कोई भी आदमी चेक करता तो चेक करता कि मैनेजर से पूछ लो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रिजोल्यूशन देख लो अगर ओडी के सामने एफडी, दिस इज कॉमन सेंस। शुड ऑडिटर हैव ओनली कॉमन सेंस और वी शुड हैव प्रोफेशनल लेवल ऑफ कॉमन सेंस, एंड दैट प्रोफेशनल लेवल ऑफ कॉमन सेंस इज प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। हमें एक प्रोफेशनल लेवल की जांच करनी है, ना कि सामान्य। स्केप्टिसिज्म का मतलब होता है बीइंग डाउटफुल, क्रिटिकल, यानी इवैल्यूएटिव मोड पे रहना, क्वेश्चन करना चीजों को। पढ़ा होगा आपने, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मींस हैविंग अ क्वेश्चनिंग माइंड, क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंस। मैं अभी टेक्निकल टर्म्स में नहीं जा रहा, वो अपन ऐसे में पढ़ेंगे। तो हमें वो लेवल का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है? तो पहली चीज आप बताइए, ऑडिटर से क्या एक्सपेक्टेड है, एग्जामिनेशन या इन्वेस्टिगेशन? एग्जामिनेशन, बट
when there is a need, he may also have to further investigate. This process is known as professional skepticism. अगर आप ये follow करोगे, फिर भी fraud रह जाए तो आप जिम्मेदार नहीं। नहीं किया, fraud रह गया, जिम्मेदार है। बहुत simple सा फंडा है। आप doctor के पास जाते हो दोस्तों, एक चीज समझना, इसको मैं क्यों बार-बार repeat कर रहा हूँ, क्योंकि कहीं एक basic इस तरह के doubt रहते हैं। जैसे आपने बहुत बढ़िया जवाब दिया था कि एग्जामिनेशन में हम मान के चलते हैं कि कुछ भी हो सकता है, पर इन्वेस्टिगेशन में हम मान के चलते हैं कि फ्रॉड है ही है। बिल्कुल सही है, इन्वेस्टिगेटर की अप्रोच ही है कि यहां पे कुछ गड़बड़ है, मुझे निकालना है। एग्जामिनर की क्या अप्रोच है? ऐसी नहीं है। अब समझना, सपोज आप किसी एंटिटी में गए ऑडिट करने के लिए, आपने बोला कि यार आपने फिक्स एसेट्स का वेरिफिकेशन किया है, क्या करना होता है क्या एंटिटीज को? तो कारो कभी पढ़ी हो और याद हो तो कारो का पहला पॉइंट है कि क्या कंपनी रेगुलर इंटरवल्स में फिक्स सेट्स को फिजिकली वेरीफाई करती है, इन्वेंटरी को रेगुलर इंटरवल्स में क्या फिजिकली वेरीफाई किया जाता है, ऐसे पॉइंट है कारो के पहले। दूसरे हम पूछते हैं मैनेजमेंट से, आपने फिजिकली वेरीफाई किया क्या? मैनेजमेंट ने आपको फिजिकल वेरिफिकेशन की रिपोर्ट दे दी कि देखिए हमने इस तारीख पे ये फिक्स सेट्स को ऐसे ऐसे वेरीफाई किया। मेरा सवाल आपसे यह है, क्या वो रिपोर्ट जो मैनेजमेंट ने आपको दी है, क्या आप उसे एक्सेप्ट कर लोगे? नहीं। क्यों? हो सकता है कि उन्होंने बिना चेकिंग के साइन कर दिया, पर आप ऐसा मान के ऑडिट कर रहे हो तो फिर तो आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो। अगर आप ये मान के ऑडिट कर रहे हो तो फिर तो आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, क्योंकि आप तो मान के चल रहे हो कि यार यहां पे गड़बड़ हो सकती है, तो आपको मानना चाहिए ना कि ये सही है, और कहीं कुछ गलत दिखे तो फिर आपको बोलना चाहिए कि हम फर्दर इन्वेस्टिगेट करेंगे। तुमने मैनेजमेंट को बोला यार आपने फिजिकली तो वेरीफाई किया है, पर मुझे बात करना है जिन लोगों ने वेरिफिकेशन किया। मैनेजमेंट ने बोला यार हमने बोल दिया, विश्वास नहीं है क्या आपको? बहुत बढ़िया, विश्वास होता तो फिर ऑडिट ही नहीं करते, हाथों हाथ ही खत्म कर दो। सही बात है। तो हमारा जवाब क्या होगा? हमारा जवाब होगा बात विश्वास की नहीं है, बात ड्यूटी की है। प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मींस क्वेश्चनिंग एवरीथिंग। हमारी ये जवाबदारी है कि हमें कोई एविडेंस मिले तो जब तक हम चेक नहीं करें, खुद एविडेंस नहीं ले, तब तक हम मानेंगे नहीं। आपने फिजिकल वेरिफिकेशन रिपोर्ट दे दी, थैंक यू, लेकिन ये किसने किया है वेरिफिकेशन? हम उससे इंक्वायरी कर सकते हैं। वन ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर सुना होगा आप लोगों ने, जरूरत पड़ी तो हम खुद जाके सैंपल बेसिस पे कुछ एसेट्स वेरीफाई करके आ सकते हैं। वेरिफिकेशन, दिस इज ऑल्सो एन ऑडिट प्रोसीजर। कभी जरूरत पड़ी, कोई टेक्निकल इन्वेंटरी है तो मैं एक्सपर्ट की भी मदद ले सकता हूं, और मैं ये सब करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा हूं, ये एग्जामिनेशन ही है, इसलिए ये प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। आप हमें जो दोगे, मुझे तो चेक करना है भाई, बिना चेक किए हुए मैं किसी चीज को मान ही नहीं सकता। तो अगर मैनेजमेंट आपको रिपोर्ट दे रहा है तो मैं बोलूंगा मैं चेक करूंगा, इसलिए नहीं क्योंकि मुझे मालूम है फ्रॉड हुआ है, इसलिए क्योंकि मेरी ड्यूटी है चेक करना। एक डॉक्टर के पास आप गए, आपने बोला भाई सर में दर्द है, कुछ इलाज कर दो, आप बताओ डॉक्टर क्या करेगा? दवाई दे देगा? बोलो, आप बताइए, अगर डॉक्टर आपको दवाई दे रहा है तो सही कर रहा है क्या? नहीं, पहले क्या करना चाहिए उसको? बोलेगा लेट जाओ। अब आप बताओ, डॉक्टर ने बोला लेट जाओ, चेक करेंगे, हमला क्यों? झूठ बोल रहे हैं। बोला ना सर में दर्द है, दवाई दो। डॉक्टर बोलेगा भाई तेरे सर में नहीं, सर के अंदर कोई प्रॉब्लम लग रही है, गहरी दिक्कत है। वो कभी भी दवाई नहीं देगा, वो क्या करेगा? पहले चेक करेगा। क्यों? आपने बोल दिया, उसने बोला भाई मेरी ड्यूटी है, मैं जब तक चेक नहीं करूंगा मैं दवाई नहीं दे सकता। और वो चेक करेगा तो आपने अगर सर दर्द की कंप्लेन की है तो क्या चेक करेगा? हाँ, सर ही चेक करेगा भाई। वो ज्यादा से ज्यादा आपसे पूछेगा यार आंखों के नंबर तो नहीं बढ़ गए? हो सकता है दिखा दे आपको कि भाई बताओ ये कितने हैं, कितने हैं, कितने हैं, आगे पीछे करके ये चेक कर ले। हो सकता है थोड़ी आपसे बातचीत कर ले कि यार कब सर दुखता है, ऐसी कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, कोई एलर्जी तो नहीं है। ये उसकी क्या है? प्रोफेशनल ड्यूटी एग्जामिन करने की। पर क्या वो पूरी बॉडी एग्जामिन करेगा या प्राइमरली हेडेक के लिए एग्जामिनेशन करेगा? क्या ये एक्सेप्टेबल है क्या? यस, ऑडिटर भी ऐसे ही कर रहा है। पर आपका सर दर्द ठीक नहीं हुआ और आपकी छुट्टियां बरकरार हैं और घर वाले बड़े परेशान हैं कि तू जाता नहीं है, बार बार तेरी छुट्टियां हो रही है क्लास की, आप बोलते हो सर इतना दुख रहा है क्या करें, तो डॉक्टर के पास वापस भेजा गया, उसने और स्ट्रांग दवाई दी, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। घर वालों ने बोला अब तो हम चलते हैं, हमने बोला रुको हम ही जाके आते हैं, हमने बोला क्या डॉक्टर हो यार, एक सर दर्द ठीक नहीं कर पाए।
अब आप बताइए, डॉक्टर ने बोला है आप कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह हम कराएंगे। क्यों? हमने सर दर्द में क्या ब्लड टेस्ट कराना? क्यों कराना चाहिए या नहीं? अब उसे ज्यादा डिटेल में इन्वेस्टिगेट करना। तो उसने बोला रुको, अब हम टेस्ट कराएंगे। टेस्ट कराया, रिपोर्ट आई, उसको कुछ कुछ समझ में आने लगा। फिर उसने हमसे पूछा दर्द कब होता है? सुबह शाम? हमला नॉर्मली सुबह ज्यादा होता है। उसने पूछा नॉर्मली रोज होता है या पीरियोडिकली? हमने बोला पीरियोडिकली। हमने बोला आखिरी बार कब हुआ था? हमने बताया लास्ट मंडे। हमने बोला उससे पहले कब हुआ था? लास्ट उससे पहले वाले मंडे। डॉक्टर ने पूछा संडे कहाँ जाते हो? कहाँ कहाँ जाते हैं? कुछ नहीं, बस सुबह क्लास रहती है और शाम को दोस्तों के साथ। हॉस्टल में खाना नहीं मिलता है तो कहीं चले जाते हैं। तो उन्होंने पूछा बाहर खाना खाते हैं? हमने बोला हाँ। डॉक्टर ने पूछा पीते भी बाहर है? हमने बोला मतलब? डॉक्टर ने बोला नहीं, खाते भी होंगे तो कुछ पीते भी होंगे। हमने बोला अमूल कूल बहुत पसंद है हमको। डॉक्टर ने बोला सारी रिपोर्ट है हमारे पास, ब्रांड भी बताया हमें, बकार्डी। उन्होंने बोला नहीं नहीं स्मिरनॉफ। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये प्रोसेस है दोस्तों जो ऑडिटर को फॉलो करना है। आप जब पहली बार चेक कर रहे हो, आपको बोला कि भैया वेरिफिकेशन हुआ है, आप मान सकते हो वेरिफिकेशन हुआ है, फिर भी आप चेक करोगे। पर आप ये नहीं मानोगे कि पेपर फेक बनाए गए। बट अगर आपने चेकिंग करी और आपने देखा कि यार स्टॉक में सपोज इन्वेंटरी का फिजिकल वेरिफिकेशन है और स्टॉक में क्या रखा हुआ है, स्टॉक में सपोज कंपनी के पास ऑयल रखा हुआ है और ऑयल रखा हुआ है 20,000 लीटर और फिजिकल वेरिफिकेशन जिसने किया उसने लिखा क्वांटिटी फाउंड 20,000 लीटर, तो आप समझ जाओ कि यहां पे कुछ गड़बड़ है। क्योंकि लिक्विड फॉर्म में रखी हुई चीजों का कभी भी स्टॉक एग्जैक्ट तो मैच हो ही नहीं सकता है, थोड़ा तो वेरिएशन आएगा ही आएगा। फिर आप इन्वेस्टिगेट करो कि यार ये 20,000 लीटर कैसे आया, जरा बताओ। तो हो सकता है वो बोलेगा कि यार देखो हमारा ये जो टैंक है ये 30,000 लीटर का, इसमें हाइट इतनी थी, इसके बेसिस पे हमने मेजर किया, तो हमारा जो हमारे हिसाब से कैलकुलेशन आया वो 19,900 लीटर आया, 100 लीटर का परमिसिबल वेरिएशन मान के हमने मान लिया। ये वर्किंग हुई तो शायद हम मान लेंगे एक्चुअल में वेरिफिकेशन हुआ है। पर अगर वो बोले नहीं एग्जैक्ट 20,000 आया, यानी हम बोलेंगे बॉस गड़बड़ है, लाओ हम खुद जाके वेरीफाई करेंगे। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्लीज गेट द अप्रोच राइट। आप रियल लाइफ में भी ऑडिट करने जा रहे हो तो ए आपको ये नहीं मानना है कि मैनेजमेंट आपको गलत दे रहा है, बी आपको ये भी मानना है कि जो भी मैनेजमेंट देगा जब तक मैं खुद एविडेंस उसके इकट्ठे नहीं करूंगा मैं नहीं मानूंगा कि वो सही है। सी इस प्रोसेस में अगर मुझे कहीं कोई गड़बड़ मिली तो मैं फर्दर इन्वेस्टिगेट करूंगा। इस होल प्रोसेस को क्या कहते हैं? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। ऐसे ऑडिट होगा। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? कोई डाउट नहीं है इसमें? ठीक है भाई, ओके। एनी डाउट्स इन दिस प्लीज आस्क। सेकंड, चेक क्या करना है मुझे? व्हाट डू आई हैव टू चेक? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो जो मैं अभी बात कर रहा था कि हमारी कंपनी के कंट्रोल्स थोड़े खराब है, क्या मुझे वो चेक करने की जरूरत है? इंटरनल कंट्रोल्स। बेसिक क्वेश्चन, आप अगर इंटरमीडिएट पास करने के बाद आर्टिकलशिप के लिए कभी अगर बाहर जाते बिग फोर वगैरह में, तो उनके इंटरव्यू का एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इज एन ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल टू चेक इंटरनल कंट्रोल्स? चलो उस पर आते हैं, उससे पहले बताओ इंटरनल कंट्रोल क्या होता है? बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये बेस बनेगा आगे सारी चीजों को समझने के लिए। इंटरनल कंट्रोल क्या होते हैं, किसे कहते हैं इंटरनल कंट्रोल? एक्सीलेंट। पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स टू प्रिवेंट डिटेक्ट करेक्ट। टेक्निकली हम कहते हैं पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स टू प्रिवेंट और डिटेक्ट एंड करेक्ट फ्रॉड्स एंड एरर्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये तो टेक्निकल डेफिनेशन हो गई, राइट? क्या ये इंटरनल कंट्रोल मुझे चेक करना है? जैसे सपोज फॉर एग्जांपल अपन कोई एयरलाइन का ऑडिट कर रहे हैं, आप बताइए एक एयरलाइन इंडिगो एयरलाइंस की क्या इंटरनल कंट्रोल होंगे क्या? कुछ बोलो। हाँ, दो एग्जांपल ले लेता हूं मैं आपको। एक अगर इनका इंटरनल कंट्रोल है कि भाई कोई भी फ्लाइट शुरू होने से पहले उसका एक इंस्पेक्शन होता है, जिसमें एक इंडिपेंडेंट आदमी, उनकी ही कंपनी का एक आदमी आएगा और वो चेक करेगा कि भैया टायर में हवा सही है, बराबर फ्यूल व्यूल भरा है, ऐसा नहीं रास्ते में रुक जाए, एयर प्रेशर चेक करेगा, इंजन चेक करेगा, सारे इक्विपमेंट्स प्रॉपर परफॉर्म कर रहे हैं, फिर वो सर्टिफाई करेगा दिस फ्लाइट इज ओके फॉर बींग डिबोर्डिंग और उसके बाद में फिर वो अलाउ करेगा, उसके बाद ही हमारी फ्लाइट उड़ेगी। दिस इज एन इंटरनल कंट्रोल, यस और नो? यस और नो?
प्लस इनका एक और इंटरनल कंट्रोल है कि भाई अगर हम कहीं भी कोई भी एक से फॉर एग्जाम्पल एयरक्राफ्ट खरीदेंगे या कोई भी एसेट फर्नीचर सॉरी कोई भी एसेट या कोई भी गुड्स परचेज करेंगे तो उसके लिए हम पहले क्या करेंगे, पेपर में ऐड देंगे, टेंडर्स इनवाइट करेंगे, कोटेशन आएगी, कोटेशन हम एक साथ खोलेंगे, उसके बाद में लोएस्ट कोटेशन जो होंगे उनसे फर्दर निगोशिएट करेंगे, फिर परचेज ऑर्डर बनाएंगे, फिर डिलीवरी लेंगे, फिर पैसे देंगे। ये भी एक इंटरनल कंट्रोल है। आपको इन दोनों में से कौन सा कंट्रोल चेक करना है? दोनों, सिर्फ परचेज वाला या कोई भी नहीं? क्वेश्चन आ गया समझ में? अरे बोलो, विच कंट्रोल डू यू हैव टू चेक? परचेज वाला, क्यों? फाइनेंशियल है वो भाई। क्राफ्ट का उड़ने से रिलेटेड प्रैक्टिकली देखा जाए तो वो कंट्रोल मेरे लिए कोई डायरेक्ट रेलेवेंस नहीं रखता एज एन ऑडिटर। हालांकि वो भी एक क्रिटिकल कंट्रोल है बट डज नॉट अफेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बट परचेज वाला तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अफेक्ट करेगा। सही है। अगला सवाल, आप इंडियन एयरलाइंस का ऑडिट कर रहे थे और आपने देखा वहां पे परचेज पे कोई ऐसा कंट्रोल नहीं है। वहां एक परचेजिंग मैनेजर है जो पिछले 10 साल से परचेजिंग मैनेजर है। वो बोलता भैया मुझे सब मालूम है कहां क्या सस्ता और अच्छा मिलता है, मैं वहां से खरीद लेता हूं। हम ना टेंडर मंगाते हैं ना खुलवाते। अब आप बताइए क्या इंडियन एयरलाइंस में इंटरनल कंट्रोल में प्रॉब्लम है परचेज में? बोलो, क्या आप रिपोर्ट कर पाओगे कुछ? एक जगह कंट्रोल है, एक जगह नहीं है। अब आप बताओ एज एन ऑडिटर क्या होगा? ए, इंडिगो में आपने चेक किया, बढ़िया कंट्रोल था। बी, इंडियन एयरलाइंस में आपने देखा तो परचेज पे कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है, कोई पॉलिसी और प्रोसीजर ही नहीं है फ्रॉड और एरर डिटेक्ट करने की, सेफ गार्डिंग ऑफ असेट्स की। आप बताइए क्या आप इंडियन एयरलाइंस में रिपोर्ट कर दोगे? नहीं। क्यों? देखो 144 अभी नहीं जाते अपन सेक्शन 144 पे, दैट इज अदर सर्विसेज है ना। वो तो इंटरनल ऑडिट एक अलग चीज होगी। स्कोप की बात करते हैं, क्या ऑडिटर का काम है इंटरनल कंट्रोल चेक करना, उस पर रिपोर्ट करना? नहीं, तो फिर चेक ही क्यों कर रहे हो अगर इंडिगो? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऑडिट प्रोसीजर्स चेंज हो जाएगी, क्या मतलब इसका? वेरी गुड, अगर कंट्रोल्स नहीं है तो मुझे प्रोसीजर्स क्या करना पड़ेंगे? डिटेल में लगाना पड़ेंगे। शाबाश, राइट? और अगर कंट्रोल्स हैं तो मैं प्रोसीजर्स कम भी लगा सकता हूं। वेरी गुड। हेलो, यानी इंडियन एयरलाइंस में मुझे परचेज ज्यादा गहराई में चेक करना पड़ेगी, लेकिन इंडिगो में एक बार कंट्रोल सेट हो गए तो मैं कम सैंपल साइज लेके भी चेकिंग करूंगा तो सेटिस्फाइड रहूंगा। तो इसके बेसिस पे मेरे क्वेश्चन का फाइनल आंसर दीजिए, should an auditor or is an auditor responsible to check internal controls? Yes or no? One word answer. Is an auditor responsible to check internal controls? Yes. Second, is an auditor responsible to report deficiencies in internal controls? Is an auditor responsible to report deficiencies in internal control? रिपोर्ट करना पड़ेगा किसको? देखो, मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना और शेयर होल्डर को रिपोर्ट करना दोनों में फर्क है। ऑडिट रिपोर्ट में कब आता है? जब शेयर होल्डर को रिपोर्ट कर रहे हैं। मैनेजमेंट को इंटरनली आपको जो रिपोर्ट करना है करो, कोई मना नहीं है। जब मैं पूछ रहा हूं रिपोर्ट करना है तो मैं किसके लिए पूछ रहा हूं, मैनेजमेंट या शेयर होल्डर? रिपोर्ट में लिखना है यानी शेयर होल्डर को, स्टेक होल्डर को क्या उसमें लिखना होगा? यस और नो? नहीं। हेलो, अरे हेलो, वहां बताने की जरूरत नहीं। यानी आंसर ए, क्या इंटरनल कंट्रोल चेक करना जरूरी है? यस। बी, क्या इंटरनल कंट्रोल की डेफिशिएंसीज रिपोर्ट करना जरूरी है? नहीं। तो क्यों इंटरनल कंट्रोल चेक कर रहा हूं मैं? ताकि डेफिशिएंसीज हो तो प्रोसीजर बढ़ा दे। यानी इंटरनल कंट्रोल चेक करने का सिर्फ एक उद्देश्य है, क्या? टू चेक वेदर देर आर डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल, अकॉर्डिंगली आई हैव टू डिसाइड माय टेक्निकली जो अपन बोलते हैं नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। लो भाई, अग्रीड है सबको? हेलो, चलिए। तो अगर आपने ऐसा जवाब दिया है तो अब इसके बेसिस पे लेट मी आस्क यू समथिंग। तो हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या मुझे चेक करना है।
और फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या चेक करना, और उसमें सबसे पहला सवाल मेरे सामने आया है इंटरनल कंट्रोल। अब मैं आप इंटरनल कंट्रोल का आपके सामने एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल इस तरह की एक दुकान है, इंदौर में अगर आप घूमे फिरे हैं तो 56 दुकान गए क्या कभी? और जो रोज अरे इतना भी नहीं जाना रे, अच्छा ऑफिस हो तो ठीक है, मतलब वहां कोई पान की दुकान में जाते हैं। तो जॉनी हॉटडॉग खाए होंगे कभी आपने, जॉनी भाई के हॉटडॉग एकदम हॉट सेलिंग आइटम है उबेर ईट्स पे, है ना। तो जॉनी भाई के जो हॉटडॉग्स होते हैं बड़े फेमस है, और ये कैसा है जो लोग इंदौर नहीं आए वो आए तो जरूर खाएं एक बार, पर मैं आपको थोड़ा बताता हूँ, ये पिक्चर देखेंगे आप विजुअलाइज कर पाएंगे। एकदम रोड साइड में शॉप है उनकी, वहां पे बढ़िया ऐसी खुली सी शॉप है, और बढ़िया आप वहां पर जाइए और बोले कि जॉनी भाई हॉटडॉग बनाइए, और वो बढ़िया आपको एक मिनट में हॉटडॉग रेडी करके दे देंगे। और एक समय पे उनकी दुकान के बाहर ऐसे 10 20 25 लोग हमेशा आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो एक बार आप गए जॉनी भाई के यहाँ पे, आपने पार्टी रखी सीए बनने के बाद, दोस्तों ने बोला पार्टी दे पार्टी दे, हमने बोला यार कहाँ दे, तो हमने बोला हॉटडॉग ही खिला देते हैं, 20 रुपए का तो एक है, कहाँ दिक्कत है, कितने खा लेंगे। तो दोस्तों ने भर पेट एकदम लपेट के खाया, और करीबन 5,000 का हमारा बिल हो गया, 4-5 से कम किसी ने नहीं खाया, 2-4 तो पैक भी करा के ले गए। तो हमने सब मिला जुला के कुछ 200-250 हॉटडॉग खा लिए और 5,000 का बिल बन गया। जॉनी भाई को हमने पैसे दिए, जॉनी भाई हमको बचपन से जानते हैं, जॉनी भाई ने हमको बोला यार क्या बात है पार्टी शार्टी हो रही है कोई खुशखबरी? हम ला कुछ नहीं, जॉनी भाई सीए कर रहे थे, सीए बन गए उसकी पार्टी दी। जॉनी बोला अरे वाह यार बधाई हो सीए बन गए बड़ी बात। जॉनी भाई ने बोला यार ऐसे है ना हमको भी ऑडिट वॉडिट तो नहीं कराना है यार, हमारा कोई सीए है नहीं, अगर कराना हो तो बता दो यार तुम ही कर देना, बचपन से आ रहे हो जानते भी हो। हम ला यार जॉनी भाई कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ऑडिट 2 करोड़ के ऊपर अगर आपकी सेल्स हो तो कराने की जरूरत है, अदरवाइज आपको कराने की जरूरत नहीं। जॉनी भाई ने बोला फिर तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारी सेल्स तो महीने में 1-1.5 करोड़ ही होती है, 1-1.5 करोड़, इससे ज्यादा महीने की सेल नहीं। हमला कितनी? बोला 1-1.5 करोड़ महीने की। हमला महीने की 1-1.5 करोड़ सेल, हमको भी मन में सवाल उठा कि सीए क्यों किया, अंडा क्यों बना लेते हैं। हमला जॉनी भाई ऐसे तो आपकी साल की सेल्स तो 10-12-15 करोड़ होगी। उन्होंने बोला हाँ यार 15 करोड़ तो हो ही जाती है। हमला आप ऑडिट नहीं करा रहे क्या कर रहे हो, कराना पड़ेगा। उन्होंने बोला यार मालूम नहीं था। हाँ तो आज हमें ऑडिटर अपॉइंट कर दिया गया वहीं के वहीं। अगले दिन हमने बोला यार पहला ऑडिट है बढ़िया अच्छे से करना है। अच्छा आप क्या ऐसे क्या मन क्या है तुम लोगों का आगे जाके जीवन में, प्रैक्टिस में जाने का है जॉब में जाओगे? प्रैक्टिस बोले सर बहुत बढ़िया, वो तो सिंपल फंडा है, पहले जॉब का ट्राई करेंगे, नहीं लगी तो प्रैक्टिस, नहीं जमी तो कोचिंग। तो अभी अपन ने क्या किया भाई, अपन ने डिसाइड कर लिया कि यार अपन क्या करेंगे अपन तो, अरे मेरी लग गई थी, है ऐसे मत देखो ऐसे क्रिटिकली, मैंने अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया आपको पर ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने ऑडिट अगले दिन शुरू कर दिया। हमने यार पहला ऑडिट कर रहे हैं, अच्छा बढ़िया शिद्दत से एकदम शानदार करेंगे। हमने सबसे पहले हम क्या हुआ, जॉनी भाई की दुकान के बाहर खड़े होकर हम 2 घंटे वहां खड़े होकर ऑब्जर्व कर रहे हैं, हमने कुछ देखा और देखते ही रह गए। हमने जॉनी भाई को फोन किया, हमने बोला कहाँ हो अभी के अभी मिलो। उन्होंने बोला क्या हो गया, हमने बोला अभी के अभी मिलो। जॉनी भाई आए, हमने बोला जॉनी भाई आपको एक ऐसी चीज बताएंगे आप सुनोगे आपके कान खड़े रह जाएंगे, यू विल नॉट बिलीव समथिंग लाइक दिस इज हैपनिंग विद यू। जॉनी भाई ने बोला क्या हुआ बता दो सही। हमला आपको विश्वास नहीं होगा, आपके पांव तरे धरती खिसक जाएगी आपको जब मालूम पड़ेगा ऐसा। हमला बता दो सही क्या हुआ। हमने बोला आप सुन नहीं पाओगे, दिल थाम लो अपना। जॉनी भाई ने बोला यार बोल यार। हमला जॉनी भाई आपके यहां 10 लोग हॉट डॉग खाते पैसे सिर्फ 8 देके जाते हैं, 2 लोग खाते यू ही निकल जाते हैं। जॉनी भाई ने बोला क्या बात कर रहा है। हमला हमको मालूम था ऐसा ही रिएक्शन आएगा आपका। उन्होंने बोला हाँ क्योंकि हमको लगता था 6 ही लोग देते। हमला है बोला हमको लगता था 4 लोग ऐसे ही खा के जाते हैं, पर तुमने बताया 8 लोग पैसे देके जा रहे हैं तो ये तो बहुत खुशी की बात है। हमला जॉनी भाई आपको मालूम है? बोला हाँ मुझे तो पता है, उस दिन तुमने भी 5,000 रुपए दिए 250 हॉट डॉग्स के, एक्चुअल में तुमने 265 हॉट डॉग्स खाए थे, 15 के नहीं दिए तुमने। पर हमने बोला यार कहाँ बोलेंगे। हमला जॉनी भाई यू नो दिस ऑल्सो। हमला जॉनी भाई पर गलत हो रहा है, रिपोर्ट करना पड़ेगा। जॉनी भाई ने बोला क्या रिपोर्ट करना है, रिपोर्ट में क्या लिखना है।
अमला आपके कंट्रोल्स खराब है। तो जानी भाई ने बोला पर बैलेंस शीट पीएनएल तो सही है। अमला यार कैसे सही है? उन्होंने बोला पैसे ना मैंने कस्टमर से लिए ना मैंने सेल बुक करी, तो सही तो है। अब आप बताओ क्या करोगे? ए, क्या इंटरनल कंट्रोल में डेफिशिएंसी है? है। बी, क्या आप इसे रिपोर्ट में रिपोर्ट कर सकते हो? इसका जवाब तो डिपेंड करेगा कि ये फाइनेंशियल अफेक्ट कर रहा है या नहीं। क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है? क्यों? प्रॉफिट कम दिखा रहे हैं या कम हो रहा है? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत कैसे हुए? भाई मैंने फास्ट का एक ऑडिटर अपॉइंट किया, मैंने आपको अपॉइंट किया, नाम बताया आपका? मिनर्वा। मिनर्वा को मैंने ऑडिटर अपॉइंट किया और मिनर्वा ने जब ऑडिट किया तो उसने देखा कि सर आपकी हमने देखा है कि कुछ पेन ड्राइव में आपने डिस्काउंट दिया है स्टूडेंट, जबकि जरूरत ही नहीं है, बच्चे ऐसे ही ले रहे बिना डिस्काउंट के, तो नुकसान हुआ है सर आपका, तो हम तो रिपोर्ट करेंगे कि आप प्रॉफिट ज्यादा कमा सकते थे, आपने बेवजह डिस्काउंट दिया। मतलब यार जरूरत ही बच्चे थे। नहीं सर कुछ नहीं है, आपका नुकसान हुआ है, हम तो रिपोर्ट करें। मतलब यार मुझे देना है डिस्काउंट, मेरी इच्छा नहीं, प्रॉफिट कम हुआ है आपका। क्या सेल जितनी है उससे कम दिखाई जा रही है या जो है वही बताई जा रही है? पर क्या सेल ज्यादा हो सकती थी? हाँ, पर क्या हुई? तो ये ऑडिटर कैसे रिपोर्ट कर सकता है कि आप ज्यादा पैसे चार्ज कर सकते थे आपने नहीं किए? भाई लॉस एज इन क्या? परचेज मेरी पूरी दिखाई हुई है, सेल्स मेरी जितनी हुई है उतनी दिखाई हुई है, अपने आप मेरा क्लोजिंग स्टॉक तो है नहीं हॉट डॉग बेचने में, अपने आप जितनी परचेज है पूरा कंज्यूम्ड हो गया, पूरा खर्चा दिख गया। भाई होगा तो क्या होगा, 31 मार्च को थोड़ी बहुत बन टिकिया रखी हुई है उसका स्टॉक होगा, क्या मटीरियल कुछ नहीं है। भाई ऐसा तो है नहीं कि मैंने जितना बेचा है उतने का ही कंजम्पशन दिखाया, तो चलो माना गलत है, बट आप समझो ना हॉटडॉग का बिजनेस है, अब इसमें ऐसा तो होगा नहीं कि अपन ने 100 बन खरीदी तो 100 की सेल दिखाई होगी, जो खरीदा पूरा खर्चा, जो बिका पूरी इनकम। बताए जानी भाई का कहना है गलत क्या है? माना हमारे कंट्रोल खराब है, बट हमारे फाइनेंशियल्स तो सही है, आप रिपोर्ट नहीं कर सकते। उनका कहना है अच्छा आएगा, आप काम करो, आप बताओ एज एन ऑडिटर, आप बोल रहे हो ना गलत है, तो सही करने के लिए क्या करूं बताओ, कोई सजेशन दे सकता है सुधारने के लिए क्या कर सकते हैं बताएं? टोकन सिस्टम चालू कर दो, कोई आदमी आएगा पहले पैसे देगा टोकन लेगा, फिर टोकन देंगे सामान लेंगे, तो इससे क्या होगा, चोरी पकड़ में आ जाएगी। हमने बोला ऐसा शुरू कर दो, जॉनी भाई ने बोला हमने किया था, और जब हमने ये शुरू किया था तो सेल ही आधी हो गई थी। क्यों सेल आधी हो गई थी? जॉनी भाई ने बोला हमारे हॉट डॉग में ऐसा कोई टेस्ट नहीं है जो दूसरा नहीं दे सकता, आदमी हमारे यहां पे सिर्फ हमारे टेस्ट के कारण नहीं आता है, वो हमारे यहां इसलिए आता है क्योंकि वो बोलता है जॉनी भाई दो हॉट डॉग देना और 30 सेकेंड में उसके हाथ में हॉट डॉग आ जाता है। लोगों को दूसरे के लिए रुकना पसंद नहीं है, समय की कीमत समझना है तो उस बाइक सवार से समझो जो क्रॉसिंग क्रॉस कर रहा है येलो लाइट पर। देखा आपने कभी येलो लाइट अगर हो रही है और आप एकदम बाइक पे जा रहे हैं तो आपको एकदम से एक मिनट की कीमत समझ में आती है और यूं निकालते हो कि एक मिनट नहीं खराब हो जाए, क्योंकि अपने को किसी और के लिए रोकना, कोई रोक रहा अपने को पसंद नहीं, भले अपन बाद में वहां नीचे 10 मिनट गप्पे मार लेंगे पार्किंग में, तो आदमी को रुकना पसंद नहीं। तो हमारे यहां आता है उसको क्या होता है 30 सेकंड में उसके हाथ में हॉट डॉग आ जाता है, मैंने टोकन सिस्टम लगा दिया तो ये 30 सेकंड की वजह उसको 3 मिनट लगेंगे हॉट डॉग लेने में, हमारी सेल ऐसी कम हो जाएगी। मैकडीज पूरा इस एक लॉजिक पे बना है दोस्तों, मैकडी का जो कॉन्सेप्ट था उनका एक कॉन्सेप्ट था कि आदमी यूएस में क्या होता है लॉन्ग डिस्टेंसेस होते हैं ट्रेवल करने को, तो उन्होंने क्या किया मैकडीज ने फास्ट फूड का पूरा कॉन्सेप्ट ही इससे पैदा हुआ, उन्होंने पेट्रोल पंप पर अपना स्टेशन बनाया। उसने बोला कि यार मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है मैं स्टोर्स बनाऊं, तो उसने बोला पेट्रोल पंप पे आदमी जब तक गैस फ्यूल स्टेशन पे गैस भराता है
तब तक वो खाली खड़े रहता है। और खाना एक ऐसी चीज है दोस्तों जो आपको सामने दिखेगा तो भूख लग जाती है। तो उसने पेट्रोल पंप वालों को कहा, गैस स्टेशन वालों को, कि यार आप मुझे छोटी सी जगह दे दो, यहां पे आई विल कीप रेडीमेड बर्गर्स। जब तक आदमी पेट्रोल भरा रहा है उतने समय में आपका बर्गर तैयार है। तो आदमियों ने देखा कि यार हाँ यार यहाँ बर्गर मिल रहा है, चलो रस्ते में जाना ही है। उसने ऑर्डर करना शुरू कर दिया, वो उसको रेडीमेड बर्गर को वहां गर्म करके देने लग गया। इससे इतनी बड़ी मैकडीज की चेन बन गई। जॉनी भाई उसी लॉजिक पर काम कर रहे हैं, फास्ट फूड आई हैव टू सर्व इट वेरी फास्ट, ओनली देन आई विल बी एबल टू मेक सेल। वो बोल रहे हैं मेरे बिजनेस, मैं समझता हूं ना इसमें माल कैसे बेचना है, हमने हमारे मार्जिन ही ऐसे रख रखे। अगर मेरे यहां चोरी जीरो हो तो मैं 15 रुपए में भी बेच सकता हूं, मुझे मालूम है चोरी ज्यादा होती है, तो मैंने 25 रुपीज प्राइस कर दिए। मैं पैसे यहां से निकालू या वहां से मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। कस्टमर खुश होता है कि मैंने 2 फ्री के खा लिए, उसको क्या पता कि मैंने उससे 3 के पैसे ज्यादा ले लिए। समझ आ रही है आपको बात? और उन्होंने कहा कि आप, हो सकता है आपने ये सिस्टम बता भी दिया कि भाई टोकन बना लो, पर टोकन में भी तो हो सकता है टोकन लेने वाला फ्रॉड कर दे। हो सकता है आप मुझे एक सिस्टम बता दो कि आप एक आदमी खड़ा रख दो कि भाई टोकन मत लो, आदमी आएगा लेगा और एक खड़ा रहेगा मॉनिटर करेगा कि ज्यादा लिए तो वो टोक देगा। पर आप बताओ आपने 250 हॉट डॉग खाया, अगर मैं आपको टोक देता कि यार 15 के पैसे कम दिए, शायद आप शर्म के मारे अगली बार नहीं आ पाते। तो हम तो कस्टमर में बिलोंग करते हैं, बिलीव करते हैं, कस्टमर हमारे यहां आते रहे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप बताओ एज एन ऑडिटर क्या करोगे आप? अगर आप रिपोर्ट करोगे डेफिशिएंसी आप फंस जाओगे, आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि इंटरनल कंट्रोल कौन समझता है, मैनेजमेंट का डिसीजन है उसे कैसे रखना है। नाउ आर यू रिस्पॉन्सिबल टू रिपोर्ट और नॉट? आ रहा भाई क्वेश्चन? देखो फाइनेंशियल गलत होते तो बात ही खत्म हो गई है ना। जैसा आपने कहा अगर ऐसा होता कि भाई आप स्टॉक दिखाते हो और आप अपनी क्या करते हैं परचेज शो कर रहे हो, स्टॉक दिखा रहे हो जबकि है ही नहीं स्टॉक, तो रिपोर्ट करना है। पर ये एग्जाम्पल में ऐसा कुछ भी नहीं है, वेदर यू विल रिपोर्ट और नॉट। सो द आंसर इज ऑडिटर चेक्स इंटरनल कंट्रोल ओनली टू आइडेंटिफाई द नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स टू बी अप्लाइड, नॉट फॉर द पर्पज ऑफ रिपोर्टिंग डेफिशियंसी। पर यह मान्यता कंपनीज एक्ट 2013 ने बदल दी। कंपनीज एक्ट 2013 ने बोला कि कंपनी एक ऐसा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे पैसा किसी का है और मैनेज कोई और कर रहा है। जॉनी भाई में और कंपनी के ऑडिट में एक फर्क है, वो प्रोपराइटरशिप है, वहां जिसका पैसा है वही मैनेजर है, उसको सब पता है। आप मैनेजमेंट को बता दो आपने ओनर को बता दिया, पर कंपनी में ऐसा नहीं है। दैट इज वाई कंपनीज एक्ट में सेक्शन 143 पावर्स एंड ड्यूटी सबसेक्शन 3 के क्लॉज आई में अब कह दिया गया है That auditors also responsible to report on internal financial controls over financial report. और अब कंपनी से क्या कहता है कि अगर आपके इंटरनल कंट्रोल में डेफिशिएंसी है पर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट गड़बड़ नहीं है तो भी आपको रिपोर्ट करना होगा। ये बोल के नहीं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है, ये बोल के कि इंटरनल कंट्रोल में डेफिशिएंसी है। क्यों? क्योंकि पैसा किसका है? शेयर होल्डर। मैनेजमेंट बोलता है भाई मुझे ये कंट्रोल नहीं रखना क्योंकि मेरी सेल अफेक्ट हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम रिपोर्ट करेंगे। शेयर होल्डर तक ये बात चले जाए, शेयर होल्डर भी बोले हाँ चलेगा, मैनेजमेंट ने कंट्रोल नहीं रखा है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमें फिर कोई इश्यू नहीं है, पर हमें रिपोर्ट तो करना पड़ेगा। और क्या ये रिपोर्ट हम मानेंगे? क्वालिफाइड रिपोर्ट है, मॉडिफाइड रिपोर्ट है, ओपिनियन के लिए नहीं। ये एक एडिशनल कमेंट है जो किस पे जा रहा है? इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स पे। समझ में आया सबको? ये क्यों पढ़ रहे हैं अपन पहले दिन ये समझ में आ रहा है, ताकि आपको कॉन्टेक्स्ट क्लियर रहे। देखो दोस्त, स्कोप समझ में आएगा ना ऑडिट का क्या है, तो सारी चीजें आप अच्छे से उस तरह से आंसर दे पाओगे। ये बेसिक ही अगर आपके क्लियर नहीं है तो ये ऐसी चीजें हैं दोस्तों जब आपने पहली बार ऑडिट पढ़ा होगा तो आपके मन में शायद आई होंगी, पर वो फिर क्या होता है अपन थ्योरेटिकली चीजें पढ़ने लग जाते हैं इस तरह से, तो फिर ये सब चीजें अपन साइड में कर देते हैं और अपना फोकस डेफिनेशन टर्मिनोलॉजी पे हो जाता है। ये सही होगा ना तो ऑटोमेटिकली एग्जाम में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन के आंसर्स की आपकी ड्राफ्टिंग भी सही आएगी। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? लेट्स कंक्लूड। ए, इंटरनल कंट्रोल चेक करना है क्विक। यस, क्यों करना है? टू डिटरमाइन नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। इफ यू आइडेंटिफाई डेफिशिएंसीज डू यू हैव टू रिपोर्ट? यूजुअली नो, बट इन केस ऑफ कंपनीज यस। सेम प्रोविजन ऑल्सो अप्लाइज इन बैंक्स, सेम प्रोविजन ऑल्सो अप्लाइज इन गवर्नमेंट ऑडिट, पीएसयू ऑडिट, क्योंकि वहां पे भी पैसा किसी और का है, मैनेज कोई और का। तो कुछ कुछ एंटिटीज में ये रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है, हर जगह ये नहीं। समझ में आ गया भाई सबको? बट इन एनी केस हमें सिर्फ कौन से कंट्रोल से मतलब है? इंटरनल कंट्रोल रिलेटिंग टू फाइनेंशियल्स। यानी इंडिगो एयरलाइंस में जो आपकी
एरोप्लेन की टेस्टिंग है बिफोर द फ्लाइट, दैट इज नॉट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर, पर परचेज की टेस्टिंग करना है ऑडिटर की जिम्मेदारी है। आईपीसीसी में एक बार सवाल पूछा था, एक कंपनी है जिसमें कैश का फिजिकल वेरिफिकेशन कभी भी नहीं हुआ, एक कंपनी है जिसने कभी भी कैश का फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं किया, लेकिन ऑडिटर ने मल्टीपल टाइम्स सरप्राइज चेक किए पर कभी भी कैश में कोई डिफरेंस नहीं निकला, तो बताइए आप एज एन ऑडिटर कैसे रिपोर्ट करोगे। क्वेश्चन आया, कंपनी कभी कैश वेरीफाई नहीं करती है, आपने मल्टीपल टाइम चेक किया पर कभी भी बुक और एक्चुअल कैश में डिफरेंस नहीं आया, अब आप बताओ आप क्या करोगे। तो हमारा आंसर नॉर्मली बनेगा कि ऑडिटर को रिपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, पर अब कंपनीज एक्ट में क्योंकि अमेंडमेंट हो चुका है इसलिए हमें लिखना पड़ेगा कि क्योंकि ये कंपनी है इसलिए हमें रिपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये फाइनेंशियल कंट्रोल है। आया वही समझ में आया सबको, बोलो इज दिस क्लियर? ठीक है, तो दिस आंसर्स आर फर्स्ट क्वेश्चन। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में अपने को क्या क्या पढ़ना है, चार चीजें मैं आपसे पूछ रहा हूं ताकि कॉन्सेप्ट अपना क्लियर हो। इंटरनल कंट्रोल पहला एस्पेक्ट अपन ने डिस्कस किया, दूसरा लॉज एंड रेगुलेशन। शुरू में मैंने एक छोटू वाला एग्जाम्पल पूछा था आपसे, आप कहीं काम कर रहे हो और आपने देखा कि वहां पे छोटू चाय लेके आए, आप ऑडिट करने गए, सबसे पहले बताओ ऑडिट शुरू करते हो तो कहां से शुरू होता है, फर्स्ट थिंग व्हेन यू गो फॉर एन ऑडिट शुरुआत कहां से होती है बताइए। ऑब्जर्वेशन, स्क्रूटनी करते हैं, एक बार फाइनेंशियल्स की स्क्रूटनी करते हैं, गलत, चाय, लेट्स बी प्रैक्टिकल यार, कम ऑन, शुरू कहां से होता है ऑडिट, चाय से। सर क्या कर रहे हो यार, हम गए हमने बोला यार पहले चाय मंगा फिर शुरू करेंगे, बोला छोटू चाय लेके आना, छोटू आया चाय लेके, इतना छोटा, हमने बोला तो चाइल्ड लेबर बाल श्रमिक है, छोटू ने बोला आप क्या करें, करना पड़ता है, हमने बोला रिपोर्ट कर देंगे, मैंने बोला क्या कर रहे हो यार, तुमको ही कोई काम है क्या, चेक कर रहे हो तुम बाल श्रमिक, ये रिपोर्ट करोगे कि बैलेंस शीट बाल श्रमिक ने बनाई है, क्या कर रहे हो, कम ऑन, ये क्या देख रहे हो तुम, क्या करना पड़ेगा। पीएफ वाला मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, आपने बोला था वो करना पड़ेगा, वो तो फाइनेंशियल है उसमें कोई डाउट नहीं है, करना चाहिए, एक्सेप्टेड, अग्रीड। चाइल्ड लेबर क्या करना है आपको, हाँ या ना, करना चाहिए, क्यों, लॉ है, लॉ का नॉन कंप्लायंस पर रिपोर्ट करना पड़ेगा, तो इसका मतलब इज ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल टू चेक ऑल लॉज एंड रेगुलेशन कंप्लायंसेस। फैक्ट्री में गए ऑडिट कर रहे थे, हमने देखा फैक्ट्री की चिमनी से काला धुआं निकल रहा है, क्या हमें रिपोर्ट करना पड़ेगा, बैलेंस शीट साफ है पर धुआं काला है, एनवायरमेंट ऑडिट नहीं, हम तो फाइनेंशियल ऑडिट कर रहे हैं, एकदम नॉर्मल वाला ऑडिट अपना कंपनीज एक्ट का, रिपोर्ट करना है क्या, काला धुआं तो गलत होता है, इट इज अगेंस्ट द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, देयर इज एन एयर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट जो बोलता है कि भैया काला धुआं नहीं निकलना चाहिए, हमें तो पता ही नहीं था, पर अब देखा हमने काला धुआं है, किसी ने बताया तो हमने बोला रिपोर्ट करें, क्या करना पड़ेगा। तो इसका मतलब फैक्ट्री का ऑडिट कर रहे थे, आर्टिकल को भी बोले चिमनी पे जा चढ़ के जा देख के धुआं काला तो नहीं है। तो इसका एक बेसिक चीज ऐसे 250 इसका जवाब देता है, जवाब बस मैं आपको बता देता हूं, जब ऐसे पढ़ेंगे ना तब डिटेल में डिस्कस करेंगे, आई एम जस्ट रिपीटिंग माई वर्ड्स, ये सारी चीजें आगे कहीं ना कहीं आएंगी, ये पहले दिन में सिर्फ इसलिए लेता हूं ताकि थोड़ा सा अपना कंटेक्स्ट पढ़ने का सही रहे, अपन जो पढ़े अपने को समझ में भी आए अपन क्या कर रहे हैं। इंस्टीट्यूट कहता है ए, अगर लॉ का नॉन कंप्लायंस मिला है तो रिपोर्ट करना ही है, कारण एवरी नॉन कंप्लायंस विल हैव अ फाइनेंशियल इफेक्ट, ईदर बाय मीन्स ऑफ अ कंप्लायंस कॉस्ट और बाय मीन्स ऑफ पेनल्टीज। पीएफ का कंप्लायंस नहीं कर रहे हो, करोगे तो कंप्लायंस की कॉस्ट पे पीएफ का खर्चा है और पेनल्टी भी है, बाल श्रमिक हो रहा है, चाइल्ड लेबर हो रहा है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अगेंस्ट में आप कुछ कर रहे हो, यू विल बी
पेनल्टी विल बी इम्पोज ऑन यू, जिससे आपके ऊपर फाइनेंशियल इफेक्ट आ सकता है। तो आपने नॉन कंप्लायंस देखा है तो रिपोर्ट करना ही करना है लॉ का हर केस में। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सारे लॉ चेक करना है। इतना बढ़िया समझाया इंस्टीट्यूट ने, उन्होंने कहा है जो फाइनेंशियल मैटर्स से डायरेक्टली रिलेटेड लॉज हैं वो लॉज आपको चेक करना है, बाकी लॉज एंड रेगुलेशन आपको चेक नहीं करना है। लेकिन नॉन कंप्लायंस किसी का भी मिले आपको रिपोर्ट करना है। आया समझ में? तो पीएफ, जीएसटी, इनकम टैक्स, मिनिमम वेजेस, ये सब फाइनेंशियल रिलेटेड लॉज हैं। यू हैव टू चेक कंप्लायंस ऑफ दीज लॉज एंड रेगुलेशन। अदर लॉज यू डोंट हैव टू। उसमें बोलते हैं आप सिर्फ इंस्पेक्शन इंक्वायरी कर लो, मैनेजमेंट से पूछ लो कि कोई नॉन कंप्लायंस तो नहीं, और उनकी कोई फाइल है जिसमें कोई केस वेस लगा है उनके अगेंस्ट में, कोई नोटिस आया वो पढ़ लो, बाकी कुछ भी नहीं करना है आपको। पर नॉन कंप्लायंस दिख जाए तो फिर कोई भी लॉ रिपोर्ट तो करना ही पड़ेगा, ऑब्वियसली अगर वो मटीरियल है। कोई मटीरियल नॉन कंप्लायंस है तो फिर उसकी बात ही अलग है, वो फिर मटीरियलिटी के अंदर बाहर हो जाए। कुछ आया समझ में आपको? तो लॉज एंड रेगुलेशन से रिलेटेड दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट मैटर इज क्वालिटी इश्यूज। ऑडिटर को चेक करना है क्या? नॉर्मली नहीं। आप जिस रेस्टोरेंट का ऑडिट कर रहे हो वहां पे एक्सपायरी डेट का खाना यूज हो रहा है, क्या मुझे ये चेक करके रिपोर्ट करने की कोई जरूरत है क्या? नहीं, ये क्वालिटी मैटर है, हम इसमें नहीं जा सकते। हमारा इसको फाइनेंशियल्स तक रिस्ट्रिक्टेड है, वी कैन नॉट गो बियॉन्ड दैट। ओ ये क्या गया? ओपन ने एक एग्जाम्पल दिया था ना, क्वेश्चन आया था आपका कौन सा? अरे वो सोने दी पीतल दी क्या किया था? तो कंपनी बोल रही है प्योर गोल्ड है जबकि एक्चुअल में मिलावट है। क्या ऑडिटर को ये मैटर चेक करना है या रिपोर्ट करना है? क्या कुछ भी नहीं। क्यों? ए, चेक करना ही नहीं है हमको, ये क्वालिटी मैटर है। और दूसरा, जब तक कोई फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंस नहीं है हमें रिपोर्ट नहीं करना। अगर ये लीगल नॉन कंप्लायंस होता तो पेनल्टी का कॉन्सिक्वेंस आता, तो रिपोर्ट करना होगा। क्वालिटी इश्यू है, जब तक कोई कस्टमर की कंप्लेन नहीं आई है या कोई हमारे अगेंस्ट में केस नहीं हुआ है, प्रैक्टिकली हमें रिपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं। तो ऑडिटर विल नॉट चेक क्वालिटी। और आखिरी मुद्दा है प्रोप्राइटरी इशू। क्या ऑडिटर को ऑडिट करते समय ये सोचना है क्या कि पैसे बचाए जा सकते थे और नहीं बचाए? मतलब क्या है इसका? क्वेश्चन सुनना। हमारी कंपनी जो माल दूसरे लोग 1 लाख रुपए में खरीदते हैं, हमारी कंपनी वही ही गुड्स 1.25 लाख में खरीद रही है। एज एन ऑडिटर आप क्या करोगे? क्या आप रिपोर्ट करोगे? हम देखा कि हमारा डायरेक्टर इंदौर से भोपाल, मुंबई से पूना, दिल्ली से जयपुर, ऐसी जगह जाना होता है तो भी फ्लाइट से जाता है, जबकि यहां से एयरपोर्ट जाना, वहां पे रुकना, फिर फ्लाइट बोर्ड करना, फिर वहां उतरना और बाहर निकलने में ज्यादा टाइम लगता है, उससे जल्दी तो गाड़ी से पहुंच जाए। तो कम समय कम कीमत में जो काम हो सकता है वो ज्यादा पैसे देके कर रहा है। क्या एज एन ऑडिटर आप इसे रिपोर्ट कर पाओगे? इसे बोलते हैं प्रोप्राइटी इश्यूज। प्रोप्राइटी का मतलब क्या होता है? मेरा पैसा होता तो क्या मैं ऐसा खर्च करता? क्या ये सोच के ऑडिटर को ऑडिट करना है क्या? बोलो, क्या ये सोच के आपको ऑडिट करना है क्या? वेदर यू हैव रिसीव्ड फुल वैल्यू ऑफ योर मनी और नॉट, इज दिस समथिंग विच द ऑडिटर शुड थिंक? द आंसर इज ए, यूजुअली नो, एक्सेप्ट। क्या कंपनी में ये सोच के ऑडिट होएगा क्या कि पैसे कि पूरी कीमत मिली या नहीं? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता दोस्तों? क्योंकि अगर मैंने ये करना शुरू किया तो फिर ऑडिटर विल स्टार्ट स्टेपिंग इनटू द शूज ऑफ द मैनेजमेंट, फिर उसे हर खर्चे की प्रोप्राइटीनेस चेक करना पड़ेगी। ये संभव नहीं है। गवर्नमेंट ऑडिट में ऐसा करना अनिवार्य है। आपने सुना होगा, आपने पढ़ा भी है, गवर्नमेंट ऑडिट में प्रोप्राइटरी ऑडिट होता है। यू हैव टू चेक वेदर द एक्सपेंडिचर वाज अवॉइडेबल, इनफ्रक्चुअस एक्सपेंडिचर तो नहीं हुए। मेरा पैसा होता तो मैं ऐसे खर्चता, क्योंकि वो पब्लिक मनी है इसलिए वहां करना है। कंपनी ऑडिट में सिर्फ कारों में कुछ ऐसे पॉइंट है जहां पे आपको प्रोप्राइटरी नेचर की चेकिंग करना होती है, बस। किसमें? कारों। कारों कहता है रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन हुआ है तो आर्म्स लेंथ पर हुआ है या नहीं हुआ है, चेक करो। कारो कहता है इंटरनल कंट्रोल परचेज के प्रॉपर है या नहीं है, चेक करो। यानी कंपनी ऑडिट में यूजुअली क्या मुझे प्रोप्राइटरी नेचर से चेकिंग करना है या सिर्फ कुछ एरियाज में? कुछ एरियाज। यानी आप बताओ, बाय डिफॉल्ट यानी कि बाय नेचर मेरा ऑडिट प्रोप्राइटरी एलिमेंट्स चेक करता है क्या? नहीं, सिर्फ अगर मुझे स्पेसिफिकली कहा जाए तो मैं चेक करूंगा, नॉट अदरवाइज।
जैसे कि मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, एक कंपनी ने दूसरी एंटिटी को 0% ब्याज पे लोन दिया, एज एन ऑडिटर क्या आप अपनी रिपोर्ट मॉडिफाई करोगे? फ्री ऑफ कॉस्ट या कम दर पे ब्याज पे लोन दिया, क्या आप रिपोर्ट करोगे? हालांकि इसमें कंपनी का नुकसान है, कंपनी का नुकसान है, पर क्या ऑडिटर बोल सकता है कि भैया आप ज्यादा ब्याज कमा सकते थे? नहीं, ये प्रोप्राइटी एलिमेंट हमें जाना ही नहीं। लेकिन कारों में कहा है कि अगर आपने लोन्स एंड एडवांसेस दिए हैं रिलेटेड पार्टी को, तो आपको रिपोर्ट करना है कि कहीं कंपनी के लिए प्रिजुडिशियल तो नहीं है। ऐसे ही कभी आपने सुना हो सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 में होता है, सिक्योर्ड लोन्स आर वेदर प्रॉपरली सिक्योर्ड और प्रिजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी। यानी स्पेसिफिकली कुछ कुछ जगह एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, मालूम आपको, व्हाट आर द प्रोप्राइटरी एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट अंडर कंपनी ऑडिट, ऐसा सवाल है, जिसके जवाब में कारों के कुछ पॉइंट्स, 143 वन के कुछ पॉइंट्स, आईपीसीसी में भी है, ये लेके जाते हैं। जिसका मतलब क्या है, बाय डिफॉल्ट मेरा नेचर ये ऑडिट नहीं है कि मैं सोच के ऑडिट करूं कि यार ओनर होता तो ऐसे करता गया, कुछ जगह बोला है बस वहीं पे करूंगा, बाकी जगह पे नहीं करूंगा। इज दिस क्लियर? तो ऑडिटर का स्कोप एकदम क्लियर है, आपको क्या चेक करना है क्या नहीं करना है, और ये सब आप जो कर रहे हो ये क्यों कर रहे हो दोस्तों? एग्जामिनेशन क्यों कर रहे हो? ओपिनियन बनाने के लिए। ओपिनियन कितने तरह के होते हैं जल्दी से बता दो, क्योंकि अब आगे क्वेश्चन जब अपन चैप्टर्स पढ़ेंगे ना, तो अपने को कहीं क्वालिफाइड कहीं एडवर्स ऐसे यूज करना पड़ेगी शब्द। कितने तरह के ओपिनियन होते हैं बताओ? दो। वेरी गुड। क्या क्या? मॉडिफाइड और अनमॉडिफाइड। वेरी गुड। सबसे पहली बात, कोई भी कभी भी तुमसे पूछे ओपिनियन कितने तरह के होते हैं, तो आप कभी भी ये नहीं बोलोगे चार, क्वालिफाइड, एडवर्स, डिस्क्लेमर, अनक्वालिफाइड, ऐसा पहले बोलते थे, अब दो ही होते हैं, मॉडिफाइड और अनमॉडिफाइड। अनमॉडिफाइड यानी ट्रू एंड फेयर व्यू, अनक्वालिफाइड, और मॉडिफाइड तीन तरह के होते हैं, क्या क्या? क्वालिफाइड, एडवर्स और डिस्क्लेमर। अब ये आपको पता होगा, इस पे ज्यादा समय नहीं देते, दो तीन चीज पूछ लेता हूं, बता दो फटाफट कौन सा वाला ओपिनियन जाएगा। ठीक है, पहला सवाल, सब कुछ ठीक है, सब बढ़िया है, कौन सा ओपिनियन? अनमॉडिफाइड। सब ठीक है एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट्स में कुछ गड़बड़ है, क्वालिफाइड। सब ठीक है एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट्स में कुछ गड़बड़ है, पर कंपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी है, सबसे बड़ी असेट्स ही इन्वेस्टमेंट्स है, एडवर्स। एडवर्स, एडवर्स में ओपिनियन क्या बोलते हैं हम? फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। क्वालिफाइड में हम क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट्स। हेलो, आया भाई समझ में? और इन्वेस्टमेंट में चेक ही नहीं कर पाया, चेक ही नहीं कर पाया मैं इन्वेस्टमेंट, क्योंकि डेटा ही नहीं दिया मुझे कंपनी ने, तो क्या देंगे? अरे सवाल तो सुनो, इन्वेस्टमेंट में चेक ही नहीं कर पाया, और कंपनी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इन्वेस्टमेंट उसके मटेरियल है बट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, क्या दोगे? क्वालिफाइड। स्टूडेंट यहां पे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, क्वालिफाइड। अगर इन्वेस्टमेंट कंपनी है और आप इन्वेस्टमेंट चेक नहीं कर पाए तो डिस्क्लेमर। यानी अब एक चीज समझ में आई, आपको क्वालिफाइड दो केस में देते हैं, ये सब ऐसे मैं डिटेल में बताऊंगा, मुझे अभी ये शब्द यूज करने आगे इसलिए सिर्फ समझा रहा हूं, है ना? अपन दो केस में क्या देंगे? क्वालिफाइड। मिसस्टेटमेंट है, मिसस्टेटमेंट है या लिमिटेशन है? मिसस्टेटमेंट या लिमिटेशन। मिसस्टेटमेंट मतलब गलती पकड़ में आ गई, लिमिटेशन यानी चेक नहीं कर पाया। जो मटेरियल है लेकिन परवेसिव नहीं है, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट नहीं करता है। अगर मिसस्टेटमेंट पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट करेगा तो एडवर्स, और अगर लिमिटेशन पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट करेगा तो डिस्क्लेमर। यानी कंपनी की 10 ब्रांच है और मैं 2 ब्रांच चेक नहीं कर पा रहा हूं तो क्वालिफाइड जाएगा, पर वो 2 कंपनी की मेजर ब्रांच है जिसमें 80% बिजनेस है तो डिस्क्लेमर जाएगा। 2 ब्रांच में गड़बड़ है बाकी सब सही है तो क्वालिफाइड जाएगा, पर वो मेजर ब्रांच हुई तो फिर एडवर्स हो जाएगा। आ गया भाई सबको समझ में? आ गया?
और ये सब क्वालिफाइड एडवर्ब्स ये सब करके आप कौन सा व्यू देते हो? लिखते क्या अपन विनाइंजल स्टेटमेंट में? विनाइंजल स्टेटमेंट गिव अ अनमॉडिफाइड, मॉडिफाइड में अपन व्यू क्या देते हैं? ट्रू एंड फेयर। तो ट्रू एंड फेयर यूज करते हैं या ट्रू एंड करेक्ट? फर्क है क्या दोनों में? फर्क है क्या दोनों में? ज्यादा मुश्किल क्या है देना? ट्रू एंड करेक्ट। क्यों? क्यों? करेक्ट मतलब सर्टिफाई करना और फेयर मतलब ठीक है ऐसा ओपिनियन देना। ये अपन ने कैसे निकाला? देखो ट्रू एंड करेक्ट और ट्रू एंड फेयर में ट्रू कॉमन है वो कट गया, है ना? तो ट्रू ट्रू कॉमन कट गया तो कंपैरिजन हो गया फेयर और करेक्ट। फेयर मतलब ठीक, करेक्ट मतलब सही। सही बोलना मुश्किल है, ठीक बोलना आसान है। ट्रू का तो कोई मतलब ही नहीं होता है। वही बात करता हूं, मुझे एक बात बताओ, ट्रू एंड करेक्ट में ट्रू शब्द और करेक्ट शब्द में क्या फर्क है? What is the difference between the words true and correct? True अपने हिसाब से होता है, true subjective हो सकता है, correct बिल्कुल objective होता है। पहली कक्षा से लेके अभी तक तुमने true and false के ढेरों क्वेश्चन किए होंगे। कभी तुमने दिमाग लगाया कि पूछा true and false या correct और incorrect है क्या? लगाया? ये डिफरेंस सिर्फ सीए का ही स्टूडेंट निकाल सकता है। सीए के स्टूडेंट से पूछ लो ट्रू और सही में डिफरेंस बताओ, वो भी निकाल देगा। बोले पूछा है तो कुछ तो बना ही दो। क्या है यार, एक ही चीज को यूज करने के दो शब्द है, कोई फर्क थोड़ा ना है। करेक्ट मतलब सही है और ट्रू मतलब झूठा नहीं है। बहुत बढ़िया। वो बात अलग है कि अभी भी डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा है। मतलब इसका यह है कि ट्रू जरूरी नहीं है सही है, पर वो गलत भी नहीं है। पर करेक्ट मतलब सही सही है। ये सिर्फ समझाने की बात है और ये कोई लीगल इंटरप्रिटेशन नहीं है शब्दों का। एक्चुअल में ट्रू एंड करेक्ट इज मोर इजी देन ट्रू एंड फेयर। कैसे समझना? करेक्ट इज एन एब्सोल्यूट स्टेटमेंट, विच मीन्स व्हाट? सिंपल सा क्वेश्चन। सपोज फॉर एग्जाम्पल संडे को अपन ने क्लास रखी, ठीक है, जो रखी लेंगे, क्या करोगे ऐसी संडे को? फालतू में आदत खराब हो जाएगी सुबह सोने की, तो मंडे दिक्कत आएगी। तो संडे अपन ने क्लास रखी और संडे आपको सीए ने ऑफिस में बुला लिया। आपने बोला सर आ ही नहीं सकते, क्लास है हमारी तो क्लास तो छोड़ेंगे ही नहीं, आपको पता ही है कितना हम एकदम पर्टिकुलर है क्लास के बारे में, और ऑडिट पढ़ रहे हैं तो काम यही लगाएंगे। सीए ने बोला यार आ जा यार। हमने बोला सर पॉसिबल ही नहीं। तो बोला बहुत अर्जेंट काम है, सुबह आना, चले जाना 12-1 बजे तक। हमने बोला सुबह आ ही नहीं सकते, मना कर दिया। संडे को आप क्लास आए और आते से ही आपके पास सपोज मैसेज आ गया कि यार किसी कारण से आज क्लास नहीं हो पा रही है। आप बताओ जैसे ही मैसेज आया कि आपको ऑफिस याद आएगा, सीधे जाओगे क्या? सवाल ही नहीं उठता। अपन ने बोला आता हूँ, संडे सुबह का मॉर्निंग शो मिलता है, सस्ते में मिलता है, 60-70 रुपए में टिकट मिल जाएगी। अपन हाथों हाथ यहाँ से निकल गए, पागलपंती है ना। अब अपन मॉल में चले गए, बढ़िया पिक्चर देख रहे हो। दिक्कत वहां पर ये हो गई कि मॉल में सीए भी किसी कारण से आया था और सीए ने हमको देख लिया, हमने सीए को नहीं देखा। कोई मॉल में सीए देखने तो जाता नहीं है। अगले दिन हम ऑफिस गए। अभी ऑफिस गए तो सीए ने हमको एकदम बुलाया, बोले केबिन में आओ। हम गए। अब हम थर्ड ईयर के आर्टिकल, थोड़े बड़े भी हो गए। सीए ने बहुत कड़क आवाज में हमसे पूछा, क्यों कल तुम क्लास गए थे? हमने भी बोला हाँ गए थे। आप बताइए दोस्तों क्या मेरा जवाब सही है? हाँ, उसने पूछा गए थे, हमने बोला गए थे। अब वो पूछता गए थे बैठे थे अटेंड करी, तो बताते गए थे बैठे नहीं अटेंड नहीं करी। समझ में आया? योर आंसर इज इट करेक्ट? इज इट करेक्ट? यस। इज इट फेयर? नो, इट इज अनफेयर। आया आपको समझ में? आया?
आपका जवाब सही है पर उपयुक्त नहीं है। फेयर मींस सही भी है उपयुक्त भी है। ट्रू एंड फेयर मींस इट इज राइट एंड इट इज ऑल्सो प्रेजेंटेड दैट इट कन्वेज द राइट मीनिंग। तो एक समय होता था दोस्तों जब ऑडिटर ट्रू एंड करेक्ट व्यू देता था। आज भी आप कभी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट अगर ऑफिस में बनाते हो तो आप देखना 3 CD पे ऑडिटर ट्रू एंड करेक्ट लिखता है बट 3 CB में ट्रू एंड फेयर जाता है। GST ऑडिट में जो ऑडिट रिपोर्ट थी उस ऑडिट रिपोर्ट में शब्द था ट्रू एंड करेक्ट, जिसको उन्होंने अभी अमेंडमेंट हुआ है आपकी जो 9CSRA फॉर्म्स में उसमें आपकी ऑडिट रिपोर्ट भी चेंज होकर ट्रू एंड फेयर किया उन्होंने। ये कहानी पुरानी है एक्चुअली, पहले ट्रू एंड करेक्ट व्यू दिया जाता था तो कोर्ट में एक केस लगा था लंदन में। मुद्दा यह हुआ था कि एक कंपनी ने एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग करी थी तो उनके डेटर्स के ऊपर उन्होंने खूब सारी प्रोविजनिंग कर दी, ये बोल के कि यार हमें रिस्क है कि हो सकता है कभी डेटर बैड हो जाए तो हमने सेफर साइड कंजर्वेटिव साइड पे ज्यादा प्रोविजन बना रखा है और उन्होंने डिस्क्लोज भी कर दिया था कि हमने ऐसा किया है। ऑडिटर ने रिपोर्ट में लिख दिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ट्रू एंड करेक्ट। शेयर होल्डर ने केस लगा दिया कि यार कंपनी जान करके ज्यादा प्रोविजन बना रही है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स का, जिस कारण से प्रॉफिट कम निकल रहे हैं और डिविडेंड हमें कम मिल रहा है इसलिए हमारा नुकसान हो रहा है। कोर्ट में केस गया, ऑडिटर के ऊपर भी केस लगाया गया कि ऑडिटर भी रिपोर्ट नहीं कर रहा है। ऑडिटर ने बोला भाई जो हुआ है वो सही है तो मैं क्या रिपोर्ट करूं। तो लॉर्ड ने वहां पे जजमेंट दिया, जैसे कोर्ट में जज होते हमारे, उन्होंने जजमेंट दिया, उन्होंने कहा दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ट्रू एंड करेक्ट बट द पोजिशन इज नॉट फेयर, हेंस वी रिक्वेस्ट दैट ऑल द अकाउंटिंग बॉडीज शुड नाउ इंसिस्ट ऑन द ऑडिटर गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू एंड नॉट अ ट्रू एंड करेक्ट व्यू सो दैट ऑडिटर गोज बियॉन्ड द बाउंड्री ऑफ ट्रूथ एंड करेक्टफुलनेस एंड ऑल्सो चेक्स फेयरनेस ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और अब ऑडिटर से एक्सपेक्टेड है कि वो क्या देगा, सिर्फ ये नहीं बोलेगा कि चीजें ट्रू और करेक्ट है, वो ये भी देखेगा कि वो फेयर है या नहीं, जिसका दूसरा नाम आप बोल सकते हो फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। आपको लगता है चीजें सारी हमने जो मांगी थी दे दी है फिर भी यूजर तक सारी इंफॉर्मेशन नहीं जा रही है तो आप एडिशनल डिस्क्लोजर दो ताकि यूजर तक सही इंफॉर्मेशन जाए। जैसे मैं आपसे उदाहरण के तौर पर एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूं, बैलेंस शीट में असेट लाइबिलिटी के कौन से दो हेड होते हैं असेट्स के, सारे असेट्स को हम क्लासिफाई दो हेड में करते हैं, क्या क्या, करंट असेट्स और नॉन करंट असेट्स। फिर नॉन करंट के अंदर अपने फिक्स असेट या प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ऐसे अलग अलग लाइन आइटम्स आती है ना। इन्वेंटरी किसमें आती है, हमेशा करंट असेट में आती है। शेड्यूल 3 के अंदर रूल दिया हुआ है कि इन्वेंटरीज आर ऑलवेज करंट असेट्स। क्या हो सकता है क्या कि मेरे पास कुछ ऐसी इन्वेंटरी रखी हो जो ऑपरेटिंग साइकिल या 12 महीने में सेल ना हो और ज्यादा समय लग जाए उसे बेचने में, पॉसिबल है। तो मेरे कुछ ऐसे फिनिश गुड्स रखे हुए हैं जिनको 3-3, 5-5 साल लग जाते हैं बेचने में जबकि मेरा ऑपरेटिंग साइकिल 12 महीने का ही है, पर कुछ इन्वेंटरी जो लंबे समय में बिकती है वो कहां दिखेगी, नॉन करंट असेट या करंट असेट, करंट में ही दिखेगी क्योंकि शेड्यूल 3 में नियम है कि हमेशा आपको इन्वेंटरी कहां दिखानी है, करंट असेट। अब आप मुझे बताइए जो आपने करंट असेट में इन्वेंटरी दिखाया क्या ये एज पर शेड्यूल 3 एज पर कंपनीज एक्ट करेक्ट है, हाँ, पर आप बताओ क्या यूजर को ऐसा बताने से कोई गलत इंफॉर्मेशन यूजर तक जा सकती है, हाँ हो सकता है कि अगर उस इन्वेंटरी का बड़ा क्वांटम हो तो कंपनी के करंट असेट्स बड़े दिख रहे हों, पर अगर मैं वो इन्वेंटरी को हटा दूं तो हो सकता है मेरे करंट असेट से ज्यादा करंट लाइबिलिटी आ जाए और कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन अफेक्ट हो जाए। तो क्या ऑडिटर को कहीं डिस्क्लोजर दिलवाना चाहिए क्या मैनेजमेंट से कि यार आप डिस्क्लोज करो कि करंट असेट्स इंक्लूड सर्टन आइटम्स विच आर नॉट लिक्विड, दिलवाना पड़ेगा। और इंडेस 1 आपका स्पेसिफिकली डिमांड भी करता है। Anyways, what I'm asking or what I'm telling you, आपको समझ में आ रहा है क्या? Now we are not just expected to report whether financial statement have been prepared, क्या? Whether they have been prepared as per are true and correct, they should also be true and fair. तो true and fair देना मुश्किल है true and correct, और हमें एक step आगे जाके ensure करना है कि user के पास सारी information सही जा रही है। Is this clear? ठीक है, तो अपन डिबेट कर सकते हैं ट्रू और करेक्ट दो शब्दों के मीनिंग के डिफरेंसिएशन में, बट दिस डिस्कशन इज लार्जर देन दैट। द
द डिस्कशन हियर इज दैट यू जस्ट डोंट हैव टू चेक कि जो चीजें होना चाहिए थी वैसी है या नहीं है. आपको ये भी चेक करना है प्रेजेंटेशन प्रॉपर है या नहीं. चलो तो ये तो अपना डिस्कशन है एंड दिस बेसिकली बेस्ड ऑन दिस फाइनली दिस इज योर टाइप्स ऑफ ओपिनियन विच वी हैव अनमॉडिफाइड मॉडिफाइड मॉडिफाइड तीन तरह के होते हैं. इसके अलावा दो चीजें आप और देख पा रहे होंगे एम्फेसिस ऑफ मैटर और अदर मैटर. ये क्या होते हैं क्विकली बता दो बस. एम्फेसिस ऑफ मैटर एंड अदर मैटर्स. ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि अब जब कंपनी ऑडिट अपन पढ़ेंगे ना तो उसमें केस आएंगे तो आपको एग्जैक्टली क्वेश्चन के आंसर में ऐसा लिखा हुआ मिलेगा कि इस केस में ऑडिटर शुड गिव अ क्वालिफाइड ओपिनियन या ही शुड गिव एन एम्फेसिस ऑफ मैटर. तो आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी पता है बाकी डिटेल ऐसे 700 सीरीज में सब आएगा अच्छे से. अभी अपन लिख नहीं रहे सिर्फ समझ रहे हैं आज पहले दिन. बोलो जी करेक्ट. वेरी गुड. एक सेपरेट हेड होता है ऑडिट रिपोर्ट में इससे ओपिनियन मॉडिफाई नहीं करते बट इसको सेपरेटली मेंशन करते जैसा नाम से समझ में आ रहा है. एम्फेसिस ऑफ मैटर मतलब बेसिकली डिराइविंग और अट्रैक्टिंग अटेंशन ऑफ द यूजर्स टू अ पर्टिकुलर मैटर. अगर ये मैटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑलरेडी दिया हुआ है तो इसे बोलेंगे एम्फेसिस ऑफ मैटर. और अगर ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं दिया है फिर भी ऑडिटर हाईलाइट करना चाह रहा है तो उसे बोलेंगे अदर मैटर. आ गया भाई सबको समझ में. यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से फॉर एग्जांपल कंपनी ने दिया है कि इस साल हमने इंडेक्स फॉलो करना शुरू किए हैं तो हमने पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रीस्टेट किया है फ्रॉम एएस टू इंडेक्स. अकाउंटिंग सब परफेक्ट हुई है फिर भी क्या ऑडिटर चाहेगा क्या कि इस पर्टिकुलर पॉइंट को वो हाईलाइट करे अपनी रिपोर्ट में. ये क्या बनेगा एम्फेसिस ऑफ मैटर. पर से लास्ट ईयर कोई और ऑडिटर था इस साल मैंने ऑडिट शुरू किया है करना तो मैं चाहता हूं बताना कि भाई प्रीवियस ईयर कोई और था और इस साल से ही मैंने ऑडिट शुरू किया है तो ये मैं रिपोर्ट में अगर दूंगा तो क्या ये ऑलरेडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहीं लिखा है क्या. नहीं तो मैं इसे किस हेड में डालूंगा अदर मैटर. तो ऐसा कहते हैं अदर मैटर में नॉर्मली ऑडिट रिलेटेड एंड अदर मैटर्स रिलेटेड मैटर आते हैं. फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलेटेड मैटर एम्फेसिस में आते हैं. दोनों में इंपॉर्टेंट ये है कि ये गलत नहीं है कुछ ये सिर्फ एक हाईलाइट करने वाला मुद्दा है. आया भी समझ में. रिपोर्ट कार्ड में अगर लाल लाइन आई है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के मार्क्स में तो ये क्या है ये रेड लाइन एम्फेसिस नहीं है ये क्या है फेल है यानी कि ये क्या है मॉडिफिकेशन है क्वालिफिकेशन है. अरे बोलो. लेकिन अगर आप सपोज फॉर एग्जांपल हम पास हुए हैं पर बाउंड्री पे हुए और टीचर ने एक रिमार्क दे दिया कि भाई मैथमेटिक्स में ये बाउंड्री पर पास हुआ है क्या हमें फेल किया गया है नहीं क्या ये क्वालिफाइड है नहीं पर क्या एम्फेसिस डाला गया है ये ऐसी चीजों पे क्या डाला जाता है एम्फेसिस. और आजकल एक नई चीज और आ गई है आपने सुना होगा ऑफिस में भी देखा होगा की ऑडिट मैटर्स. लिस्टेड एंटिटीज की रिपोर्ट में ये देना होता है व्हाट आर की ऑडिट मैटर्स. आप ये समझ लीजिए कि ये कुछ ऐसे बेसिक मैटर्स हैं जो आपके पूरे ऑडिट को अफेक्ट कर गए. इसके ऊपर पूरा एक ऐसे 701 है जहां डिटेल में अपन डिस्कस करेंगे बट दीज आर द मैटर्स विच आर टू बी डिस्क्लोज्ड इन द रिपोर्ट बिकॉज दे आर फंडामेंटल टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द यूजर्स. तो दीज आर की ऑडिट मैटर्स. ये बहुत ही रेयर सिचुएशंस में देखने को मिलेंगे. नॉर्मली ये वो मुद्दे होते हैं दोस्तों जिसमें ना कुछ सही है ना कुछ गलत है. आप यू समझ लो कि ये कुछ एंटिटी का इनहेरेंट रिस्क है एक इनहेरेंट नेचर है जिसके साथ हमने ऑडिट किया है. एक छोटा सा एग्जाम्पल से अभी अपन बात कर रहे हैं तो समझाने के लिए अगर मैं आपको दूं तो सपोज फॉर एग्जाम्पल जैसे रियल एस्टेट बिल्डर होते राइट. रियल एस्टेट बिल्डर का प्रोजेक्ट नॉर्मली क्या होता है एक साल में पूरा हो जाता है या कई सालों तक चलता है. तो वो लोग रेवेन्यू जो रिकॉर्ड करते हैं ना वो एक प्रोपोर्शनेट बेसिस पे करते हैं. आपने कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है क्या AS7. कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में आप सेल्स रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड करते हो परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड. क्या आपको लगता है वो परसेंटेज ऑफ वर्क कंप्लीटेड निकाला साइंटिफिकली एक्यूरेटली जा सकता है या अप्रोक्सीमेटली. पर अगर उसमें थोड़ा भी हेरफेर हो गया तो क्या आपके प्रॉफिट सब्सटेंशियली अफेक्ट हो सकते हैं. पर अब इसका मैं कुछ कर नहीं सकता. तो ये वो मुद्दे हैं जो ऑडिटर की ऑडिट मैटर में डालता है कि भाई इस एंटिटी में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि यार रेवेन्यू हम एक्यूरेटली एस्टिमेट नहीं कर सकते. इससे हम ये नहीं बोल रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत है पर हम यूजर को ये बताना चाह रहे हैं कि इस तरह की इंडस्ट्री की ये प्रॉब्लम ही है कि यहां पे रेवेन्यू एस्टिमेट करना मुश्किल ही होता है. तो हम चाह रहे हैं कि आप भी इस चीज को समझ लें इसलिए हमने कहा है कि हमारे ऑडिट के लिए ये एक की मैटर था
जो हमारे पूरे ऑडिट को अफेक्ट किया है. दिस इज की ऑडिट मैटर. चलो भाई क्लियर है ये सबको. एक आखिरी चीज ध्यान रखना, एग्जाम में कभी कोई क्वेश्चन आए और वो क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप समझ नहीं पा रहे हो कि इसमें क्वालिफाइड दूं या एडवर्स, ऐसा हो सकता है क्या? सपोज आपको लाइक कंपनी है जिसका स्टॉक पूरा गलत है, अब आप क्या करोगे? क्या करोगे? अब सपोज करेक्ट, अगर कंपनी सर्विस इंडस्ट्री में है तो हो सकता है मैं क्वालिफाइड रिपोर्ट ही दूं क्योंकि सर्विस इंडस्ट्री में स्टॉक मटेरियल नहीं होगा. पर अगर वो ट्रेडिंग ऑफ गुड्स में है तो डेफिनेटली मटेरियल होगा, तो मैं एडवर्स दे देता. पर अब बताया ही नहीं है कि वो सर्विस इंडस्ट्री में, ट्रेडिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में क्या है, तो आप एग्जाम में क्या करोगे? मॉडिफाइड यूज करोगे. इसीलिए ओपिनियन का कैटेगराइजेशन अब ऐसे हुआ है. तो मॉडिफाइड शब्द में क्या आ गया? क्वालिफाइड भी आ गया, एडवर्स भी आ गया और डिस्क्लेमर भी. तो व्हेन यू आर नॉट श्योर वेदर इट इज परवेसिव और अफेक्ट्स ओनली वन एरिया, देन यू विल गिव क्या? मॉडिफाइड. पर आपको साफ साफ क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ रहा है क्वालिफाइड है या एडवर्स, तो ही आप क्वालिफाइड या एडवर्स लिखोगे. आया समझ में? तो आप आंसर में ये छोटी छोटी चीजें दोस्तों इसके मार्क्स होते हैं. समझ में आ रही है मेरी बात? यहां पे हमें ध्यान देना है. इन द क्लास क्वेश्चन के आंसर्स में मेरा मेन मोटो क्या होगा? क्वेश्चन आप इंटरप्रेट करो, आंसर में क्या आना चाहिए ये समझो, और कौन से आंसर के क्या मुद्दे हैं जिस पे आपको ध्यान देना है कि ये आप कैजुअल एरर्स ना कर दो. आप कॉलेज में जब पेपर चेक होता है, जब टफ चेकिंग होती है, पेपर की जो चेकिंग होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका एक कोई 10 मार्क का क्वेश्चन है, 5 मार्क का क्वेश्चन है, तो जब इंस्टीट्यूट लीनियंट चेकिंग करता है, जब सबके मार्क्स अच्छे आते हैं, ऐसा होता है कि इंस्टीट्यूट कभी लीनियंट कभी टफ चेकिंग करता है? मई 2017 में ऑल इंडिया टॉप ऑडिट के पेपर में अपनी एक स्टूडेंट ने किया, पलक अग्रवाल, उसके कितने मार्क्स थे? शी टॉप्ड ऑल इंडिया इन ऑडिट. ये पता कैसे पड़ता है? इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट देता है कि आपके सब्जेक्ट हाईएस्ट मार्क्स हैं इस पेपर में, स्कॉलरशिप भी मिलती है, तो उसको वो सर्टिफिकेट मिला. सर्टिफिकेट एक साल बाद आता है, तो शी गॉट दैट सर्टिफिकेट. उसके मार्क्स कितने थे मई 2017 ऑडिट? गेस करो क्या होंगे रेंज में? 70, 7070. When she got 70 marks, neither she neither I thought कि भाई ये ऑल इंडिया हाइएस्ट जाएंगे. बट उस पर्टिकुलर अटेम्प्ट में ऑल इंडिया में हमने जब टॉप 10 रैंक होल्डर्स की मार्कशीट मिल जाती है नेट पे, तो उसको स्टडी किया, तो एवरेज मार्क 50 से 60 के बीच में थे, सम गॉट 65 ऐसे कुछ. शी गॉट 70 मार्क्स एंड शी गॉट द सर्टिफिकेट ऑफ ऑल इंडिया हाइएस्ट मार्क्स. और कुछ अटेम्प्ट पहले अनादर ऑफ आर स्टूडेंट मोहित अग्रवाल, इसे तो समझ में आ गया अग्रवाल लोगों को थोड़ी सी एजी ऑडिट में है ना, ही ऑल्सो टॉप ऑल इंडिया, उसको भी सर्टिफिकेट मिला. उसके मार्क्स कितने थे? 85. ये दोनों प्री एमसीक्यू पीरियड के समय है ना, तो अब अपने को थोड़ा सा घबराहट कम है, एमसीक्यू में स्कोरिंग थोड़ी बढ़ गई है. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज इंस्टीट्यूट चेकिंग अलग अलग अटेम्प्ट में अलग अलग तरह की करता है. अभी जैसे उसको लगा कि यार अभी सीए बहुत बन गए, सबको नौकरियां नहीं लगी है, तो वो चेकिंग थोड़ी सी क्या करेगा? टिपिकल कर दे. उसे लगा यार इंस्टीट्यूट में अभी सीए में लोग कम करने आ रहे हैं, चलो रिजल्ट बढ़ाना है अपने को, तो चेकिंग थोड़ी लीनियंट कर देगा. तो वो कैसे करते हैं? 5 मार्क का ऑडिट का क्वेश्चन आया, जैसे टैक्स का एक एग्जाम्पल लेता हूं समझाने के लिए. आपका 10 मार्क का एक क्वेश्चन है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स का. नॉर्मली क्या होगा, आपके हर स्टेप के कुछ कुछ मार्क्स होंगे और आपका फाइनल आंसर सही है तो उसके 2 मार्क होंगे. तो आप समझ लो 8 मार्क स्टेप्स के, 2 मार्क फाइनल आंसर के, 10 मार्क हो गए. जब उनको टिपिकल चेकिंग करना है तो वो क्या करेंगे, सारे स्टेप्स के 6 मार्क, 2 मार्क सही आंसर है तो उसके, और 2 मार्क वो एग्जामिनर को छोड़ देंगे कि अगर स्टूडेंट ने प्रॉपर आंसर ड्राफ्ट किया है, जिसे अपन बोलते हैं प्रेजेंटेशन के मार्क्स. प्रॉपर में जो डिफाइन करते हैं, जैसे उसने कहीं टोटल इनकम की जगह टैक्सेबल इनकम शब्द तो यूज नहीं कर लिया, उसने टोटल इनकम को टेंस में राउंड ऑफ किया या नहीं किया, इस तरह की उसकी प्रेजेंटेशन के आधार पे एग्जामिनर उसको 2 मार्क एडिशनल अवार्ड करे. मतलब समझे आप? अब मुझे टोटल इनकम लिखना है टैक्सेबल इनकम, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? मुझे अगर कोई बोल दे कि ये इतना इंपॉर्टेंट है तो मैं हमेशा टोटल इनकम ही लिखूं,
या 10 में राउंड ऑफ करने के मार्क्स कटते मुझे बता दे तो मैं राउंड ऑफ भी कर दूं, ऐसा थोड़ी ना मुझे आता नहीं है। बट क्या है, कई बार स्टूडेंट अगर इस मैटर पे कॉन्शियस नहीं है तो वो हो सकता है ऐसी गलती करके आ जाए। आई एम नॉट सेइंग हर रिजल्ट में इसके मार्क्स कटते हैं, हर एग्जाम में कटते हैं, बट जब चेकिंग टफ करना होती है इंस्टीट्यूट तो ऐसे करता है, जिसको आप एक तरह से स्टैंडर्ड डिडक्शन समझ लो। इंस्टीट्यूट कभी भी एसडी ऐसे नहीं लगाता कि सबके पांच पांच मार्क काट दो। आरटीआई में कवाड़े, आप कॉपी मंगाओगे 2 मिनट में पकड़ में आ जाएगा। वो कैसे काटता, अगर उसको चेकिंग कम करना है तो वो मैक्सिमम मार्क्स ही 5 मार्क के क्वेश्चन में 4 रखेगा और 1 बोलेगा आपकी इच्छा पे दो। वो कब दो, जब पूरी लैंग्वेज सही है, सारा कंटेंट सही है, जो कि होना मुश्किल है। ऐसे अटेम्प्ट में क्या होता है, ऑल इंडिया आईएएस 70 पे रुक जाते हैं, और जहां पे इसके मार्क्स नहीं होते वहां ऑल इंडिया आईएएस 85 जैसे भी चले जाते हैं। ऑडिट में आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि 90 प्लस आपका कभी भी ही ऑडिट में आएगा, क्योंकि थ्योरी पेपर है, मार्क्स तो कटने ही कटने। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो व्हेन वी टेक एनीथिंग इन द क्लास यू शुड बी प्लीज बी वेरी पर्टिकुलर, यू नो। एक कोई क्वेश्चन में कहीं कोई शब्द है, और मैं आपको मदद करूंगा हाईलाइट कराने में कि अपने को फोकस किन पॉइंट्स पे करना है, किन शब्दों पे करना है, जहां ऐसी गलती नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली अपने मार्क्स स्कोर करते हैं। ठीक है, तो अपन कंपनी ऑडिट कल से ही शुरू करते हैं। आज अपना एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया, फ्रॉम टुमारो वील स्टार्ट विद दिस एंड वील ऑल्सो हैव द मटीरियल अवेलेबल हियर, सो स्टूडेंट्स कैन टेक दैट। मैं शुरू के कुछ मटीरियल आपको ऐसे अदरवाइज सबको अवेलेबल भी करा दूंगा, सो दैट आपको एटलीस्ट शुरू की क्लासेस में इशू नहीं है, एंड देन यू कैन गेट द बुक्स इशूड। ठीक है, चलो, थैंक यू।